यश yes, बॉस क्या हालचाल चाल उड well. कोई दिक्कत नहीं को परेशानी नहीं हो रही एक बार जरा मुझे कंफर्म कीजिए सो दी कैन स्टार्ट गाइज यस आई होप आई एम ऑडिबल राइट और आवाज बिल्कुल दुरुस्त है कल का भी मैंने साउंड चेक किया था एंड इट वॉज फाइन कल का भी साउंड मैंने चेक किया था इट वॉज फाइन यस्ट डे ऑल्सो यस वॉइस लो चिराग गुप्ता नहीं वॉइस ठीक है कल का भी मैंने ऑडियो चेक किया था इट वॉज क्वाइट ओके बच्चे आप जरा अपना सिस्टम चेक कीजिए प्लीज़ प्रिंसी गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग एंटनी गुड इवनिंग श्रेया गुड इवनिंग पुलके तृप्ति मोहम्मद मजहर गुड इवनिंग कैसे हो इफ्तार हो गई राइट चिराग गुड इवनिंग मनीष यस पीयूष गुड इवनिंग या yeah, ओके okay है ओके okay है कोई इशू नहीं है कोई इशू नहीं है एक बार बेटा चेक कर लो ऑल गुड ऑल गुड ऑल गुड यस चिराग ऑल गुड थैंक यू छत्रपति या मुझे नहीं पता पोस्टपोनमेंट का क्या होगा मैं पोस्टपोनमेंट के बारे में कोई बात नहीं करूंगा काम करना है भाई काम करना है धोखा है धोखा आईसीआई अपने कंट्रोल में नहीं रहता मनीष कुमार गुड इवनिंग यस शोभित कैसे हो सब लोग चलिए शुरू करेंगे कल के सेशन से आगे शुरू करेंगे एंड विल ट्राई टू कंप्लीट ठीक है कहते हैं ना तेरे जैसा कोई मिला ही नहीं तेरे जैसा कोई मिला ही नहीं कैसे मिलता वो इस जहाँ में था ही नहीं सही बोला ना मैंने तेरे जैसा तुम लोगों जैसा कोई मिला ही नहीं आई एम फाइन कैसे मिलता वो इस जहाँ में था ही नहीं यू आर यूनिक एवरीबडी इज़ यूनिक लव यू ऑल यस भूमि गुड इवनिंग हिमाचली गुड इवनिंग बच्चे कैप डीजे सारे आए हैं डीजे जे वीजे लेके आए कोई दिक्कत नहीं डी जे आई एम फाइन डीजे आई एम फाइन थैंक यू थैंक यू थैंक यू दीपिका दे ठीक है आई होप कि सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए थे सारा रिविजन आपने किया था मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा छोटी सी जैसे मैं एक सेशन लेता हूं से चैप्टर नंबर फाइव में ऐसे पढ़ा रहा हूं कि आपने कभी ना भी पढ़ा हो तो यू कैन डू इट राइट सो जस्ट डू इट नंबर वन नंबर टू अगर अच्छा होगा कि मेरे छोड़ने के बाद आप इमीडिएटली आईसीआई मैट से या जो मेरी बुक है जिसको आप रेफर कर रहे हो उसको एक बार रीड कर लो मेरे साथ इस चार्ट के साथ चार्ट के इमीडिएटली बाद आपको घंटे डेढ़ घंटे का वक्त लगेगा उस चैप्टर को दो घंटे लगेंगे मैक्सिमम रीड करने में बट पता है तुम्हारा परमानेंट हो जाएगा आज अपन क्या करने वाले हैं मैं एक बार एजेंडा सेट कर लेता हूं कल हमने किया था स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस फार्मुलेशन इंप्लीमेंटेशन का प्रोसेस फार्मुलेशन वर्सेस इंप्लीमेंटेशन एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस स्ट्रेटेजिक प्लानिंग स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन रिलेटेड इश्यूज एटसेट्रा प्रिंसिपल एस्पेक्ट्स ऑफ स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे चेंज तक किया था डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का बेस रखा था चेंज मैनेजमेंट आपको सिखाया था टाइम्स मैगजीन मार्था का आपके साथ डिस्कस किया था ओटीसी वर्चुअल एक ऑर्गेनाइजेशन को सामने वीडियो को जरा कर लेना. कि सब तक इंफॉर्मेशन चली गई होगी ठीक है तो इतना कल हमने किया था आयुष वंदना पुलकित गुड इवनिंग यस यस आज आज कंप्लीट करेंगे राज गोस्वामी गुड इवनिंग आज इस टॉपिक को गुड क्लैरिटी आ गई ना अच्छी क्लैरिटी आ गई तो उसी क्लैरिटी उसी जज्बे को बिना इधर उधर की बात किए हुए टू द पॉइंट कॉर्पोरेट एग्जांपल्स के साथ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ कॉन्सेप्ट को समझते हुए एंड देन वी हैव टू कंप्लीट द टॉपिक्स कहते हैं ना कि अगर अंडरस्टैंडिंग है तो मेमोरी की गारंटी है अगर सिर्फ मेमोरी है तो उसकी कोई गारंटी नहीं कि एग्जाम वाले दिन क्या होगा इसीलिए मैं अपने तजुर्बे के साथ आपको यह चीज सिखा रहा हूं यू हैव टू यूज योर अंडरस्टैंडिंग इफ यू वॉन्ट टू मेमोराइज इट राइट सो जस्ट गो गेट इट आई होप कि रिजोल्यूशन परफेक्ट है सबको रिजोल्यूशन में वीडियो के रिजोल्यूशन में किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही है गलती से आज रिजोल्यूशन थोड़ा कम सेट हो गया है गलती से आ, कोई बात नहीं अभी चलने दो बीच में मैं यस हाँ एक बार लाइक करो मोटे मोटे तौर पे इतना अच्छा होगा कि क्लैरिटी अच्छी होगी कोई दिक्कत नहीं है उतने पे ही चलाओ आपका थोड़ा कंजम्पशन भी कम होगा अगर ब्लर नहीं आ रहा तो अदरवाइज आई विल Have to set up it again. तो उसके लिए मुझे डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा फिर वो अफोर्ड नहीं कर सकते अपन ठीक है तो प्लीज अहेड प्लीज गो अहेड प्लीज गोड ओके ओके चलो शुरू करते हैं यस yes, बच्चे कल के सेशन में थे? ये सब बहुत अच्छे से किया था आई होप कि कोई दिक्कत नहीं है आपको कोई दिक्कत नहीं है आइए कल हमने चेंज मैनेजमेंट कराया था स्ट्रेटेजिक चेंज के आपको तीन बातें क्लियरली समझा दी थी रिकोगनाइज द नीड फॉर चेंज क्रिएट अड विजन टू मैनेज द चेंज एंड इंस्टीट्यूशनलाइज देंज दीज थिंग कवर्ड देविन का जो फॉर्मूला था उसके हिसाब से हमने डिफरेंट फेजेज ऑफ स्ट्रिके थे बस रेफरेंस डिफरेंट है एंड चेंजिंग टू द न्यू सिचुएशन में एच सी केलमेन के तीन क्राइटेरिया कंप्लायंस आइडेंटिफिकेशन इंटरनालाइजेशन सी आई आई याद रखने के लिए एक छोटू सा बस आप यूज कर सकते हो वैसे जरूरत नहीं है सी आई आई

मुद्दा क्या है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन है 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 क्या ठीक डिजिटल e की तरफ जाना ई e मैगजीन की तरफ जाना ई e पेपर की तरफ जाना पोर्टल्स e e बनाना ऐप बनाना प्लेटफॉर्म बनाना और अपने आप को डिजिटाइज करना डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है ये तो बहुत बड़ा गेन है इसकी वजह से थर्टी परसेंट का मार्केट शेयर एक कंपनी का बढ़ जाता है लेकिन उसकी कुछ कॉस्ट है देखो कोई भी चीज बिना कॉस्ट के नहीं आती है गेन है है गेन तो उसके पीछे एक पेन पेन अब pain क्या क्या हो सकते हैं उसको discuss करना, उसको डिस्कस करना इनकॉर्पोरेट करना बहुत जरूरी है और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करना ही क्यों है इसको जानना भी बहुत जरूरी है इस पूरे टॉपिक में जो अगले आधे घंटे में मैं आपको कवर करूंगा लगभग लगभग हाफ एन आवर के अंदर तो ध्यान से सुन ले सारे बच्चे इसमें मैं बार बार बात करूंगा देखो ध्यान से क्या क्या बातें करूंगा दिमाग को क्लियर करो कि देखो जी इन्वायरमेंट में चेंज है रिक्वायरमेंट है डिजिटली ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफॉर्म करने की ऑर्गेनाइजेशन को एक बढ़िया इंफॉर्मेशन सिस्टम देने की समझ में आ रहा है इंफॉर्मेशन सिस्टम समझते हो ईआरपी टैली पी इंप्लीमेंट करते हो क्लाउड कंप्यूटिंग यूज करते हो ग्रिड कंप्यूटिंग यूज करते हो मॉडर्न कंप्यूटराइजेशन टेक्निक्स यूज करते हो कंपनी का ऑटोमेशन करते हो ये सब क्या है ये सब क्या है ये सब क्या है डिजिटाइजेशन है बिजनेस को ई e बिजनेस बनाना है तो बनाना है तो क्यों बनाना है यू शुड हैव अ प्रॉपर प्लान इन प्लेस एंड यू विल हैव टू आंसर द रीजन वाई यू वॉन्ट टू इंप्लीमेंट दिस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन डू यू वॉन्ट दिस इंफॉर्मेशन सिस्टम इन प्लेस नंबर वन तो ये पूरा टॉपिक वहां से उठा के यहां पे घुसाया गया है स्ट्रेटेजिकली इसको हम बोलते हैं इनोवेशन कहते हैं आईटी मैनेजमेंट आईटी टी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट थ्रू आईटी टी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इनोवेशन मैनेजमेंट भी बोलते हैं कई जगह इस पर टॉपिक होता है IMS में इसमें प्रॉपर कोर्स होता है पूरा का पूरा उसका समरी वर्जन आप पढ़ रहे हो यहां पे दो तीन पेजेस के अंदर ठीक है आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी वन नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट दूसरी चीज अगर यह इंफॉर्मेशन सिस्टम है इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई ना कोई गैप होगा तो गैप एनालिसिस करेंगे अच्छा जब हम इसे इंप्लीमेंट करेंगे तो कुछ ना कुछ इसके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव होंगे सोचते जाओ सोचते जाओ पहले सोचो पहले सोच बनाओ ठीक है पहले अपने आप को तैयार करो यस yes, सर कुछ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव होंगे इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट लगेगी कुछ टूल्स टेक्निक्स लगेंगे तो वो हमें प्रोक्योर या अक्वायर करने पड़ेंगे यस yes, सर करने पड़ेंगे जब वो हम करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन को डिजिटाइज करेंगे डिजिटली ट्रांसफॉर्म करेंगे तो बहुत सारा अंदर के जो लोग होंगे जो स्टाफ होंगे जरूरी नहीं कि हर कोई ट्रेंड हो स्किल्ड हो नहीं होंगे तो रेजिस्टेंस होगी इंप्लॉई छोड़ के भी जा सकते हैं या ज्यादा पैसे डिमांड कर सकते हैं कि हमसे रिम्यूनोरेशन बेहतर करो रिवॉर्ड दो अगर काम कराना चाहते हो तो ये सारी सिचुएशन आएगी यहीं पे रिक्वायरमेंट होती है चेंज मैनेजमेंट की क्योंकि आप ऑर्गेनाइजेशन में एक बड़ा चेंज लेके आ रहे हो आपको चेंज मैनेजमेंट करना पड़ेगा चेंज मैनेजमेंट की बात आएगी तो टॉप मैनेजमेंट की एंट्री होगी टॉप मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है चेंज मैनेजमेंट को स्मूथली गो थ्रू करना उसको प्रोसेस करना वहां पर मोटिवेशन ट्रेनिंग स्किल डेवलपमेंट रिवॉर्ड परफॉर्मेंस बेस्ड रिवॉर्ड इन सब की बात होएगी और तब जाके ऑर्गेनाइजेशन किसी एक मॉडर्न डिजिटल प्लेटफॉर्म को अडॉप्ट करेगी और ये अपने आप में एक स्ट्रेटजी है अडॉप्ट करेगी फिर कंपनी ग्रो करेगी उसको ग्रोथ मिलेगी आगे बढ़ेगी डेवलप होएगी, ये प्रोसेस है यही बात रिपीटेडली पूरे सिलेबस के अंदर अब जितना पार्ट अभी मैं पढ़ाऊंगा इस पूरे टॉपिक के अंदर इतनी बातें कॉमन रहेंगी और बार बार आएंगी तो घबराना नहीं है आपको पॉइंटर को दिमाग में रखना है कि सर ने कितनी बातें काउंट करके बोल दी हैं उतनी बातें अपने को लगा देनी है प्लेटफॉर्म के ऊपर ठीक है आओ बात करते हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एक छोटा सा एग्जाम्पल पहले आपको दे दू क्या क्लास में दिया था उसको शॉर्ट में एक मिनट से दो मिनट के अंदर मैं कवर कर रहा हूं आप देखिएगा सब लोगों को याद आएगा जो पहली बार देख रहे हैं उनको भी समझ में आएगा और जो बच्चे कभी ई आई एस वगैरह पढ़ के आए हैं पहले से या कभी आई टी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेवन ट्वेल्थ नाइन टेंथ में पढ़ के आए उनको भी समझ में आएगा और अकाउंटिंग फाइनेंस के बच्चों को भी समझ में आएगा ये एग्जाम्पल जरा आपके बोर्ड पे है जरा ध्यान से देखना यहीं से सारा चीज प्रूव कर दूंगा यही मास्टर एग्जाम्पल बनेगा अगले टॉपिक के लिए ध्यान से सुनना सारे बच्चे ठीक है यहां तक कोई दिक्कत एक कंपनी है मैकमिलन सर उस कंपनी को मान लो कोई माल बनाना है तो उसको क्या करना पड़ता होगा परचेज करना पड़ता होगा रॉ मटेरियल ठीक है और आपने तो पढ़ा ही है सीएमए कॉस्टिंग के अंदर रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए प्लांट का वेयर हाउस क्या देता है प्लांट क्या इश्यू करता है परचेज स्लिप पी आर स्लिप क्लियर है सबको बोलो एक बार यस जरा बातें करो टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए भाई वन वे नहीं होना चाहिए ठीक है आप लगातार कमेंट करते रहेंगे और जहां जहां मैं बोल बोल के आपको कराऊंगा वहां बोल बोल के करेंगे आप अपने कमरे को बंद करके बोलेंगे मेरे साथ जब मैं रिकॉल करने के लिए बोलूंगा तो रिकॉल करेंगे सीए स्टडी का सबसे बड़ी टेक्निक है रिकॉलिंग बिकॉज एग्जाम हॉल में आपको करना होता है रिकॉल और लिखना होता है पेन डाउन करना होता है तीन घंटे यही दो काम होते हैं तो ये दो काम आपको अपनी पूरी जिंदगी में करना है सो so दैट कि आप वहां भी वैसे ही कर पाओ जैसा आज सोच रहे ठीक है यस वेरी गुड वेरी गुड थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू आने लगे जवाब ओके okay. तो इनको पीआर स्लिप चाहिए होता है पीआर स्लिप को ये क्या करते हैं

प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट इसको चेक करते हैं ध्यान से सुनो और चेक करने के बाद क्या रिलीज करते हैं परचेज ऑर्डर किसको उस वेंडर को जिसका कोटेशन अप्रूव हुआ है एक किसी को भेज दिया अब एक्स वाई जी लिमिटेड की जिम्मेदारी है कि वो माल पैक करे पैक करके लॉरी रिसीट के साथ बिल्टी के साथ वो हमें भेजे हमारे वेयर हाउस को वो क्या करता है इस माल को भेज देता है हमारे वेयर हाउस में वेयर हाउस की एक प्रक्रिया है जिसको हम बोलते हैं क्वालिटी चेक वो क्यूसी करता है उसको पता चलता है कि 500 यूनिट 5000 यूनिट हमने ऑर्डर किया था जिसमें से 500 यूनिट डेमेज आया है तो क्रेडिट नोट इश्यू होएगा बोलो डेबिट नोट क्रेडिट नोट एक्सचेंज होएगा अकाउंटिंग तुम करते रहे ना अकाउंटिंग करने को मैं नहीं बोल रहा हूं ठीक है फाइनेंस में भी ये सब चीजें डील करते हैं ना ठीक उसी चीज को पेबल्स मैनेजमेंट रिसीवेबल्स मैनेजमेंट तो वही पेबल मैनेजमेंट वाला प्रोसेस डिस्कस कर रहा हूं कुछ नया नहीं डिस्कस कर रहा हूं और उसको कनेक्ट कर देता हूं आपके सब्जेक्ट से सो देट की एग्जाम में आपको कुछ नई बात याद करने की कोशिश ना करनी पड़े ठीक है आप जो रोज पढ़ते हो उसी को यूज करो ना अपने एग्जाम्पल के तौर पर वो भी कॉरपोरेट ठीक है जी क्यूसी हुआ क्यूसी के बाद ये रॉ मटेरियल मटेरियल इश्यू नोट के थ्रू पहुंच जाता है प्लांट में अब मैकमिलन यहां पे जो भी बनाना चाहता है बना ले भाई जो भी उसको प्रोडक्ट बनाना है बुक बनानी है मशीन बनानी है लैपटॉप बनाना है कंप्यूटर बनाना है बना ले जैसा रॉ मटेरियल था ये पूरा प्रोसेस है ध्यान से सुनिए यह प्रोसेस क्या लगता है आपको डिजिटल प्रोसेस है कि मैनुअल प्रोसेस है सारे बच्चे बताएं एक एक करके जवाब देना जो जो पूछ रहा हूं उसका जवाब देना ये मैनुअल प्रोसेस है कि डिजिटल प्रोसेस है ओके okay, चलो थैंक यू डिजिटल प्रोसेस है अच्छा है अच्छा अच्छा डिजिटल अच्छा, प्रोसेस है ये डिजिटाइजेशन देखा तुमने देखो कितने लोग इन्वॉल्व है स्टेप बाय स्टेप ठीक है ये एक मैनुअल प्रोसेस है एजेंटेट अच्छा जी इस मैनुअल प्रोसेस में कितने स्टेप्स हैं बहुत सारे स्टेप्स हैं कितने लोग इन्वॉल्व होंगे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होंगे कोई पीओ छांट रहा है कोई परचेज रिक्विजीशन उठा रहा है कोई प्रोक्योरमेंट Uh, वहाँ से कोटेशन uh, मंगा रहा है इतने सारे कोटेशन इवेलुएट किए जा रहे हैं फिर उनको PO's को फिर पी ओ रिलीज किया जा रहा है फिर पीओ पे माल आ रहा है माल को चेक किया जा रहा है बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है से इस पूरे प्रोडक्ट को इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने में अपने को बहुत सारे दिन लगते हैं जो मैंने यहाँ लिखे भी हैं एक दो तीन दो पाँच दो सात एक आठ एक नौ चार तेरह दो पंद्रह फिफ्टीन डेज का टाइम लगता है इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने में कितना 15 डेज ये तो प्रोसेस रॉ मटेरियल की पीआर स्लिप से लेकर के प्लांट को रॉ मटेरियल इश्यू करने तक में पंद्रह दिन लग गए बॉस दुनिया बहुत तेज चल रही है पंद्रह दिन में तो एक वॉर खत्म हो जाता है या कोई वॉर नया हो जाता है तो पंद्रह दिन का वक्त किसी के पास है क्या कुल तीस दिन के बाद तो हमारे एग्जाम हो जाएंगे सीधी सी बात है ठीक है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है तो क्या करूं और दूसरी बात पेमेंट तो अभी भी नहीं हुई ये सारा कांड होने के बाद तो इनवॉइस रेज होगा वेंडर का मान लो पांच दिन और लगते हैं इनवॉइस फाइनेंस के पास जाएगा वो अप्रूव करेगा वो चेक करेगा कि क्यूसी वाली रिपोर्ट के साथ जब टैली कर लेगा कि जो हमने पीओ रिलीज किया था जो माल आया है डेबिट नोडिट डेबिट क्रेडिट नोट सब एडजस्ट करने के बाद तो उसको पता चला कि यार पांच का ऑर्डर दिया था पैंतालीस यूनिट ही रिसीव हुआ है नेट बाकी तो क्रेडिट नोट है ठीक है तो उतने का पेमेंट होएगा और पेमेंट टर्म मान लो थर्टी डेज है तो सर थर्टी फाइव डेज और लगा लीजिए तो सर पंद्रह और पैंतीस कितने हो गए कुल मिला के सर फिफ्टी डेज का प्रोसेस हो गया बहुत लंबा प्रोसेस है भाई इतने में तो वेंडर नाराज हो जाएगा बोलो यस और नो अब सुनो ध्यान से अब कंपनी बड़ी परेशान हो चुकी थी वेंडर्स के इशू को पेबल्स मैनेजमेंट को मैनेज करते करते टू बाय टेन नेट फिफ्टी ये क्या हो गया सारे फाइनेंस के बच्चे बताएंगे क्या हो गया टू बाय टेन नेट फिफ्टी कुछ ऐसा हो गया क्या बोलो यस yes नो no. कुछ मोटा मोटा तो ये जो लीड टाइम है yes, time, time. Yes, you, Adip, ये ये साइकिल टाइम टाइम लीड यस थैंक थैंक यू यू बहुत लंबा मामला है कंपनी ने बोला इससे बात नहीं बनेगी क्योंकि इंडस्ट्री में जो बाकी हमारे कॉम्पिटिटर हैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूं कॉम्पिटिटर जैसे ही कंपटीशन की एंट्री होती है वैसे ही स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आ जाता है बस बात समझ लेना मेरी भावनाओं को समझो तुमने पहले के चैप्टर कर रखे होंगे डिटेल में कंपटीशन और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वर्ड आने का मतलब होता है कि जनरल मैनेजमेंट से हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की तरफ बढ़ गए तो ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि भाई मैकमिलन थॉमसन सेंगे मैग्रो और पियर्सन जैसी कंपनियां तो इस पचास दिन के लेन प्रोसेस को फॉलो ही नहीं करती इसीलिए तो उनके सप्लायर टाइम से, से उनको अच्छा रॉ मटेरियल ठीक ठीक प्राइस पे देते हैं हमारे को नहीं देते हैं हमारी कॉस्ट अप होती है बोलो यस और नो मतलब इस प्रोसेस की वजह से हमें नुकसान क्या है देखो ध्यान से सुनो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हमारी कॉस्ट हमारी सप्लाईज की प्राइस ज़्यादा होगी तो हमारी कॉस्ट क्या होगी ऊपर जाएगी हमारे राइवल्स की नहीं है इसका मतलब उनके पास कॉम्पिटिव एडवांटेज है तो इस डिसएडवांटेज इस को ब्रिज करने के लिए इस गैप को पूरा करने के लिए आई एम यूजिंग द वर्ड गैप इस कम्युनिक इस, इस इश्यू को इस गैप को फुलफिल करने के लिए मैं क्या करूंगा मैं बदलते वक्त के हिसाब से अपने ऑर्गेनाइजेशन को भी बदलूंगा मैं डिजिटली ट्रांसफॉर्म करूंगा इस पूरे प्रोसेस को मैं क्या करूंगा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मोड में डाल दूंगा ये एग्जांपल ठीक से समझ लेना ये एग्जाम्पल ठीक से समझ लेना ठीक है ओके okay. अब इसने क्या किया कंपनी ने कि ये सारा जो कांड था ना इसको कंप्लीट करने के लिए एक ऐप बनवा दिया ई e प्रोक्योर नाम का एक एप्लीकेशन बनवा दिया और उसने बोला चाहे वेंडर हो चाहे प्लांट हो चाहे परचेस डिपार्टमेंट हो फिनांस डिपार्टमेंट हो जितने भी हो वेयर हाउस हो क्यूसी एक्सपर्ट हो जितना कुछ भी होगा सब किसके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे इसी इसी ऐप के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे सबको यहां जोड़ दिया और इसका एक कॉमन डेटा कर दिया जो सेंट्रलाइज है सबको एक्सेसिबल है मतलब पीआर स्लिप जाएगा तो इस ऐप के पास परचेज डिपार्टमेंट यहां से एक्सेस एक्सेस करेगा करेगा फाइनेंस वेंडर को अपने आप पहुंच जाएगा वेंडर कोटेशन भी यहीं सबमिट कर देगा ध्यान से सुनते जाना यहीं से कोटेशन आएगा यहीं फाइनेंस एंड परचेज डिपार्टमेंट देख करके उनको नोटिफिकेशन आएगी देख करके अप्रूवल देंगे किसको अप्रूव किया वो वेंडर यहीं से अपना पिक कर लेगा ऑर्डर ऑर्डर करे order को एग्जीक्यूट करेगा एग्जीक्यूट करने के बाद यहीं पे उसकी लॉरी रिसीट एंड बिल्टी वगैरह वगैरह यहीं पे अपलोड हो जाएगी वेयर हाउस उस माल को रिसीव करेगा रिसीट की नोट भी यहीं देगा और जब क्यूसी कर लेगा तो उसकी रिपोर्ट भी यहीं सबमिट कर लेगा जिसको परचेज एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट चेक कर लेंगे क्लियर क्लियर कहानी ये पूरा आपका अकाउंटिंग कॉस्टिंग सब हो गया ना यहां पे फाइनेंस निपट गया ना अब सुनो ध्यान से ठीक है अभी क्या हो गया कि अब जब यहीं पे सारा कुछ हो जाएगा तो बहुत ही सिंपल सी बात है सभी ध्यान से सुनना जब यहीं पे सारा कुछ हो जाएगा इसका मतलब है कि अपना बहुत सारा वक्त बचने वाला है बच, बचने वाला है और बहुत सारा मैन पावर कम लगने वाला है इसकी वजह से कंपनी का कम से कम आठ से दस दिन तो सेव हो ही जाएगा ना बॉस देखो टाइम बचा तो मनी बचा एफर्ट बना पीपल बचे लोग बचे बहुत कुछ हुआ लेकिन ये तो सर इस प्रोसेस टाइम का साइकिल टाइम इसका लीड टाइम कम हो गया सॉरी इसका लीड टाइम कम हो गया कितने से मान लो वो पंद्रह दिन का प्रोसेस यहां पे पांच दिन में पूरा हो जाता है फाइव डेज के अंदर तो टेन डेज की तो सब कुछ बची ना दस दिन से पहले उसको पेमेंट भी जाएगी ध्यान से सुनना दस दिन से दस दिन का हमारा सारा कॉस्ट भी बचा दस दिन का लेबर आर भी बचा मैन पावर मटीरियल रिसोर्सेस ओवरहेड सब बच गए ना अपने तो ये फाइनेंस भी है स्ट्रेटजी भी है सभी ध्यान से सुनेंगे ये हुआ कुछ इश्यूज जनरेट होंगे इसके इंपॉर्टेंस भी हैं इसके बेनिफिट्स भी हैं और इसके साथ इश्यू भी है बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं बेनिफिट तो यह है कि लीड टाइम कम हो गया कॉस्ट कम हो गई टाइम कम लगा एफर्ट कम लगा प्रोसेस फास्ट हो गया हमारा वेंडर uh, सेटिस्फाइड है वो वैल्यूएबल है वो हमारे को बेटर प्रोडक्ट एट लोअर प्राइस देगा उसको टाइमली पेमेंट होगी वो हैप्पी सप्लायर होगा हमारी हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगी जब दुनिया को सप्लाई नहीं मिल रही होगी तो हमें सप्लाई मिल रही होगी बोलो यस सर नो ये सब तो इसके एडवांटेजेज हैं ठीक है यही डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है अब सर इसको मॉड्यूल के हिसाब से सोचना शुरू करते आइए मॉड्यूल पर चलते मॉड्यूल पर आइए ध्यान से देखना डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का आईसीआई डेफिनेशन क्या है इसी 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 एग्जाम्पल से निकला है अ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज मतलब ये अपने आप में चेंज है मैकमिलन ने अपने आप को चेंज किया वर्ड नंबर वन टू बी नोटेड माय डियर फ्रेंड्स ऑर्गेनाइजेशनल चेंज है क्या फायदा है इनेबल्स द ऑर्गेनाइजेशन टू यूज डिजिटल टेक्नोलॉजी ई प्रोक्योर ऐप यूज किया सेंट्रलाइज डेटाबेस वाला ठीक है कस्टमर customer का मतलब इंटरनल एक्सटर्नल दोनों कस्टमर होता है और आपको फंडामेंटल तीन द मोर वैल्यू क्रिएट द मोर कॉम्पिटेटिव एडवांटेज इज वी गेन मतलब अल्टीमेटली हमें फोर बोलो इतनी बात समझ में आ गई सारे लोगों को अब तक तुम रटते हो गए मैंने तुम्हें यह एग्जाम्पल समझा दिया ये एक चेंज है जिसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज होती है और वो वैल्यू क्रिएट करती है और ऑर्गेनाइजेशन को कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिलता है बोलो यस और नो ठोको ठोको ताली थोको इसको लॉक करो इसको बोलो क्लियर है यस yes. क्लियर है यस 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 अब आ जाओ चेंज मैनेजमेंट क्यों क्योंकि तुमने तो चेंज किया है ना यहां पर यहां चेंज किया है ना

A systematic approach to dealing with the transition of an organizational goals processes and technologies Matlab, you are transforming from the old to new manual to manual to manual to digital manual to digital and at that time of point of time you are setting new goals and objective you are adopting new process with e procure and you are using new technology एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू नीड अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू डील विद इट अगर तुमसे गलती हुई तो दुर्घटना घटी अगर तुमसे गलती हुई तो दुर्घटना घटी बात बात क्लियर है? बात क्लियर है है यस 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 श्रेया थैंक यू थैंक थैंक यू यू मोहित यू। कौन सा चैप्टर पांच चल रहा है मोहित अब ध्यान से देखना सर चेंज मैनेजमेंट का पर्पस क्या है छोटू सा लाइन सर एमपी सर एमसीक्यू आ सकता है सर एमसीक्यू पॉइंट सर एमपी सर का मतलब होता है एमसीक्यू पॉइंट सर दोबारा बता रहा हूं दोबारा नहीं बताऊंगा सर देखो इफेक्टिंग चेंज चेंज मैनेजमेंट का पर्पज क्या है चेंज को अफेक्ट में ले आना ठीक है अच्छा उसकी वजह से जो बदलाव होंगे डेविएशन होंगे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे नाम बताओ क्या क्या रेजिस्टेंस लोग कंपनियां छोड़ के जाएंगे इंप्लॉय टर्नओवर ओवर ठीक इन एफिसियंसी भी शुरू शुरू में आएगी क्योंकि जैसे ही तुम चेंज करोगे लोग ट्रेंड नहीं होंगे तो काम याद करो बैंक का जब डिजिटाइजेशन हुआ बैंक में जब कोर बैंकिंग सिस्टम इंप्लीमेंट हुआ कंप्यूटराइजेशन हुआ तो जो काम काउंटर पे पंद्रह मिनट में होता था वो कंप्यूटर से अंकल लोग दो दो घंटे एक एक घंटे लगा देते थे यहां ए फिर बी दबा रहे धीरे धीरे ट्रेंड नहीं थे ना तो बैंक में और लेंदी काम होता था लेकिन धीरे धीरे देखो सारे ट्रेंड हो गए में, में, घर पे बैंकिंग हो रही है, आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है गेटिंग द पॉइंट तो सर चेंज होएगा आपको उस चेंज को कंट्रोल करना पड़ेगा और कंट्रोल करने के होंगे सबसे पहले चेंज देन चेंज एंड चेंज सर ऊपर यही तो पढ़ा था आपने यहां पे यही तो पढ़ा था आपने जरा कनेक्ट कीजिए रिकॉग्नाइज द नीड फॉर चेंज क्रिएट विजन टू मैनेज चेंज एंड इंस्टीट्यूशनलाइज चेंज तो अफेक्ट ऑफ चेंज मैनेजमेंट क्या है चेंज को इफेक्ट में लेके आना उसको कंट्रोल करना और उसको अडॉप्ट करना और डेली रूटीन का पार्ट बना देना बोलो यस और नो क्लियर है चेंज मैनेजमेंट वर्ड आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर है ठोक के बोलो यस और नो जस्ट टू स्टार्ट विथ ठीक है तीन बातें अफेक्टिंग द चेंज कंट्रोलिंग द चेंज एडाप्टिंग टू द चेंज समझना मुश्किल नहीं है मैं याद करा रहा हूं अफेक्टिंग द चेंज कंट्रोलिंग द चेंज एंड अडाप्टिंग टू द चेंज ठीक है ओके डन नेक्स्ट अब सर एक छोटा सा टॉपिक है जो एज इट इज आएगा ये अमेंडेड एरिया है तो नोट कर लीजिए वेरी वेरी हॉट ये पूरा का पूरा अमेंडेड एरिया है मैंने लिख दिया होगा कहीं ये न्यू एरिया है पूरा एक एक वर्ड पढ़ेंगे जो जो मैं मार्क करके आपको करा रहा हूं समझा मैंने सारा दिया है फोर असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ चेंज मैनेजमेंट इन इन डिजिटल के अंदर ओटीसी वर्चुअल वाला पढ़ाया अभी मैकमिलन वाला डिस्कस किया कल मार्था नेल्सन का डिस्कस किया था टाइम्स मैगजीन का इसलिए बेटा क्योंकि इस क्वेश्चन को पूछने के लिए इंस्टीट्यूट ऐसे प्यारे प्यारे वर्डों के शब्दों के थ्रू नहीं जाएगा वो पहले आपको एक कहानी में घुमाएगा और कहानी में घुमा के आपसे निकालेगा यूं करके ला बेटा दिल दे मुझे तो तुम्हें दिल निकाल के ऐसे देना पड़ेगा ठीक है सीधा इंस्टीट्यूट तो दिल मांगे मोर है वो तो बहुत मांगता है ठीक है देना पड़ेगा बहुत सारा हार्ट चलो फोर एसेंशियल एलिमेंट ऑफ चेंज मैनेजमेंट इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन तुमने अभी मैकमिलन का केस देखा उसमें चार इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स या एलिमेंट्स क्या थे सबसे पहले मैकमिलन को ये समझ में आ गया कि हमारा ये पचास दिन का प्रोसेस चोलबे ना थकबे ना चौलबे ना मतलब चलेगा नहीं है ना वो सब नहीं चलेगा होवे ना ठीक है कैलकटा वालों सुनो ध्यान से ठीक है तुम भी सुनो थोड़ा ध्यान से यस ठीक है चलेगा नहीं तो अभी क्या है डिफाइन द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ डीटी तो उसने कहा भाई गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है सर ये है कि हमारा प्रोसेस डिले है लीड टाइम ज्यादा है 50 डेज का है हमको रिड्यूस करके कितना करना है 30-35 डेज पे लेके आना है मित्रों 15 दिन कम करना है तो 15 दिन की कॉस्ट बचेगी तो कोई भी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से पहले दर इज इंपॉर्टेंट एलिमेंट दैट यू डिसाइड वाई टू चेंज तो देर आर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव यू विल हैव टू सेट दैट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ध्यान से सुनो एक कोई भी कंपनी आगे के लिए भी एग्जाम्पल दे रहा हूं क्योंकि तो यहां भी यूज करेंगे देखो रोल ऑफ चेंज मैनेजमेंट वापस से क्वेश्चन आएगा यहां भी डिस्कस करेंगे तो उसको मैं यही बता रहा हूं कोई भी कंपनी टैली क्यों यूज करती है वो खाता ना वही जो अंकल कहे वही सही कोई बुरा बात है क्या उसमें कोई बुराई है क्या जरा सोच के बोलिएगा आप लोग कोई दिक्कत नहीं ना मैनुअल सिस्टम से कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई गाली दे रहा है क्या बोल दे भाई हम नहीं हम नहीं यूज टू हैं एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर लेकिन टैली यूज करते हैं बिजी यूज करते हैं ईआरपी यूज करते हैं मॉडर्न आजकल कंप्यूटराइज ऐसे टूल आ गए उनको यूज करते हैं एक एक प्रोसेस को मैनेजमेंट करने के लिए मॉड्यूल्स यूज करती है कंपनियां क्यों लीव देने तक के लिए सॉफ्टवेयर बना देती हैं कि लीव भी मैं ऑनलाइन ही दूंगा जिस तरह से प्रोक्योरमेंट ई प्रोक्योर के थ्रू ऑनलाइन कर रहा हूं क्यों ऐसा क्यों क्योंकि मैनुअल सिस्टम में कुछ याद रहा कुछ भूल गए कंप्लायंस नहीं कर पाएंगे ऑडिट ट्रेल नहीं मिलेगा ध्यान से सुनना से सुनना आपका ऑडिट बदल रहा है आपका फाइनेंस बदल रहा है आपकी अकाउंटिंग बदल रही है ऑडिट ट्रेल ढूंढना मुश्किल होता है क्या लॉग 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 ऑडिट लॉग समझ आ रही मेरी बात जो कहने की कोशिश कर रहा हूं इसीलिए कंपनियां क्या करती है आजकल हर चीज को कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसको हम बोलते हैं टेली यूज कर रही है कलेक्शन बहुत डिले हो रहा है उस चीज का पेमेंट कर देते हैं जो पेमेंट हमको करनी नहीं थी क्योंकि याद नहीं रहा ठीक है कोई है, कोई रेगुलेटरी कंप्लायंस कंप्लायंस है है टैक्स की वो गलत कर देते हैं पेनल्टी लग जाती है लॉसूट आ जाते हैं इंप्लॉयज की सैलरी देर से जाती है नाराज हो जाता है ईओक्यू का लेवल ध्यान से सुनना डिजिटाइजेशन ना करने के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ध्यान से सुनना यू आर इन टू डिटेल रिविजन ठीक है ध्यान से सुनना ये नया एरिया है ना तो इसको बहुत प्यार से पढ़ना है यहां गलती नहीं करनी है क्योंकि इंस्टीट्यूट को हमें नहीं पता वो कैसे पूछेगा ठीक है तो अपने को हर बात समझ लेनी है ध्यान से सुनना एक दो और एग्जाम्पल दे रहा हूं गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव एक कंपनी 500 यूनिट प्रोड्यूस करती है उसके लिए ईओ का लेवल एक मटेरियल का सेट करती है से 50 यूनिट्स साल 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 के तीन साल के तीन साल के तीन साल के बाद 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 मैनुअल सिस्टम है है उस कंपनी की सेल पांच गुनी बढ़ जाती प्रोडक्शन भी पांच गुनी बढ़ जाएगी मतलब ट्वेंटी फाइव हंड्रेड यूनिट्स की प्रोडक्शन हो गई बताओ उसका ईओ क्यू उतना ही रहेगा कि बढ़ेगा बोलो जरा बोलो जरा बढ़ना चाहिए ना लेकिन कंपनी मैनुअल सिस्टम यूज करती थी उसका ईओ क्यू का लेवल कागजों पर आज भी वही है उसी को फॉलो कर रही है बताओ प्लांट के अंदर हमेशा रॉ मटेरियल की शॉर्टेज बनी रहेगी कि नहीं बनी रहेगी मित्रों बताइए बनी रहेगी कि नहीं बनी रहेगी एफिशियंसी कम होगी स्ट्रेटेजिकली रॉन्ग है इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या कहते हैं सर डिजिटाइज करो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करो क्योंकि यहां मैनुअल कुछ याद रहा कुछ भूल गए सिस्टम से काम नहीं चलेगा हमें एक सिस्टम चाहिए जो अलार्म बेल बजाए बेटा ईओक्यू रिवाइज हो गया अपने आप बेटा टाइम से पेमेंट हो गया बेटा सैलरी आ गई बेटा सैलरी चली गई कंप्यूटर झूठ नहीं बोलता ऐसा वाला डायलॉग मारते हैं ना कंपनियों के अंदर लोग इसीलिए ठीक है ईडी आती है लैपटॉप उठा के ले जाती है मोबाइल उठा के ले जाती है और सब डेटा निकाल लेती है लॉग्स ऑडिट लॉग्स ट्रेल मिलता है ट्रेल इसीलिए गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया है डिजिटाइज करना हर चीज को इसीलिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर भी पढ़ रहे हो इन ग्रेटर डिटेल ओके वेरी गुड नेक्स्ट अब आ जाओ असेसिंग द करेंट स्टेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड आइडेंटिफाइंग द गैप्स अभी मैंने जितनी चीजें बताई वो क्या थी तमाम तरह के गैप्स थे क्यों क्योंकि ओल्ड प्रोसेस प्रोसेस न्यू में गैप है। Now, to change. You have to give a कैसे? मैंने अभी बताया e app के मैंने मैंने अभी बताया, ERP implement करके. मैंने अभी बताया बताया करके। क्लाउड की सर्विसेज यूज करके दिस इज द रोड मैप टू चेंज रोड मैप टू चेंज एंड देन ध्यान से सुनना सबसे इंपॉर्टेंट है क्या है इंप्लीमेंटिंग एंड मैनेजिंग द चेंज दिस इज मोर क्रूशियल इंप्लीमेंटेशन के लिए क्या चाहिए आपको तमाम रिसोर्सेज जो आप ऑफ इंप्लीमेंटेशन में रिक्वायरमेंट ऑफ इंप्लीमेंटेशन में एग्जीक्यूशन प्रोसेस में जितने भी पॉइंटर पड़ चुके हो वो सब यहां पे लगेंगे ना चेंज तो चेंज है स्ट्रेटजी तो इंप्लीमेंटेशन तो इंप्लीमेंटेशन है और मैनेज द चेंज अभी यहां बात समझ में आ गई मार्था नेल्सन ने जैसे मैनेज किया था मतलब ट्रेनिंग फिर से बोल रहा हूं ट्रेनिंग स्किल डेवलपमेंट

सबसे पहला बताओ पॉइंट बोलो मेरे साथ फोर एसेंशियल एलिमेंट्स कौन कौन से नंबर वन डिफाइनिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव डिफाइनिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाइंग गैप्स रोड मैप टू चेंज क्रिएटिंग रोड मैप टू चेंज एंड इंप्लीमेंटिंग एंड मैनेजिंग द चेंज फिर से बोलो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आइडेंटिफाइंग द गैप उसके बाद रोड मैप फॉर चेंज एंड यू नीड इंप्लीमेंटेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द चेंज एट एवरी लेवल विद इन ऑर्गेनाइजेशन क्लियर है क्लियर है क्लियर है ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी आती है ना आजकल छापे मारती है ना सबके घर घर घूम घूम के तो छापे मार के क्या करती है यस थैंक यू आइडेंटिफाइंग द गैप लिखते जाओ लिखते जाओ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाइंग आइडेंटिफाइंग द द गैप गैप ऑब्जेक्टिव रोड मैप ऑफ चेंज रोड मैप फॉर चेंज रोड मैप फॉर चेंज वो आपको क्लियर है कैसे कैसे मिलेगा आपको नई स्ट्रेटजी बनानी है आपको ई प्रोक्योर ईआरपी क्या इंप्लीमेंट करना है आपको डिसाइड करना है देन इंप्लीमेंट द एंड मैनेजिंग द चेंज ये बात बार बार रिपीट होगी इस टॉपिक के अंदर ठीक है ओके अब आ जाइए यहां आइए रोल ऑफ चेंज मैनेजमेंट इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ध्यान से सुनना डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का क्या में चेंज मैनेजमेंट का क्या रोल है अब इस क्वेश्चन को दोबारा दूसरे तरीके से पूछ दिया ठीक है एकदम दोबारा से पूछ दिया इसी क्वेश्चन को इंस्टीट्यूट लिखते हुए ना पगला गया होगा वो सोच रहा होगा कि अच्छा एक बार और बता देता हूं एक बार दूसरे तरीके से बता देता हूं अब आपको प्रॉब्लम यह हो जाएगी कि जब फोर असेंशियल एलिमेंट्स पूछे तो यह लिखना है और रोल ऑफ चेंज मैनेजमेंट इन डीटी बोले तो ये लिखना है बातें ऑलमोस्ट सेम ही है ठीक है देखो क्या है पहला स्पेसिफाई द पैरामीटर्स एंड गोल्स ऑफ द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का गोल क्या है अब मैं पिछले प्रोसेस की बात करूं तो लीड टाइम रिड्यूस करना क्लियर दूसरा इतना ही है पॉइंटर्स में है डिटरमाइन विच प्रोसीजर एंड टूल्स नीड्स टू बी मॉडिफाइड अरे ई e प्रोक्योर मतलब हमारा जो प्रोक्योरमेंट का सिस्टम था उसी को मॉडिफाई करना है उसको हमें कंप्यूटराइज करना है मैनुअल से मेक अ प्लान फॉर इंप्लीमेंटिंग द इंप्रूवमेंट सर उसके लिए रोडमैप बनाना है और उसके बाद सर इन्वॉल्व स्टाफ मेंबर्स एंड पार्टीज इन्वॉल्व इन द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस सबको इन्वॉल्व करना है मतलब यहां से चेंज मैनेजमेंट को हमें मैनेज करना है मैनेजिंग द चेंज कर रहे हैं हम इंप्लीमेंट कर रहे और मैनेज कर रहे हैं और कॉन्टिन्यूसली कंट्रोल कर रहे हैं ट्रैक प्रोग्रेस एंड मेक रिक्वायर्ड कोर्स कनेक्शन इफ देर एनी थिंग इज देयर मतलब हमें कॉन्टिन्यूसली इंप्रूव भी करते रहना है इतनी बातें हैं रिपीटेशन है इसी का रिपीटेशन है टर्मिनोलॉजी बदल गई पॉइंटर बदल गए जज्बात बदल गए क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल गया रोल ऑफ चेंज मैनेजमेंट इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सबसे पहले बताइए क्या स्पेसीफाई द पैरामीटर्स एंड गोल्स ऑफ डी टी मतलब गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ डी टी को स्पेसिफाई करो नंबर वन

वो छोड़ के चले जाएंगे दिक्कत होगी उनको सर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी स्किल देना पड़ेगा रिवॉर्ड करना पड़ेगा ट्रैक प्रोग्रेस एंड मेक रिक्वायर्ड कोर्स करेक्शन होता है कॉन्टिन्यूस इवेल्यूएशन का प्रोसेस सर ऑडिट में भी होता है यहां भी होता है कहीं भी होता है सर दीज आर द फाइव इंपॉर्टेंट रोल्स ऑफ चेंज मैनेजमेंट इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ठीक है तो असेंशियल एलिमेंट्स अलग है रोल अलग है लेकिन ध्यान रखना दोनों में काफी सिमिलैरिटी है आपको ध्यान से पॉइंटर्स को क्यू में लगा के रखना पड़ेगा ठीक है क्वेश्चन दोनों के क्वेश्चन को कैसे आइडेंटिफाई करें क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको दो चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी एक तो यहां पे आपको साफ साफ दिखेगा एलिमेंट्स लिखा हुआ यहां रहेगा रहेगा यहां रोल ऑफ चेंज मैनेजमेंट ठीक है ये दो आइडेंटिफिकेशन के टूल हैं एक टॉपिक से काम चल सकता था आईसीआई पगला गया होगा मतलब थोड़ा सा दीवाना हो गया होगा नया टॉपिक है और लिखो और लिखो अलग तरीके से लिखो पन्ने भरो रुपए मिलते हैं पर पेज के तो लिखने वाले ने भावनाओं में आके पेल दिया बच्चे की जिंदगी खराब कर दी अब तुम्हें विश्वास नहीं होता तुम देख लो दोनों में क्या अंतर है कोई बड़ा अंतर नहीं है उसी बात को दूसरे तरीके से बोला और कुछ नहीं किया बस पेज भर गया एक ठीक है आई होप दिस इज क्लियर टू यू तो ये दो चीजों को आपको मिला के आगे बढ़ना है ठीक है डन अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अटेम्प्ट में आने के पूरे पूरे चांसेस है मैं इसको मार्क कर रहा हूं न्यू है इसी से रिलेटेड है काफी कॉमन बातें होंगी लेकिन आपको प्रोसीजर के हिसाब से चलना पड़ेगा ध्यान से सुनेंगे आप मेरे को प्लीज पांच मिनट शांति से सुनेंगे ठीक है लिख लीजिए वेरी वेरी हॉट पहले मार्क कीजिए एग्जाम का प्रोबेबल क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में जरूर डाल दीजिएगा कोई गलती नहीं कीजिएगा अब सुनो ऊपर हम कह रहे थे ना मैनेज चेंज ये देखो इंप्लीमेंटिंग एंड मैनेजिंग द चेंज कह रहे थे इसको मैंने तो एक्सप्लेन कर दिया था लेकिन अब उसको टॉपिक बना दिया इंस्टीट्यूट ने कि हाउ टू मैनेज पॉइंट नंबर फोर को एक टॉपिक बना दिया मित्रों ऐसे ही होता है ना बड़ी बुक तो ऐसे ही लिखी जाती है ना छोटे को स्मॉल में लाते जाओ लार्ज बनाते जाओ सीधी सी बात है अब इसको ध्यान से करना पड़ेगा आपको करिए हाउ टू मैनेज चेंज ड्यूरिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कहना तो आसान है फोर एसेंशियल एलिमेंट्स के अंदर या रोल ऑफ चेंज मैनेजमेंट के अंदर इन डी टी कि भैया इम्प्लीमेंट करो मैनेज करो बट हाउ टू मैनेज उसके लिए उसने बताया फिर वही पॉइंटर्स को अलग अलग तरीके से बोलेंगे ध्यान से सुनिएगा प्रोसेस को सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा मैं रिपीट करूंगा चार पांच बार आप मेरे साथ बोलेंगे सबसे पहला स्पेसिफाइड द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एम्स एंड ऑब्जेक्टिवस मैंने आपको एग्जाम्पल अभी अभी दिया था कि टैली किसी कंपनी को क्यों चाहिए वॉट आर द एम्स गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजिंग डी टी सबसे पहले तो चेंज मैनेज करने के लिए आपको वही पता करना पड़ेगा सर यह आपको क्लियर है तो हमें पता होना चाहिए कि वॉट आर द इंटेंडेड आउटकम्स वॉट आर द इंटेंडेड आउटकम्स ऑफ यूजिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और डूइंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और इंप्लीमेंटिंग ट्रांसफॉर्मेशन डिजिटली विद इन दर्गेनाइजेशन नंबर वन नंबर टू वॉट आर द ऑब्जेक्टिव दैट मस्ट बी एकॉम्प्लिस्ड क्या गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव हैं जो अकॉम्प्लिश किए जाएंगे इससे पूरे किए जाएंगे ये तो उसी को एक्सप्लेन किया इसी टॉपिक को एक्सप्लेन किया इसमें कोई ज्यादा टेक्निकल टर्म यूज नहीं किया लेकिन यहां एक वर्ड है जो आपको कैच करना है वो है शेयर्ड प्लानिंग बताइए कितने लोगों को पता है वॉट इज शेयर्ड प्लानिंग कितने लोगों को पता है जरा एक बार बताइए कितने लोगों को कितने लोगों को पता है कि वॉट इज शेयर्ड प्लानिंग एक बार जरा मुझे बताइए मतलब ये गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव हम हवा में सेट नहीं करेंगे ये गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव हम अपनी मर्जी से सेट नहीं करेंगे ये गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव टॉप मैनेजमेंट हम पे इंपोज नहीं करेगा ये प्लानिंग बहुत तरीके से की जाएगी तो ध्यान से सुनिए तो ध्यान से सुनिए एक टॉपिक जो कल नहीं किया था हमने शोभित ने बोला बहुत बढ़िया बॉटम टू बॉटम टू बॉटम अप प्लानिंग बॉटम अप प्लानिंग वेरी गुड टॉप डाउन अप्रोच नहीं है श्रेया शेयर्ड प्लानिंग ये प्लानिंग शेयर नहीं है ध्यान से सुनो इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं ये जरा एक मिनट के लिए सारे बच्चे इधर सुनेंगे सॉरी इधर है ये देखो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग देख लो जरा एक मिनट देख लो अप्रोच कल ये टॉपिक छोड़ दिया था देर आर टू अप्रोचेज ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एक मिनट में खत्म कर रहा हूं ध्यान से देखना एक को बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच और एक को बोलते हैं बॉटम अप अप्रोच अभी कई बच्चे बोलेंगे टॉप डाउन का मतलब क्या होता है यह है कंपनी यह है कंपनी का टॉप मैनेजमेंट ध्यान से सुनना इस कंपनी ने क्या किया स्ट्रेटजी बनाई स्ट्रेटजिक प्लानिंग की इसका मतलब स्ट्रेटजी बनाई स्ट्रेटजिक प्लानिंग की मतलब स्ट्रेटजी बनाई फॉर्मुलेट किया स्ट्रेटजिक चॉइसेस तैयार किए उसने बोला

किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि स्ट्रेटजी इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ टॉप मैनेजमेंट इसमें कोई डिफरेंस नहीं है कोई डिबेट नहीं है दैट दैट इज इज ट्रू ट्रू बट बट आगे की बात सुनेंगे टॉप मैनेजमेंट ने क्या क्या स्ट्रेटजी बनाई और कहीं से कोई फीडबैक नहीं लिया कम्युनिकेशन नहीं किया बॉटम अप कोई कम्युनिकेशन किया मतलब यहां पे जो कम्युनिकेशन है ना वो टॉप डाउन कम्युनिकेशन है आइसोलेशन में है मिडिल एंड लोअर मैनेजमेंट वो ऊपर मुंह उठा के देख रहा क्या बता दिया मैनेजमेंट ने ऑटोक्रेटिक है यहां मिडिल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट की सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन नहीं होगी सेंस ऑफ ओनरशिप भी नहीं होगी इस तरह के प्लानिंग के रिजल्ट उतने बेहतर नहीं आते हैं सेम क्लास चलाते हुए तुमसे लगातार फीडबैक ना लूं तुम्हारी रिक्वायरमेंट ना समझूं और तुम्हें सीधा बोल दूं क्वेरी पूछना मत नहीं तो पोस्टर बना दूंगा बोलो कैसा लगेगा अच्छा नहीं लगेगा ना

प्लानिंग किया दूसरे टर्म में प्लानिंग किया एंड शेयर किया प्लानिंग शेयर्ड बच्चे इस पे ना नोट्स आ जाते हैं और ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस है आउट ऑफ सिलेबस नहीं है ये आपके सिलेबस में है इसी को कहते हैं स्ट्रेटजी बनाया एंड स्ट्रेटजी शेयर्ड स्ट्रेटजी शेयर्ड ठीक है बात खत्म तो सर ये हो गया एंड दूसरा तरीका इसी का रिवर्स बॉटम अप ध्यान से सुनना अब ध्यान से सुनना अब ज्यादा ध्यान से सुनना पड़ेगा तुम्हें लग रहा होगा बस इसको उल्टा कर दो ऐसा नहीं है ये देखो ये है टॉप मैनेजमेंट या कह लो कारपोरेट लेवल देखो ध्यान से अगर एक कंपनी है तो टॉप मैनेजमेंट सभी ध्यान से सुनेंगे अगर एक सिंगल बिजनेस है अगर मैं बात एसबीयू की कर रहा हूं तो टॉप मैनेजमेंट टॉप है लेकिन अगर मैं बात एक ऐसे कॉन्ग्लो ऑर्गेनाइजेशन की कर रहा हूं बहुत प्यार से सुनना मैं कुछ टेक्निकल बोल रहा हूं बात समझ में आ रही है तो बोलना यस बात समझ में आ रही है तो बोलना यस और अगर मैं कॉरपोरेट लेवल मतलब अगर मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जैसी कंपनी की बात कर रहा हूं तो उसका टॉप जो है वो कॉर्पोरेट लेवल है पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन पेरेंटल कंपनी ठीक है इसने ही स्ट्रेटजी बनानी है स्ट्रेटजी की ओनरशिप या तो एक कंपनी के केस में उसके सीईओ सीएमडी के पास है या कॉर्पोरेट लेवल के केस में कॉर्पोरेट में बैठे हुए मुकेश अंबानी और उसके बोर्ड की है कोई दिक्कत लेकिन लेकिन इसने कहा अपने लोअर लेवल मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल को या बिजनेस लेवल और फंक्शनल लेवल को इन डिफरेंट केसेस मतलब अगर ऑर्गेनाइजेशनल हाइर की स्ट्रेटेजिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेट बिजनेस फंक्शनल है तो ये वाला और अगर एक सिंगल बिजनेस है तो ये वाला समझ में आई बात तो बोलना यस सारे बोलिए यस ऐसा तो नहीं कि कंफ्यूज हो रहे हो मैं दो पार्ट कर रहा हूं इसके फिर से बोल रहा हूं ये एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगी कहीं आपको लेकिन इस पे क्वेश्चन आईसीआई ने पूछा है आपको कंफ्यूज करने के लिए ठीक है ध्यान से सुनो अगर सिंगल बिजनेस है एम लिमिटेड एमआरएफ जो टायर बनाती है तो बात खत्म उसका टॉप मैनेजमेंट स्ट्रेटी बना रहा है और आपको बता रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूं ठीक है लेकिन अगर कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है कॉन्ग्लो है तो वहां तो सौ कंपनियां हैं उसके नीचे तो किसके एमडी की बात कर रहा हूं तो वहां पर मैं कॉर्पोरेट लेवल की बात कर रहा हूं चैप्टर नंबर वन यस 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 क्लियर है थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू अच्छा लगा अब यहां पे क्या होगा कि वैसे तो हमने बताया था सर आपको कि स्ट्रेटजी बनाने की जिम्मेदारी टॉप लेवल की है या कॉर्पोरेट लेवल की है तो अभी आप तो कह रहे हो कि यहां टॉप डाउन तो फिर अंतर क्या हो गया अंतर है ये जब स्ट्रेटजी बनाएगा तो मिडिल लेवल, लेवल लोअर या बिजनेस एंड फंक्शनल से क्या करेगा? एडवाइस लेगा, लेगा, फीडबैक इनको पार्टिसिपेशन देगा। मिडिलल क्वेश्चन है ICI ने पूछा है, है मिस्टर सिंह वाला रोशन सिंह क्वेश्चन है इनसे वो पार्टिसिपेट कराएगा इनकी एक्सपर्टीज यूज करेगा इनसे एडवाइस लेके स्ट्रेटजी बनाएगा और फिर इनको कहेगा इम्प्लीमेंट करो मतलब यहाँ पे जो कम्युनिकेशन होगी ऑल अबाउट कम्युनिकेशन बॉटम अप कम्युनिकेशन होगी स्ट्रेटजी बनाने के लिए वो शेयरिंग करेगा व्यूज के ओपिनियन के फीडबैक के ऑल्टरनेटिव से फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन के फॉर्मुलेशन के टाइम में डिसीजन मेकिंग के टाइम में इवेल्युएशन के टाइम में स्ट्रेटजिक चॉइस फाइनलाइज करते हुए एंड देन वो बोलेगा अब हमारी ये है स्ट्रेटजी और बोलेगा जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी कर ले इंप्लीमेंट अब बताओ जो जितने मिडिल लोअर लेवल या बिजनेस या फंक्शनल लेवल पे बैठे हुए लोग हैं क्या उनको ऑटोनॉमी फील होगी क्या उनको बेहतर सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन एंड ओनरशिप महसूस होगी क्या वो कंपनी के विजन के साथ अपने विजन को देख पाएंगे क्या कंपनी के मिशन पे बेहतर एग्जीक्यूशन कर पाएंगे क्या कंपनी के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को वो अपने घर का बच्चा ही समझेंगे बोलो यस और नो ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है थैंक यू पुलकित थैंक यू ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है इसीलिए इसको हमने बोला शेयर्ड प्लानिंग मतलब प्लानिंग करने से पहले शेयर किया इस तरह से जो स्ट्रैटेजी बनी उसे हमने कहा शेयर्ड स्ट्रैटेजी बोलो यस सर नो ये दोनों टर्म और ये दोनों अप्रोच क्लियर हो गए आपको आप लिख सकते हैं जितना बोला इसको अपनी लैंग्वेज में लिख देना और ये वाला डायग्राम बना देना और आपके पास एग्जाम्पल भी है आप कॉर्पोरेट के रेफरेंस से लिखना चाहो कॉर्पोरेट के रेफरेंस से लिखो आप एक कंपनी के रेफरेंस से लिखना चाहो मतलब बिजनेस स्ट्रेटजी या कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी जिसके रेफरेंस से लिखना चाहो आप लिख सकते हो मैंने इसमें दोनों बता दिए आईसीआई ने एक बता के दोनों पूछना है बिटवीन द लाइंस यू हैव टू अंडरस्टैंड ओनर्स ऑन यू बॉल आपके कोर्ट में है कि आप समझते हो या नहीं समझते हो आईसीआई ने तो आपके साथ खेला कर देना है तो सर आईसीआई को इज्जत देना सीखो ओके थैंक यू तो सर दिस वॉक द अप्रोच अब ध्यान से सुनो बैक टू दिलियन अपने टॉपिक के ऊपर मजा आ रहा है मजा आ रहा है समझ आ रहा है मजा आ रहा है कॉन्सेप्ट जा रहे हैं पहली बार सुन रहे हो तो भी मजा आ रहा है बोलो यस और नो आ रहा है ना आ रहा है तो अभी आगे और आएगा चिंता ना करो स्पेसिफाई द डीटी एम ऑब्जेक्टिव डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एम ऑब्जेक्टिव तो सर सबसे पहले क्या है सर इंटेंडेड आउटकम क्या है और दूसरा ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे तो यहां पे सर आप पूछोगे बॉटम आप कम्युनिकेशन करोगे शेयर्ड प्लानिंग करोगे और उसके बेसिस पे आप गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव सेट करोगे बोलो यस सर नो क्योंकि अगर आपने ऑटोक्रेटिक प्रोसेस से किया तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फेल होने की गारंटी है क्योंकि तब रेजिस्टेंस और ज्यादा आएगी ये बात समझ में आई ये बात समझ में आई ये बात समझ में आई कि डिजिटल तब रेजिस्टेंस और ज्यादा आएगी अगर आपने टॉप बॉटम अप्रोच फॉलो किया तो क्लियर है ना अब देखो अगला ऑलवेज 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 कम्युनिकेट है बोलो ना ऑलवेज 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 कम्युनिकेट मतलब बॉटम ऑफ कम्युनिकेशन विद स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग इम्प्लॉयिज क्लाइंट्स एंड अदर पार्टी जो भी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट बनने वाले हैं वो सारे स्टेक होल्डर से कम्युनिकेट करो क्लियर है क्लियर है मजा आया तीसरा बी रेडी फॉर रेजिस्टेंस अब ध्यान से सुनो मुद्दा मुद्दे पे आओ लॉजिक देखो जो बात बोलूंगा वो आगे दिखेगा पुराने पाप है जो याद आते हैं ये भूल नहीं सकते आप इसको मैंने बोला रेजिस्टेंस के लिए रेडी रहिए मतलब अगर तो तुमने शेयर्ड प्लानिंग करी है तो रेजिस्टेंस कम होगी कि ज्यादा बोलो अगर शेयर्ड प्लानिंग करी है तो रेजिस्टेंस कम होगी कि ज्यादा अरे समझ समझ के याद होएगा अभी देखो ना इसी बात पे अगर हम टिकेंगे तो तुम्हारे दिमाग में छप नहीं जाएगी बात कि सर ने पहले बात करी थी शेयर प्लानिंग की फिर बात करी थी कम्युनिकेशन बॉटम अप की फिर बोला था रेजिस्टेंस और पहले ही बताया था कि अगर शेयर प्लानिंग किया तो रेजिस्टेंस कम झेलने को मिलेगा और अगर प्लानिंग शेयर्ड किया तो यहाँ रेजिस्टेंस भर भर के आएगा ठीक है ना कम होगी शोभित थैंक यू थैंक यू देव थैंक यू चिराग थैंक यू श्रेया थैंक यू बहुत अच्छे चलिए प्रिंसिस साक्षी सब थैंक यू तो सर यहाँ पे क्या होगा हैव अ स्ट्रेटजी इन प्लेस फॉर डीलिंग विद एनी रेजिस्टेंस दैट मे अराइज और रेजिस्टेंस से कैसे डील करते हैं दस बार बता चुका हूं लिख सकते हो आप कि कैसे हाउ टू डील रेजिस्टेंस बता सकते हो बोलो यस करें खुद से लिख लोगे ठीक है रेजिस्टेंस चार पांच बातें चिपक के लिखनी है फाइनल एकदम मॉड्यूल की लैंग्वेज है इंप्लीमेंट चेंज ग्रेजुअली अब तो तुम्हारा हो गया ना ऑब्जेक्टिव से कम्युनिकेशन रेजिस्टेंस के साथ डील करने के लिए तुमको बता दिया आप क्या करोगे अब बचा ही क्या है इंप्लीमेंट करो इंप्लीमेंट करो इंप्लीमेंट करो इंप्लीमेंट करोगे तो कैसे एकदम छेती या धीरे धीरे स्लोली स्लोली बोलो स्लोली 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 है ना धीरे धीरे नहीं तो मोहे हो जाएगा ठीक है न्यू वे ऑफ डूंग से कोई चीज करोगे तो वो क्या करेगी बैकफायर करेगी क्योंकि आपको ट्रेनिंग वगैरह भी देनी पड़ेगी ऑफर असिस्टेंट एंड ट्रेनिंग वर्कर्स लीड गाइडेंस इन द न्यू प्रोसीजर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एक्सेट्रा सर ये तो बातें आपको पता ही थी ठीक है तो जितनी कहानी बोली है उस कहानी से बाहर कोई भी पॉइंटर नहीं आएगा तो एक, -एक करके बोलिए हाउ टू मैनेज चेंज ड्यूरिंग ड्यूटी हाउ टू मैनेज चेंज यूरिंग ड्यूटी बोलिए मेरे साथ दो बार बोलेंगे स्पेसिफाई द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव एम्स एंड ऑब्जेक्टिव एम्स एंड ऑब्जेक्टिव एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑलवेज 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 कम्युनिकेट ऑलवेज ऑलवेज कम्युनिकेट बी रेडी फॉर रेजिस्टेंस बी रेडी फॉर रेजिस्टेंस बट इट डिपेंड्स इंप्लीमेंट चेंज ग्रेजुअली इंप्लीमेंट चेंज ग्रेजुअली एंड ऑफर असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग ऑफर असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग ठीक है ठीक है डन है Clear, clear, clear. Lock करो Thank you. <coughs> ध्यान से सुनना तुमने डीटी पढ़ा फिर सीएम पढ़ा फिर फोर एसेंशियल्स ऑफ सीएम पढ़ा उसके बाद रोल ऑफ सीएम इन डीटी पढ़ा भाई साहब दूसरे तरीके से आए उसके बाद तुमने कैसे मैनेज करें ये पढ़ा अब फाइनली कंपनी की स्ट्रेटजी क्या होगी अब इतना कुछ जानते हो तो इन्हीं से मिला के स्ट्रेटजी बनेगी कुछ नया तोड़ा ही होगा यार ठीक है तो ध्यान से देखिए चेंज मैनेजमेंट स्ट्रेटजी फॉर डीटी तो चेंज मैनेजमेंट सबसे पहले बताओ जब मैकविलन ने सोचा होगा तो किसने सोचा होगा कि हमें ईआरपी इंप्लीमेंट करना है हमें ई प्रोक्योर ऐप लेके आना है जब बैंक्स ने सोचा होगा तो किसने सोचा है कि बैंक में कोर बैंकिंग सिस्टम लेके आना है बोलिए जब ओटीसी वर्चुअल में जब वर्चुअल वर्ल्ड यूज करना होगा सबको डिजिटाइज करना होगा तो किसने सोचा होगा टॉप मैनेजमेंट में तो ये सारी चीज कहां से शुरू होगी स्ट्रेटजी कहां से शुरू होगी टॉप से शुरू होगी फंडामेंटल बात है ना तो सबसे पहले टॉप मैनेजमेंट सबसे पहले टॉप मैनेजमेंट सबसे पहले टॉप मैनेजमेंट नंबर वन क्यूं? क्यों 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 डैडी क्यों जरूरी है मम्मा से क्यों इतनी रिलेशन अच्छे रखने चाहिए क्योंकि भैया पैसे वैसे चाहिए होंगे तो देंगे अगर वो पैसे देना बंद हो जाएगा तो प्रोजेक्ट बीच में बंद हो जाएगा ठीक है कल से खर्चा बंद सी करना बंद बात खत्म टॉप बॉटम कमिटमेंट क्योंकि सर उनकी कमिटमेंट होगी तो नीचे तक कमिटमेंट होगी यूनाइटेड लीडरशिप होगी मोटिवेशन कल को रेजिस्टेंस होगी कौन देगा टॉप मैनेजमेंट तो सर टॉप मैनेजमेंट हर एक दोस्त जरूरी होता है टॉप मैनेजमेंट किसी भी स्ट्रेटजी में सबसे जरूरी एलिमेंट है तो बिगिन से टॉप क्लियर ठीक है अब ध्यान से सुनो अब कोई ऐसी चीज तो आप अपनी लाइफ में नहीं करोगे ना जो जरूरी ना हो मतलब आपको लगता है ना कि चेंज करना इस सिचुएशन में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करना जरूरी है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा अनालिस एंड अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी कि वाई द ऑर्गेनाइजेशन नीड्स अ साउंड डिजिटल प्लेटफॉर्म वाई द ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू डिसाइड अबाउट यू नो दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म वाई डू वी वॉन्ट टू इंप्लीमेंट ई आर पी और ऑटोमेटेड सिस्टम और सम वर्चुअल सिस्टम और सम एप्लीकेशन वाई सो देखो ध्यान से पॉइंट नंबर टू इंश्योर दैट चेंज इज बोथ नेसेसरी एंड डिजायर्ड क्योंकि पैसा लगता है हमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किसी भी चीज का करना चाहिए बिना सीबीए किए हुए कोई भी प्रोजेक्ट को कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हरी झंडी नहीं देता है जब तक उसके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव उसके कंपटीशन उसके एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस के लिए रिक्वायर्ड नहीं होगा जब तक फाइनेंशियली कोई चीज वाइबल नहीं होगी ऐसा नहीं होगा कि एक पांच करोड़ टर्न वाली कंपनी सौ करोड़ का कंप्यूटराइजेशन करके बैठ जाएगी ऐसा नहीं होगा क्यों क्योंकि उतना तो उसकी औकात नहीं है जितने का डिजिटाइजेशन 500 करोड़ की कंपनी 50 करोड़ या 5 करोड़ या 10 करोड़ 15 करोड़ का डिजिटाइजेशन एक्सपेंडिचर बियर कर सकती है नहीं तो सारा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पढ़ा हुआ बेकार हो जाएगा ठीक है यू कैनॉट टेक इट डिस्प्रोपोर्शनेटली हाँ देव ने बोला है बटलर का एग्जाम्पल इस कॉन्सेप्ट में अच्छा रहेगा दिया है क्लास में मैंने डिसीजन पता होना चाहिए मतलब टॉप को पता होना चाहिए। दूसरा, इन प्लेस मतलब कोई भी चीज करने से पहले देख समझ लो क्योंकि फॉरवर्ड लिंकेज करना है कि बैकवर्ड लिंकेज करना है क्या बोला मैंने फॉरवर्ड लिंकेज करना है ऐसा नहीं होगा कि स्ट्रेटजी बना दी और रिसोर्सेस है ही नहीं और रिसोर्सेस है नहीं और स्ट्रेटजी बनाए जा रहे हैं दोनों नहीं होगा तो आपको जो करना है यू विल हैव टू डिसाइड अर्ली सो इंश्योर दैट द चेंज इज बोथ नेसेसरी एंड डिजायर्ड वेदर इट इज डिजायर्ड और नॉट उसके बाद जो वंस यू स्टार्ट यू नीड टू रिड्यूस डिसरप्शन बाय डीलिंग विथ इंप्लॉय परसेप्शन एंड देयर कंसर्न अबाउट चेंज क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत आपको एम्प्लॉयज के साथ आने वाली है जो इसको इंप्लीमेंट करने वाले हैं थ्रू अर्ली प्रिपरेशन टू हैंडल डी टी नॉलेज एंड टूल्स क्योंकि उनको जल्दी टाइम से ट्रेनिंग दो उनको उनके लिए फ्रेंडली एटमोसफेयर बनाओ उनके लिए मोटिवेशन उनके लिए ठीक है तमाम तरह के आई टी सपोर्ट वगैरह क्रिएट करने पड़ेंगे अदरवाइज अगर तुम कोई इंप्लीमेंटेशन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हो डिजिटल प्लेटफॉर्म लेके आ जाते हो एंड एम्प्लॉयज आर नॉट रेडी सो देयर विल बी डिसरप्शन सो मेजर डिसरप्शन इज इम्प्लॉयज एंड रिलेटेड इशूज

शेयर्ड विजन मतलब जो भी चीज आप करोगे सबसे आप कम्युनिकेट करके करोगे सारे स्टेक होल्डर के साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट रिकॉग्नाइज दैट चेंज इज द नॉर्म नॉट एक्सेप्शन मतलब यह बात आपको इंश्योर करनी पड़ेगी कि चेंज एक रिक्वायरमेंट थी ऑर्गेनाइजेशन की उसके लिए हमने प्रॉपर एनालिसिस किया है एंड वी आर रेडी टू चेंज वी हैव एबिलिटी टू कंटिन्यूअसली चेंज इन फ्यूचर आल्सो जिसको हम बोलते हैं ना इंस्टीट्यूशनलाइजिंग द चेंज जो हमने ऊपर पढ़ा था दट सेट ठीक है तो कितने पॉइंट हो गए कितने पॉइंट हो गए एक बार जरा ध्यान से कीजिए चेंज मैनेजमेंट स्ट्रेटजी फॉर डीटी वेरी वेरी हॉट ये मार्क कीजिए वेरी वेरी हॉट ये मार्क कीजिए क्योंकि ये सब नया है और सबसे क्वेश्चन आने वाला है आने के पूरे चांसेस हैं तो चेंज मैनेजमेंट स्ट्रेटजी फॉर डीटी सबसे पहले क्या होगा बिगिन एट टॉप क्लियर है लिख सकते हो

नेक्स्ट रिकोगनाइज द चेंज इज नॉर्म नॉट एक्सेप्शन ऐसा नहीं हो सकता कि आप टेस्ला की स्पेस की कोई टेक्नोलॉजी लेके स्पेस में जाके बैठ रहे हो और कह रहे हो कि वहां से मैनेज करेंगे हमें तो डिजिटली ट्रांसफॉर्म करना था तो हम चांद पे ही आके बैठ गए समथिंग दैट इज वाइबल समथिंग दैट इज चेंजेबल समथिंग दैट इज एडाप्टेबल समथिंग दैट इज प्रैक्टिकल एंड यू हैव एबिलिटी एंड यू वॉन्ट टू चेंज एंड दैट इज प्रैक्टिकली रिक्वायर्ड ठीक है एक्सेप्शनल सिचुएशन नहीं रिक्वायरमेंट की बात हो रही है दुनिया ईआरपी इंप्लीमेंट कर रही है हम भी करेंगे दुनिया टैली ईआरपी फॉलो कर रही है हम भी करेंगे दुनिया ऑटोमेशन कर रही है हम भी करेंगे दुनिया चैट जीपीटी कर रही है हम भी करेंगे दुनिया अपने प्रोसेसेस को बिजनेस को एप्लीकेशन और आईटी के थ्रू और ट्रांसफॉर्म कर रही है ई बिजनेस ई कॉमर्स के थ्रू ट्रांसफॉर्म कर रही है कर रही है हम भी करेंगे बस इतनी सी बात है ठीक है कोई भी क्वेश्चन इतनी डिस्कशन के दायरे में आपसे पूछा जाएगा आई थिंक यू विल पिक एंड यू विल आंसर यू विल पिक यू विल आंसर क्लियर है राकेश जी बहुत बढ़िया हो थैंक यू यू विल पिक यू विल आंसर क्लियर है लॉक किया जाए मित्रों इसको लॉक किया जाए ये टॉपिक लॉक किया जाए वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए एक बार आप रीड कर लीजिए रीड क्या करना है बस ये जो चार्ट है ना ध्यान से सुन लो सारे बच्चे चेंज मैनेजमेंट में यहां से यहां का पूरा पेज और ये वाला पेज ये समझ लो दो क्वेश्चन यहां से सेट हैं कितने क्वेश्चन टू क्वेश्चन किसी भी अटेम्प्ट के लिए एक पांच नंबर का और एक दो या तीन नंबर का और एक दो एमसीक्यू यहां से एक एमसीक्यू कम से कम यहां से सेट है तो इस एरिया को मॉड्यूल से आप कितना पढ़ेंगे आई डोंट नो बट यहां जितना दिया है इतना तो बाई हार्ट आपको होना ही चाहिए विद एग्जाम्पल एंड विद ऑल एक्सप्लेनेशन दैट आई गेव टूडे ठीक है डन वेरी गुड टॉपिक थैंक यू नेक्स्ट आई थिंक दिस इज डन अभी रुको एक छोटे मोटे ना एक शायद मेमोरी कोड भी मैंने कुछ डेवलप किया था तो याद रहेगा आपको चलो ठीक है नया सिलेबस है कई जगह किया है कई जगह मैंने नहीं किया है मैं ऐसा नहीं बोल दूंगा कि मैंने किया है और मैंने छुपा के रखा है और मैं बताना नहीं चाहता हूँ अभी क्या है कि सब कुछ और कई जगह ना बहुत ज़्यादा मेमोरी कोड देने के फेवर में नहीं रहता हूँ क्योंकि ज़्यादा मेमोरी कोड होती है ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है बच कई बच्चे तो मेमोरी कोड की एक अलग ही कॉपी बना के बैठ जाते हैं पूरा उसी को रटते रहते भाई वो एक लिमिट तक ही काम करेगा ध्यान से सुन लेना आईसीआई के करंट रिजीम के अंदर करंट स्कीम ऑफ थिंग्स के अंदर सारे बच्चों को ये बात क्लियर होनी चाहिए बिना किसी डाउट के कि आपको पॉइंटर लिखने के 20 से 25 परसेंट नंबर ही मिलते हैं लेकिन वो पॉइंटर जरूरी होते हैं इसलिए उनको याद रखना पड़ता है उसको रट्टा मारना पड़ता है लेकिन एक्सप्लेनेशन आप रट नहीं सकते हैं। उसको आपको समझ के पॉइंटर की टर्म्स को आइडेंटिफाई करके आपको लिख के प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा तभी वहां लिखा जाएगा अगर रट लिया है तो वहां हो सकता है किसी का किसी में लगा दो ठीक है यूं ही कोई बेवफा नहीं होता कुछ ना कुछ मजबूरियां रही होंगी है ना ऐसा कहते हुए पाए जाओगे उसके बाद और एक शेर मैंने अभी कहा था गालिब गया पैखाने को मैं खाना समझ कर पी गया डब्बे को उठाकर पैमाना समझ कर कई लोगों ने बोला सर कितनी गंदी बात करते हो आप अरे गंदी बात थोड़ी करी थी मैंने मैंने कहा था कि जब आदमी अकल का से काम नहीं लेता है तो वो सिर कहीं और जाके मारता है जब दिमाग चलना बंद हो जाता है तो तो रट्टे का यही है कि पता नहीं कहां जाके क्या उठा के और क्या बोल दे बंदा तो रट्टे का एक, एक एक उसकी एक लिमिट है मतलब इसीलिए बी अलर्ट मतलब समझ रहे हो गालिब खां मखा बदनाम हो गया ठीक है ये देखो यहां पे लो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव का ए उठा लो नहीं ऐसे नहीं कलर चेंज कर रहा हूं यहां से ए उठाओ कम्युनिकेट का सी उठाओ तो वन टू नंबरिंग जरा चेंज करो अभी आप बना लेना अपनी कॉपी में रेजिस्टेंस का आर उठाओ उसके बाद चेंज ग्रेजुअली का सी उठाओ नंबरिंग बाद में करता हूं और असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग का ए उठाओ ठीक है तो क्या बना सी फॉर कम्युनिकेट सी फॉर चेंज ग्रेजुअली ठीक है ध्यान से सुनना तो सी फॉर कम्युनिकेट सी फॉर चेंज ग्रेजुअली ए फॉर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ठीक है एनदर ए फॉर असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग एम्स एंड ऑब्जेक्टिव असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग ऐसे क्यों कर रहा हूं मैं यहां पे चार एंड उसके बाद आर फॉर रेजिस्टेंस पांच तो आर इसको शॉर्ट में अगर तुम लिखो सी स्क्वायर ए स्क्वायर आर ठीक है कार याद रहेगी कार याद रहेगी हाउ टू मैनेज चेंज ड्यूरिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन तो कार यूज करेंगे दो होंगे ये दो होंगे और R एक होगा ठीक है ऐसे ही मेमोरी कोड तो ऐसे ही बनाए जाते हैं शॉर्ट में ठीक है चिराग ने बोला ची सर नहीं समझ में आया हिमाचली ने बोला बिल्कुल समझ में नहीं आना चाहिए भूल जाओ ठीक है सबके समझने के लिए थोड़ा ही बोला था मैंने अच्छा हुआ समझ में नहीं आया मुझे भी शर्म आती है ऐसी बातें करने में ठीक है हे प्रभु हे हरिम कृष्ण जगन्नाथ हम प्रेमानंद ये क्या हुआ कुछ ऐसा ही आया ना क्या बोला मैंने हे प्रभु हे राम हे कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंद ये क्या हुआ मोह मोए हुआ सर छोड़ दो उसको आगे बढ़ो ठीक <laughs> है अच्छा है ठीक बत... है कार्स ठीक है ये भी चलो अब यहां पे आओ बड़े मजेदार टॉपिक कराने जा रहा हूं ध्यान से करना ये आपकी लाइफ के लिए भी जरूरी है ये आपकी स्ट्रैटेजी के लिए भी जरूरी है ये पूरी जिंदगी भर आपको ये वाला मॉडल याद रखना है नहीं तो लफड़े में रहोगे ध्यान से सुनो बहुत प्यार से सुनना नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा भाई देव बघेला इतना लंबा मे मेमोरी कोड तो भाई मुश्किल में पड़ जाएंगे ठीक है रहने दे तू ऐसे ही याद कर लेगा पॉइंट तेरी मेमोरी कोड याद करने में तो पॉइंट ही याद हो गया सारा सर बहुत रील्स देखते हो मैं बिल्कुल नहीं देखता घर में बच्चे बोलते ठीक है मेरी बेटी बोलती रहती है तो मैं सब ध्यान रखता हूं कहाँ क्या नया चल रहा है तो इसलिए याद रहे टीचर को अपडेटेड रहना चाहिए ना जेन जी के साथ ठीक है जेनेक्स तो अब जमाने की बात हो गई ठीक है जेन जी के साथ यू हैव टू बी अवेयर चलिए ये वाला टॉपिक बड़े ध्यान से करेंगे आप क्योंकि ये तो क्वेश्चन है सर इस अटेम्प्ट का आउट क्वेश्चन है क्वेश्चन पेपर ओपन करेंगे और ये क्वेश्चन दिखने वाला है बोलो क्या है ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क और मैकेजी का सेवन एस मॉडल भूल जाओ सेवन और एस और मॉडल अभी जो मॉडल मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो समझना नहीं तो ज्यादातर बच्चे इस मॉडल को समझते नहीं है रटते हैं कुछ पता नहीं चलता और इस पर अगर गलती से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गया इसकी थीम समझ में नहीं आएगी बचपन में एक हमने स्टोरी सुनी थी सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे दो मिनट का पेशेंस रखेंगे प्लीज आप मेरे साथ पढ़ रहे हो तो पेशेंस रखना सीख लो क्योंकि आपको पूरी बात समझनी है आधी अधूरी नहीं ठीक है राज की बातें लिखी और खत खुला रहने दिया दो तनहाइयों के बीच एक फासला रहने दिया क्या फायदा उसका फासला ही रहेगा तो फायदा क्या है फासला मिटना चाहिए आइए बात समझते हैं सीए की कार ये भी अच्छा है सीए की कार ये भी अच्छा है सीए की कार प्रिंसी बहुत अच्छा है चलो भाई प्रिंसी ने जो अभी दिया है कोड ये ठीक है यहां के लिए लगा लेना आप सीए की कार बहुत कॉन्ट्रीब्यूट किया प्रिंसी ने इस पूरे बैच में थैंक यू सीए की कार याद रहेगी यहां पे बहुत बढ़िया सारे लोग यूज कर लेंगे सीए की कार अपने को आइडिया क्यों नहीं आता ये सब हर बंदा स्पेशल होता है ना हर किसी का डीएनए अलग है वाह वाह थैंक यू थैंक यू थैंक यू, थैंक यू. ठीक है यस नहीं नहीं शायद शुअर नहीं बनना आपको बात समझाने के लिए बोलता हूं आओ मुद्दे पे आते हैं अभी क्या है ये जो मॉडल है ये क्या है इसको समझने के लिए ना आपको एक सीरियल समझना पड़ेगा सास भी कभी बहुत ही कैसा ध्यान से सुनना ध्यान से सुनना प्लीज प्लीज कॉन्सेंट्रेट हंसी मजाक नहीं चल रहा है काम की बात चल रही है देखो मैं हूं ओम त्रिवेदी ठीक है मेरी शादी हुई मिस जो आज भी मिस ही है ईशा नारंग तो ये त्रिवेदी फैमिली और नारंग फैमिली ये दोनों एक दूसरे के साथ मिल गए बोलो या और नो त्रिवेदी मैं त्रिवेदी फैमिली का वो नारंग फैमिली की ध्यान से सुनना जो कहने जा रहा हूं तो आपको क्या लगता है कि हर फैमिली के रीति रिवाज अलग होते हैं जीवन शैली लाइफ स्टाइल अलग होता है उठने बैठने के तरीके अलग होते हैं बातचीत के तरीके अलग होते हैं कस्टम्स अलग होते हैं वैल्यू सिस्टम अलग होते हैं फिलासफी अलग होती है बोलते जाना यस और नो ठीक है सोशल बिहेवियर अलग होता है मैनर्स एटिकेट्स अलग होते हैं बोलो यस और नो होते हैं ना मैं अपने तरीके से पला बढ़ा वो अपने तरीके से पला बढ़ा फिर हम दोनों की हो गई लव मैरिज लव कम अरेंज मैरिज देखो दो तरह की शादियां होती हैं इंडिया में एक होती है अरेंज मैरिज होती है लव मैरिज लव मैरिज में बंदा अपनी गर्लफ्रेंड या अपने बॉयफ्रेंड से शादी करते हैं और अरेंज मैरिज में आपको नहीं पता कि तुम किसके बॉयफ्रेंड या किसकी गर्लफ्रेंड से शादी कर रहे हो सो बी केयरफुल ठीक है ठीक है मेरा तरीका था लेकिन क्या हुआ दोनों की जब शादियां हो गई दोनों की जब शादियां हो गई तो फिर एक ही घर में रहने लगे मेरे घर में अब जब कोई लड़का कोई लड़की लड़का तो जाता नहीं अपने इंडिया में तो लड़की जाती है जब कोई लड़की शादी करके किसी घर में आती है तो क्या होता है आप लोग थोड़ा बता सकते हो अरे कॉन्सेप्ट चल रहा है प्लीज़ नहीं लाइट टॉक नहीं मैं लाइट बातें नहीं करता कॉन्सेप्ट की बातें कर रहा हूँ तो जब किसी गर्ल की शादी होती है किसी दूसरे के घर में जाती है तो सास बहू का सीरियल चालू हो जाता है मेरी वाइफ जब पहले दिन मेरे घर पे आई तो मेरे डैडी को पराठे बहुत पसंद थे तो उसने पराठे बनाए ही वज सो हैप्पी मेरी माँ को लौकी की सब्ज़ी बहुत पसंद थी तो शाम को लौकी की सब्ज़ी बनी अब ध्यान से सुनना मैं और मेरा भाई किचन के चारों बगल चक्कर काट रहे थे कि मुझे अपनी पत्नी के खाने बनाने के स्किल पे बहुत ज्यादा मेरी गर्लफ्रेंड के नाउ वाइफ मुझे उसके खाने उसके खाने बनाने के स्किल पे कोई डाउट नहीं था पूरा कॉन्फिडेंस था कि आज तो कुछ घर में कमाल होने वाला है आज तो मजे आने वाले और मुझे ही बैलेंस करना पड़ेगा ठीक है लौकी की सब्जी बन रही थी बनते 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 मैं और मेरे भाई नजर गड़ाए हुए थे चुप खिड़की से घूम घूम के चक्कर काट के देख रहे थे क्या चल रहा है और उसने डाला लौकी की सब्जी में पानी तरी उसमें ग्रेवी बनाने के लिए डाला पानी मेरे भाई मेरे भाई ने कहा लो भैया हो गया <laughs> काम हो गया मैंने कहा चुप नालायक बोलेगा नहीं कुत्ते में बहुत मारूंगा ठीक है आज मेरा भाई मेरे से बहुत फ्रेंडली है तो वी डिसाइडेड की विल नॉट से जब खाने परोसे गए तो सब देख रहे हैं इसमें पानी इतना कहाँ है ठीक है तो हमने अपनी वाइफ को पहले ही समझा दिया बोल देना कि इस लौकी में पानी ज़्यादा छोड़ गया तो इसमें पानी ज़्यादा है होता क्या है जब एक फैमिली की दूसरी फैमिली की एक लड़की की दूसरी फैमिली के साथ शादी होती है जब उनका मर्जर होता है क्या बोल रहा हूं अभी लोगों को लग रहा होगा सर गप्पे मार रहे जब मर्जर होता है तो इस केस में क्या होता है आपको इस फैमिली में आए हो तो यहां से कुछ लेके आओगे और यहां के कुछ वैल्यू सिस्टम्स यहां की कुछ फिलोसफी यहां के आइडियाज यहां के कल्चर लेके आओगे और यहां के कल्चर के साथ इनको आपको मिंगल करना होता है सिंगल से मिंगल करना होता है सीधी सी बात है और इसमें बहुत बड़ी होती है है जो करने वाली ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो घर है उसको उस लड़की को सेटल करना होता है ना कि दिन भर ताने मारने होते तेरे मां बाप ने कोई संस्कार नहीं सिखाए क्या है सास अलग बोलती है ननद अलग बोलती है जीना मुश्किल या हम जैसे भाइयों की जरूरत होती है जो चीजों को कवर करें चीजों को इन्फॉर्म करें उसको यहां के कस्टम्स रीति रिवाज बताए और धीरे 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 उसको अपनी फैमिली का पार्ट बनाए एडजस्टमेंट करें एडजस्टमेंट नहीं तो क्या होगा ये मर्जर फेल हो जाएगा फिर क्या होगा डिवोर्स बोलो बात समझ में आई क्या फिर क्या होगा डिवोर्स अब मैकेजी को ये बात समझ में आ गई इंडिया की प्रॉब्लम कि भैया यहाँ पे अरेंज मैरिज अरेंज कम लव मैरिज होते हैं उसके बाद सास भी बहु कभी बहू थी वाली सीरियल चलती है अब बहू को चुड़ैल समझते हैं और मतलब लड़कों के साथ भी ऐसा होता है लेकिन मैं थोड़ा अभी दूसरे तरीके से बात कर रहा हूँ एक जेंडर को थोड़ा सपोर्ट कर रहा हूँ होता क्या है इस पूरे केस के अंदर कि मैकेनजी को यह बात समझ में आ गई और उसने वही रोल प्ले किया जो मैंने और मेरे भाई ने किया उसने कहा जब भी कोई एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ मर्ज होती है तो वो अपना स्टाफ भी लेके आती है अपना सिस्टम भी लेके आती है ध्यान से सुनो अपना स्टाफ भी लेके आती है अपना सिस्टम भी लेके आती है अपना कल्चर भी लेके आती है अपना वर्किंग स्टाइल भी लेके आती है अपने स्किल सेट्स भी लेके आती है और उसको स्ट्रेटेजिकली वर्क करने का उसका तरीका अलग था और जिस कंपनी के साथ उसका मर्जर हुआ है उसके तौर तरीके ये सारी बातें अलग हैं नाउ वी नीड टू डिजाइन वी नीड टू गिव अ प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन टू डील विद इट ट इट स्लोली 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 वी है बात समझ में आई क्या बात समझ में आई क्या नहीं तो क्या होगा यह मर्जर फेल होगा डिवोर्स होगा इसी को डील करने के लिए कि यह डिवोर्स ना हो ये मर्जर सक्सेसफुल हो दो कंपनियां जब आपस में कोलेबरेट करें तो एक और एक ग्यारह हो एक माइनस एक जीरो ना हो इसके लिए उसने एक ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क दिया मैकेजी ने जिसे हमने कहा मैकेवन एस मॉडल इससे पहले जितने लोगों ने जो कुछ भी इसके बारे में पढ़ा था भूल जाए क्योंकि जो मैंने आपको अभी बताया है यही मॉडल है मुझे पता है आपने इसको कैसे पढ़ा है क्योंकि हमने इस मॉडल पर इंडस्ट्री में काम किया है आप समझ रहे हैं मेरी बात मैंने दो दो कंपनियों के टेक ओवर कराए हैं मैंने लीड किया है एक साल उनको स्टेबल किया है उनको चेंज के प्रोसेस से गुजारा है उनको कंपनी के साथ मर्ज करके स्टेबलाइज करके ऑपरेशनल करके हैंडओवर किया है कंसल्टेंसी की है लाखों रुपए कमाए हैं वो तजुर्बा है जो मैं यहाँ पे बोल गया दो एग्जाम्पल्स से एक त्रिवेदी एंड नारंग फैमिली का मर्जर और दूसरा 2013 का याद रहेगा इसलिए दे रहा हूं दो एग्जाम्पल एक एक जनरल लाइफ से एक एक पर्सनल लाइफ से और एक रियल लाइफ से 2013 में एक कंपनी जिसका नाम है एशियन पेंट्स और दूसरी कंपनी जिसका नाम है बर्जर यहां एग्जाम्पल ये क्लास में इंटरनेशनल यहां मैं टाइम लगा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है यहां पढ़ाने का टाइम है यहां समझाना है ये अमेंडमेंट है नहीं समझ में आएगा आपको पता है जो बात मुझे पता है तो मुझे पता है ना माँ आ गई आने दो गुड ठीक है ठीक है अभी ध्यान से सुनो ये जो एशियन पेंट है और जो बर्जर इंटरनेशनल है ये दो कंपनियां 2013 में इनका मर्जर होता है एशियन पेंट 94.4 96.48 फोर परसेंट स्टेक किसमें लेती है बर्जर में अब बर्जर सिंगापुर की सिंगापुर की कंपनी है और एशियन पेंट्स इंडिया की और इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनी है आज की डेट में लेकिन जब इन दोनों का मर्जर होता है तो बर्जर के सारे स्टाफ सारे स्किल सारा वैल्यू सिस्टम सारा स्किल बैलेंस शीट के साथ साथ सारा सिस्टम सारा स्ट्रक्चर और सारी स्ट्रेटजी अब एशियन पेंट्स के साथ मर्ज होएगी तो दोनों की एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम तो होएगी। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एशियन पेंट्स टू गिव अ प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन सो दैट दिस मर्जर कैन बी मेड सक्सेसफुल क्लियर है आपको क्लियर है आपको क्लियर है, है आपको नहीं तो क्या होता ये सिनर्जी नहीं बनती सो इफ यू वॉन्ट टू हैव सिनर्जी ऑफ मर्जर एंड वॉन्ट टू मेक इट मर्जर इफेक्टिव मर्जर एक स्ट्रैटेजी है इफेक्टिव वांट टू मेक इट इफेक्टिव यू नीड टू हैव अ प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन इन प्लेस टू डील विद सेवन एस इनके साथ डील करना पड़ेगा क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चेंज है बोलो ये बात समझ में आ गई सबको पहले बोल दो क्लियर हो गया क्लियर हो गया ये क्लियर हो गई बात ये नया मॉडल है ये प्रैक्टिकल मॉडल है ये किताब पढ़ के नहीं समझ में आती है किताब में ये बातें लिखी हैं बुक में ये बातें लिखी हैं बट वो पढ़ के नहीं बात क्लियर होती है कि क्या है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया एक बार सारे लोग बोल दीजिए तब मैं आगे बढ़ूंगा साक्षी थैंक यू और लोग बोलिए और वीडियो वीडियो को लाइक कर लेना जितने लोग देख रहे हैं और लाइक नहीं कर रहे क्यों नाराजगी है कोई समझ में आ गई ईशा नारंग को भी समझ में आ गई लो भाई अब आज पता नहीं रात को खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा ठीक है बोलेगा बहुत बेटा सेवन एस मॉडल तुम लगा रहे थे अभी आओ घर आओ फिर बताते हैं हैं जी कोई नहीं जी चले जाएंगे जी टाइम से क्रिस्टल क्लियर थैंक यू 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 दीपिका श्रेया आशी देव ईशा साक्षी हाँ थैंक यू थैंक यू प्रिंसी बिल्कुल क्लियर थैंक यू बच्चे चलो वंदना चलो आगे बढ़ते देखो गर्ल्स को बहुत ज्यादा समझ में आई है आज अधीप अग्रवाल उनके काम का है मॉडल ये लगा के रखना इसको दिल के साथ अधीप श्रेया <laughs> ठीक, है, ठीक है सर आप पढ़ाते हो समझ आ जाता है बट एसएम में कंसोलिडेट करने में दिक्कत आती है क्या दिक्कत आ रही है कंसोलिडेट ही तो करा रहा हूं अभी देखो कराता हूं सारा एग्जाम्पल दिया थेरी लिखा दी उसकी फिलोसफी समझा दी राइट right? अब, अब ध्यान से सुनो अब आ जाओ अब McKenzie ने क्या बोला McKenzie ने बोला सेवन सेवन एलिमेंट है सेवन एस का मतलब सात एस है जो आपको ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन का पार्ट बनाती हैं, बनाना है और इनको एडजस्ट करना अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ ठीक है ध्यान से सुनो सेवन एस कौन कौन से हैं? अब याद करो आ, आप पॉइंटर देखो सबसे पहला हार्ड एलिमेंट उसको दो पार्ट बना दिए एक को बोला हार्ड एलिमेंट दूसरे को बोला सॉफ्ट एलिमेंट हार्ड एलिमेंट का मतलब क्या होता है कोई बता सकता है क्या समथिंग ध्यान से सुनना हार्ड एलिमेंट इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं एक लाइन में एक्सप्लेन कर रहा हूं पंच लाइन दे रहा हूं लिख ले रहा समथिंग दैट कैन बी कंट्रोल्ड एंड मैनेज बाय द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी मतलब सेवन में से तीन एलिमेंट ऐसे हैं सेवन में से तीन एलिमेंट ऐसे हैं जो कि एशियन पेंट्स की ध्यान से सुन लेना एशियन पेंट या बर्जर इंटरनेशनल का टॉप मैनेजमेंट खुद से मैनेज एंड कंट्रोल कर सकता है ध्यान से सुनो ये मैनेजमेंट के हाथ में है क्या स्ट्रैटी स्ट्रक्चर एंड सिस्टम स्ट्रैटी स्ट्रक्चर एंड सिस्टम बोलो यस और नो स्ट्रैटी टॉप मैनेजमेंट बनाती है वो कंट्रोल कर सकती है क्या अब जवाब देना शुरू करना आपसे तवज्जो चाहता हूं इस टॉपिक में कोई इधर उधर की बात नहीं तो सर आपको कोर कॉम्पिटेंस बिल्ड करना है एडवांटेज लेके आना है प्रॉपर स्ट्रैटी बनानी है ऐसी स्ट्रैटी जो दूसरी कंपनी के साथ भी सिंक कर जाए ये तो आपके कंट्रोल में है ना बॉस तो टॉप मैनेजमेंट के कंट्रोल में दूसरा स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर सेंट्रलाइज होगा या डिसट्रलाइज होगा मान लो फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल वापस आता हूं यहाँ पे एशियन पेंट्स एसबीयू स्ट्रक्चर फॉलो करती है और बर्जर इंटरनेशनल डिविजनल स्ट्रक्चर फॉलो करता है अब इसकी इससे शादी हो गई तो बताओ इसको एसबीयू में इनकॉर्पोरेट करेंगे कि नहीं करेंगे मित्रों ठोक के बोलिए जरा एसबीयू डिजनल को एसबीयू में डिविजनल स्ट्रक्चर इज अमी डिसेंट्रलाइज नॉट अ फुल्ली डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर वेर एसबीयू स्ट्रक्चर स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट स्ट्रक्चर इज अ डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर नाउ शादी हो गई दोनों की मर्जर अब शादी जैसे ही हुई चौरानवे पॉइंट नाइनटी फोर पॉइंट फोर एट परसेंट के साथ तो क्या करेंगे अब मैनेजमेंट के हाथ में है कि उसके स्ट्रक्चर को अपने स्ट्रक्चर के अंदर मिंगल कर ले एडजस्ट करे उसके स्ट्रक्चर को अपने स्ट्रक्चर के साथ मिला ले उसके स्टाफ को स्किल को नॉलेज को अपने सिस्टम में डाल दे क्लियर है तीसरा, system, system मतलब वही जो पहली क्लास में आपको पढ़ाता हूं बिजनेस सिस्टम सेट ऑफ रूल्स डिजाइन बाय द ऑर्गेनाइजेशन ठीक है सेट ऑफ रूल्स डिजाइन बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू एग्जीक्यूट द टास्क बिजनेस एंड बिजनेस प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ मैन मशीन एंड मटीरियल जो एफिसियंट होगा और इफेक्टिव होगा जो डेली टास्क एंड ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करेगा जिसमें लोग कंप्यूटर मशीन रिसोर्सेस लगेंगे और किसी भी काम को से मुझे ये वाला ये वाला लैपटॉप बनाना है एप्पल को ये वाला लैपटॉप बनाना है तो उसके लिए पूरा बिजनेस सिस्टम लगेगा ना पहली क्लास तो ये सिस्टम को इन कंट्रोल ऑफ द मैनेजमेंट है इसको बनाना तो इस सिस्टम को रेडी रहना पड़ेगा बर्जर इंटरनेशनल को एक्सेप्ट करने के लिए बोले यस और नो क्या उसके सिस्टम को अपने सिस्टम के साथ आप मर्ज करोगे अगर नहीं करोगे तो डिवोर्स हो जाएगा तो यू हैव टू प्रिपेयर एन ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन थ्री हार्ड एलिमेंट स्ट्रेटजी स्ट्रक्चर एंड सिस्टम क्लियर है एंड देर द टॉप मैनेजमेंट बिकॉज दे आर द कंट्रोलर एंड मैनेजर ऑफ दिस सिस्टम स्ट्रेटजी एंड स्ट्रक्चर सिस्टम स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटजी क्लियर है बोलो यस और नो ठोको यहां पे पहले पहले यहां पे यस नो ठोको फिर मैं जाऊंगा आगे ठीक है एकदम कॉन्सेप्चुअल अभी देखो लिखना यही लिखना है आपको एग्जाम्पल ऊपर थीम ये वाली एक्सप्लेनेशन ये वाली हार्ड की और ये रहे तीन एलिमेंट हार्ड के ठीक है अब ध्यान से सुनो सॉफ्ट एलिमेंट सॉफ्ट एलिमेंट सॉफ्ट एलिमेंट स यस थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू स्ट्रक्चर स्ट्रैटी एंड सिस्टम स्ट्रक्चर स्ट्रैटी एंड सिस्टम आर हार्ड ना सॉफ्ट एलिमेंट अब ध्यान से सुनना आपको ना बहुत सारी चीजें बताता था क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है कैसे हैं इधर बाजू में लिखना क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स हैं बताओ ये बताओ स्टा बताओ स्किल वैल्यू स्टाइल ये सब मैनेजमेंट के कंट्रोल में है क्या वो इन्फ्लुएंस कर सकता है क्या रिसोर्सेस प्रोवाइड कर सकता है लेकिन कंट्रोल नहीं कर सकता क्योंकि यहां पे बिहेवियर बिहेवियरल एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं इसका इसपे इन्वायरमेंट का इफेक्ट है नेचर का इंपैक्ट है ठीक है सॉफ्ट एलिमेंट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेचर बाय द नेचर बाय द नेचर वर्ड यूज करना कंट्रोल्ड एंड मैनेज बाय द मैनेजमेंट इसके बारे में लिखना इंफ्लुएंस्ड बाय द नेचर बाय द इनवाइट बाय द इंडिविजुअल बाय देयर बिहेवियर देयर आर सो मेनी थिंग्स आप मुझे कितनी भी ट्रेनिंग दे दो मैं केकेडी का केकेडी में लेता ही नहीं ट्रेनिंग ठीक है टैलेंट का पूल कोई आपके कंट्रोल में है क्या आप ट्रेनिंग दोगे मैं चला जाऊंगा आप हार्ड वर्किंग मैनेजर हार्डली वर्किंग स्टाफ तो आप मुझे ट्रेनिंग दोगे मैं दूसरी कंपनी में चला जाऊंगा बट इसको भी सर मैनेज करना पड़ेगा दीज आर द सॉफ्ट दिलीमेंट्स कौन कौन से सबसे पहला स्टाइल शेयर्ड वैल्यू स्टाफ एंड स्किल क्यों है वो भी बताता हूं स्टाइल 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 जैसे लीडरशिप 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 का मतलब leadership style. Leadership style कितने टाइप की होती है आपको पता ही है दो टाइप की होती है आगे पढ़ेंगे वैसे लेकिन आपने पहले तो पढ़ा ही है कर रहे हो दो टाइप की लीडरशिप स्टाइल होती है एक को बोलते हैं देखो रिविजन हो रहा है Organize, यार ट्रांजेक्शनल और दूसरे को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल अब बताओ किसी का स्टाइल लीडरशिप स्टाइल ट्रांजेक्शनल है और किसी का ट्रांसफॉर्मेशनल है कोई पैदा ही हुआ है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के साथ उसको तुम ट्रांजेक्शनल बना सकते हो नहीं बनेगा वो स्टीव जॉब्स को बदल सकते हो मुकेश अंबानी को बदल सकते हो बोलो रतन टाटा दूसरा पैदा कर सकते हो क्लोनिंग कर सकते हो नहीं ना ये इंडिविजुअल है ये इनबिल्ट है, है, है ठीक है, है बोलो यस और नो ये इन है बोलो यस और नो इन एस्पेक्ट है बताओ इसको बैलेंस शीट में कहां रखोगे बैलेंस शीट इसको कैप्चर कर सकती है क्या बैलेंस शीट इस स्टाइल को कैप्चर कर सकती है क्या तुम्हारे बैलेंस शीट में दम है क्या नहीं है बॉस नहीं है बैलेंस शीट में इतना ताकत कि इसको इनकॉर्पोरेट कर ले दिस इज कॉल्ड एज स्टाइल स्टाइल हैज बीन इज इंफ्लुएंस बाय द नेचर बाय द नेचर ठीक है नेक्स्ट शेयर्ड वैल्यूज अब मेरी वाइफ के जो वैल्यूज है उसकी फैमिली के जो वैल्यूज है और मेरे वैल्यूज है जो कोर वैल्यूज है दो अलग है दोनों के कल्चर अलग अलग है नाउ दिस इज टू बी दिस इज इंफ्लुएंस बाई द नेचर बाय डिफरेंट जोग्राफीज बाय डिफरेंट कस्टम्स बाय डिफरेंट सोसाइटी सो सर इसको क्या करना पड़ेगा सॉफ्ट एलिमेंट्स है इनको केयरफुली नर्चर करना पड़ेगा इन देक टाइम इट विल टेक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम टू मेक द वैल्यू ऑफ बर्जर एन एशियन पेंट्स वन वैल्यू इसीलिए जब दो कंपनियां जैसे मर्ज होती है तो टाइम लगता है ट्रांजिशन में आर यू गेटिंग द पॉइंट ट्रांजिशन का टाइम देना पड़ता है ये ट्रांजिशन जो है ये स्लोली 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 होता है चेंज जो होता है वो स्लोली 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 एडाप्ट करना ऊपर ना कि हरियप मत करो चेंज को अडॉप्ट करने में ठीक है इंप्लीमेंटेड स्लोली ठीक है यही बात है शेयर्ड वैल्यूज कोर वैल्यूज विच गेट रिफ्लेक्टेड विद इन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर ठीक है तीसरा कल्चर पढ़ेंगे डिटेल में स्टाफ द टैलेंट पूल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ये धीरे धीरे हम बिल्ड करते हैं एक दिन में इमारत नहीं खड़ी होती ठीक है धीरे धीरे करके हम बिल्ड करते हैं जैसे हम अपने स्टूडेंट्स को धीरे धीरे उनको कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग बनाते हैं ठीक है आपको एक दिन में टैलेंटेड नहीं बना सकता कोई एक दिन में नॉलेजेबल नहीं बना सकता कोई विजडम आपके अंदर एक दिन में नहीं आती है लंबे समय में आती है एक्सपीरियंस थोड़ा और टाइम लेती है नॉलेज इंफॉर्मेशन शेयरिंग टाइम लगता है इनको बिल्ड होने में इसी तरह से स्टाफ का टैलेंट पुल टाइम टे, टेकिंग प्रोसेस है स्किल द कोर कॉम्पिटेंस और द की स्किल ऑफ द इंप्लाइज इट टेक्स टाइम टू डेवलप तो याद रखिएगा ये दीज आर द फोर सॉफ्ट दॉलीमेंट्स इंफ्लुएंस्ड बाय द नेचर बाय द नेचर क्या क्या स्टाइल स्टाफ स्किल एंड शेयर वैल्यूज स्टाइल स्टाफ स्किल एंड वैल्यूज ठीक है इसमें मेमोरी कोड नहीं चाहिए लॉक करें क्लियर हो गया समझ में आ गई ये था सर ये था सर हमारा मैकेजि सेवन एस मॉडल क्लियर है लॉक करें चले आगे अब सर इस मॉडल के ना अब इस मॉडल का क्वेश्चन आएगा तो कैसे लिखोगे मान लो बर्ज अब देखो ध्यान से मान लो इसी टाइप की एक स्टोरी रख ली एशियन पेंट्स एंड बर्जर इंटरनेशनल की कहानी कह दी आपको मैंने ये क्यों बताया आपको समझ में आ गई बात एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन मेरे जैसे क्वेश्चन सेटर को बनाना होगा मैं ऐसी एक स्टोरी मर्जर की लेके आऊंगा लिख दूंगा और बता दूंगा कि ऐसी कंपनी के बारे में बताओ एशियन एशियन पेंट्स को एक ऐसा मॉडल सजेस्ट करो ध्यान से सुनो एशियन ध्यान से सुनो सारे बच्चे डोंट टेक इट लाइटली गैस एशियन पेंट्स को एक ऐसा मॉडल सजेस्ट करो एशियन पेंट्स को एक ऐसा मॉडल सजेस्ट करो जिससे वो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन बनाए जो इस ट्रांजिशन को इस मर्जर को डील कर पाए तो आप अभी कहानी सुना के और मॉडल पूछ दिया अब आप घूम रहे हो ब्रह्मांड में कि सर हमने तो पूरे एस की बुक के अंदर पचास मॉडल पढ़े बताओ बी सी जी लगाऊँ ए डी एल कौन सा मॉडल लगाऊँ बहुत सारे मॉडल है ठीक है तो सर उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सेवन एस मॉडल है जो इस चीज के लिए बना है तो सर उसको हार्ड एंड सॉफ्ट एलिमेंट्स हैं तो सर प्रॉपर उसको एक आंसर देना है फिर उसके बाद इसके सारे एलिमेंट्स डिफाइन करने हैं हार्ड एंड सॉफ्ट को अलग करना है फिर चारों पॉइंट और तीनों पॉइंट को अलग से एक्सप्लेन करने हैं एग्जाम्पल को एक देना है दे, दे स, देंगे हम और साथ ही साथ सर कंक्लूड कर देंगे अब ध्यान से सुनिए हो सकता है उसी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपसे ये पूछ दे कुछ ना पूछते हुए कि बताओ उस मॉडल की लिमिटेशन क्या है उस मॉडल की कौन से मॉडल की 7S एस मॉडल की कौन सा 7S एस मैकेजी का 7S एस मॉडल की लिमिटेशन क्या है मतलब इसकी भी लिमिटेशन है हो ही सकते हैं ना हो ही सकते हैं क्योंकि इस मॉडल में तुमने एक चीज देखा क्या ये जितनी बातें हैं सब इंटरनल है जबकि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी तो है उसका इन्फ्लुएंस भी तो हो सकता है और भी चीजें हो सकती हैं इसके अलावा ठीक है उन सबको इग्नोर मारता है यह मॉडल सिर्फ इंटरनल एडजस्टमेंट कर रहा है अरे कोई मौसी बुआ भी हो सकती है जो काम बिगाड़ सकती है हाँ या काम बना सकती है बोलो यस और नो समझ में आई बात मौसी बुआ भी हो सकती है जो काम बना या बिगाड़ सकती है ठीक है वही बात है देखो लिमिटेशन नंबर वन इग्नोर एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इग्नोरस एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर इग्नोर्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ये इग्नोर करता है ऊपर सर्वविदित है ये एक स्टैटिक मॉडल है मतलब 7S के अलावा कोई और नहीं हो सकता और नहीं हो सकता बोलो हो सकता है ना रेजिस्टेंस हो सकता है चेंज हो सकता है कोई सी या आर हो सकता है कोई लीडरशिप हो सकती नहीं लीडरशिप तो कंसिडर कर लिया उसने ठीक है कोई और भी कोई आ, डेवलपमेंट या ग्रोथ का कोई मॉडल मैट्रिक्स हो सकता है कोई कंपटीशन हो सकता है और भी तो चीजें हो सकती हैं लेकिन इस मॉडल ने सेवन एस की चर्चा करी इसके पास आठवां एस सी या आर या और कोई चीज नहीं थी ठीक है तो स्टैटिक मॉडल है ये डायनामिक नहीं है क्योंकि एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को कंसिडर नहीं करता क्योंकि ये तो डायनामिक है तो ये एक स्टेबल मॉडल है इन्हीं सात पैरामीटर्स में आपको डिफाइन करना है अपने ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन को और कोई तरीका नहीं है परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन पैरामीटर्स आर मिसिंग यस ये हम कैसे तय करेंगे कि स्ट्रेटजी स्ट्रक्चर सिस्टम स्किल शेयर वैल्यूज स्टाफ एंड स्टाइल मर्ज हो गए ये हम कैसे एक डिजाइन में आ गए समा गए एक साल में दो साल में तीन साल में हम कैसे डिसाइड करेंगे क्या इवेल्यूएशन का कोई यहां पे प्रोसेस है क्या है क्रॉस चेकिंग करने का है जो डेविएशन होगा उसको चेक करने का कोई सिस्टम है वेरिएंस पता करने का कोई सिस्टम है उसको कॉन्टिन्यूसली इंप्रूव करते रहने का कोई मैकेनिज्म दिया मैकेजी ने नहीं दिया सर नहीं दिया तो सर यह लिमिटेशन है हम क्या कर सकते हैं ठीक है हम वही कर सकते हैं जो उसने दिया है स्ट्रेटजी फार्मुलेशन एंड एग्जीक्यूशन में गैप है मैंने तो कब मना किया स्ट्रेटजी फार्मुलेशन अलग बात होती है एग्जीक्यूशन बिकॉज इंप्लीमेंटेशन की बात ही नहीं करी और इवेलुएशन की बात ही नहीं करी उसने तो सेवन एस मॉडल बना के दे दिया और उसने बता दी कि भैया ये स्ट्रेटजी है इसको लगा लो ना तो उसने इंप्लीमेंट करना सिखाया ना तो उसने इवेलुएट करना सिखाया तो सर इंप्लीमेंटेशन फार्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन का गैप यहां पर रह जाएगा ठीक है याद करने के लिए सर यह मॉडल यह मॉडल की सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि यह दिस मॉडल इग्नोरस एस पी जी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप को इग्नोर मारता है सर यह हो गया आपका मेमोरी कोड सर मॉड्यूल में नहीं लिखा था मैंने यहां दे दिया इग्नोरस एसपीजी मतलब नंबर वन इग्नोरस एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर मेरे साथ तीन बार बोलिए इग्नोर एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर इग्नोर एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इग्नोर एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर एस फॉर स्टैटिक मॉडल पी फॉर परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन पैरामीटर एग्जीक्यूशन गैप गैप इज गैप इज देयर देर इज अप बिटवीन फॉर्मुलेशन एंड एग्जीक्यूशन फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन देर इज ए गैप बिटवीन फार्मुलेंटेशन डन डन लॉक करें सर यह पूरा टॉपिक वेरी वेरी हॉट और सर यहां समय लगाना बनता था इसको समझाने के लिए सर वक्त लगता है ठीक है आई थिंक यू आर डन विद इट लॉक करें आगे बढ़े यहां तक मेरे को परमिशन दो आगे बढ़े एक बार सारे लोग जरा बोलो और यहां तक कोई डाउट है तो वो मेरे से पूछ लो प्लीज आस्क पूरे पूरे दो घंटे के बाद लगभग डेढ़ घंटे के बाद आपसे बोल रहा हूं कि कोई डाउट है तो पूछो प्लीज पूछो यहां तक कोई भी डाउट है तो पूछो यहां तक कोई पॉइंट ऐसा लगा कि नहीं समझ में आया तो पूछो क्वेश्चन कैसे आएंगे मैं साथ साथ बता रहा हूं मिनट डिस्कस करेंगे अलग मैटर है क्वेश्चन बैंक डिस्कस करेंगे अलग मैटर है बट यहां तो सीधा सीधा साक्षात क्वेश्चन बना के ही डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन बना के ही डिस्कस कर रहे और बता दे रहा हूं कि किस मॉडल में किस टॉपिक में कैसा क्वेश्चन बनेगा और हाउ टू डील विद दैट आई थिंक यू आर प्रिटी क्लियर अबाउट दिस माई डियर फ्रेंड्स नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम थैंक यू थैंक यू एक सेकेंड बहुत बोलना पड़ता है भाई अब आ, अब आ गया है आपका फेवरेट टॉपिक जो आपको बहुत मजा आने वाला है लेकिन आपको मैं पहले ही बता दूं इस टॉपिक को शुरू करने से पहले ये वो टॉपिक है जो देखने सर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं एंड क्लियर है क्लियर है, है इसलिए क्या रिवीजन वीडियो की जगह स्टडी कर लूंगा तो चलेगा आपकी मर्जी ठीक है अब ध्यान से सुनो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ध्यान रखना लेकिन यहां पे दो तीन चीजें बहुत ध्यान रखनी है कि यहाँ पे एक दो मॉडल ऐसे है जो कंफ्यूज करते हैं ये डिटेलिंग वाला मॉडल है डिस्क्रिप्टिव है यहां मैं बहुत सारी चीजें आप पे छोड़ूंगा ज्यादा नहीं थोड़ी बहुत एडवांटेज डिसएडवांटेज आपके लिए छोड़ूंगा जहां जहां मुझे लगेगा उसको सिंपल रीड करना और कुछ नहीं करना वो आपको आते हैं ट्वेल्थ क्लास में भी पढ़े हैं मैक्सिमम वही होंगे ठीक है लेकिन जहां मुझे बतानी है वहां मैं क्या बताऊंगा वो ध्यान से सुनना है ठीक है जहां जहां मैं पिन करूंगा वहां वहां आपको बहुत ध्यान से सुनना है यहां भी बहुत सारे डाउटफुल एरियाज हैं जो बच्चों को परेशान करते हैं ठीक है चलिए ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है हायरार्कल अरेंजमेंट ऑफ लाइन ऑफ अथॉरिटी कम्युनिकेशन राइट्स ड्यूटीज पावर विद इन द एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन क्लियर है सबको ठीक है सर जितने भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हैं अलग अलग टाइप के साइज के ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग अलग होते हैं एमपी सर एमसीक्यू बन जाते हैं सर इस पर ठीक है इसी के थ्रू आप रिसोर्सेस एलोकेट करते हो जिस लेवल पे जैसी रिक्वायरमेंट होती है जब हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो एक सिंगल कंपनी हो सकती है ध्यान से सुनना अब जो कहने वाला हूं ध्यान से सुनना एक सिंगल कंपनी हो सकती है और इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हो सकता है एक कॉन्ग्लोमिरेट कंपनी हो सकती है ग्रुप ऑफ कंपनी हो सकती है ग्रुप ऑफ कंपनीज हो सकती है और इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हो सकता है अब मुझे बताइए जरा दोनों में डिफरेंस क्या है यह समझा दीजिए बस आपको बहुत बातें समझ में आ जाएंगी अगर एक कंपनी की बात होगी तो यहां या तो फंक्शनल स्ट्रक्चर होगा सिंपल स्ट्रक्चर होगा ध्यान से सुनना आर ग्लास स्ट्रक्चर होगा नेटवर्क स्ट्रक्चर हो सकता है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर हो सकता है ध्यान से कॉन्ग्लोमेट लेकिन, 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 या डाइवर्सिफाइड कॉर्पोरेशन नहीं है जब तक ध्यान से सुनना डाइवर्सिफाइड कॉर्पोरेशन जब तक नहीं होगा दिस इज समथिंग एडिशनल आई एम टॉकिंग टू यू जब तक डाइवर्सिफाइड कॉर्पोरेशन नहीं होगा तब तक ये एम फॉर्म ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नहीं फॉलो कर सकता या एस बी यू स्ट्रक्चर नहीं हो सकता क्योंकि यहां तो कॉरपोरेट बिजनेस एंड फंक्शनल लेवल हो जाएगा खास करके एसबीयू के अंदर और फिर एम फॉर्म और एसबीयू में डिफरेंस है जो थिन लाइन डिफरेंस है वो आपको समझाऊंगा तो यहां डाउटफुल एरियाज होंगे सीखना है तो यह भी क्लियर हो गई स्ट्रक्चर दो टाइप के हो सकते हैं सेंट्रलाइज्ड हो सकता है डिसेंट्रलाइज्ड हो सकता है स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन को सॉरी सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर पसंद है लेकिन जैसे जैसे कंपनी का साइज बड़ा होता जाएगा सेमी डिसेंट्रलाइज से डिसेंट्रलाइज्ड होता हुआ आगे बढ़ जाएगा ठीक है या जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होंगे उनको मॉडर्न फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पसंद आएगी बात खत्म आगे बढ़े अब ध्यान से सुनो स्ट्रक्चर का मतलब आपको समझ में आ गया तो जैसे ही समझ में आ गया यहां पे एक नए बाबा आ जाते हैं जिनका नाम है एल्फ्रेड चैंडलर ध्यान से सुनना हुई चैंडलर एल्फ्रेड चैंडलर एक एक कॉर्पोरेट हिस्टोरियन था कौन था बोले सारे बच्चे कौन था ये ज्ञान होना चाहिए आपको एक कॉर्पोरेट हिस्टोरियन था जिसने बहुत सारी कंपनीज का उनके फिफ्टी ईयर्स की हिस्ट्री का स्टडी किया मतलब कॉर्पोरेट में भी हिस्टोरियन होते यस yes होते और हिस्ट्री की स्टडी करके उसने क्या जानने की कोशिश करी सिर्फ इस बात का इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करी कि अंडा पहले कि मुर्गी पहले हां सही में एक्चुअली जब हम चलते हैं तो हमारा राइट लेग पहले उठता है या लेफ्ट लेग बताओ कौन सा लेग पहले उठता है जैसे लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट राइट, 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 राइट लेफ्ट में कौन सा राइट या लेफ्ट कौन सा यू डोंट नो मार्च पास्ट में राइट तो सर यही डायलेमा इस चैंडलर के सामने भी था कि स्ट्रेटजी पहले की स्ट्रक्चर पहले चिकन प्रॉब्लम बोलते हैं इसको इसी को डील करने के लिए उसने सौ कंपनियों का पचास साल का इतिहास पढ़ डाला पढ़ने के बाद उसको पता चला कुछ बातें पता चली वही उसने एल्फ्रेड चैंडलर का स्ट्रेटजी स्ट्रक्चर रिलेशनशिप मॉडल बना दिया पूरी बुक लिख दी इसके ऊपर और उसने कहा ध्यान से सुनना जब भी नई स्ट्रैटजी बनती है उसको नया स्ट्रक्चर देना चाहिए देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए पहले इतनी बात बताओ नई स्ट्रेटी को नया स्ट्रक्चर डिमांडेड है कि नहीं है डिमांडेड है सर नई स्ट्रैटी को अगर नया स्ट्रक्चर नहीं दोगे तो देयर विल बी अ ह्यूज प्रॉब्लम क्यों क्योंकि जैसे ही नई स्ट्रैटी लगेगी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर पुराना होगा ऑर्गेनाइजेशन की बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम अराइज होंगे ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस डिक्लाइन करेगी और जैसे ही यू विल प्लेस अ न्यू स्ट्रक्चर इन प्लेस देन ऑर्गेनाइजेशन विल ग्रो से कहा कि हम टर्न अराउंड स्ट्रैटी लगाना चाहते हैं अपनी के लिए एप्पल के अंदर और टर्न अराउंड के लिए उसको क्या जरूरत थी क्या पुराना स्ट्रक्चर से काम चलता नहीं उसको नया लीडरशिप चाहिए था नया ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल चाहिए थी अगर वो उसको नहीं देता नया स्ट्रक्चर ज्यादा मॉडर्न स्ट्रक्चर तो क्या होता है कंपनी नई नई चीजों को इंप्लीमेंट करना चाहती और स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में हरकी में जाम लगा पड़ा है जंग लगा पड़ा है वो काम करता क्या नहीं करता ठीक है इसलिए तुमने सुना होगा कंपनियों में जब नया सीईओ नया सीएमडी आता है आते के साथ ही उथल पुथल मचाता है रीस्ट्रक्चरिंग करता है ऑर्गेनाइजेशन की कुछ लोगों को निकालता है कुछ नए लोगों को लाता है कुछ के डिपार्टमेंट बदलता है क्यों कोई नई सरकार आती है तो आई लोगों के ट्रांसफर होते हैं इधर से उधर आईपीएस को वहां भेजा आई को वहां भेजा क्यों रीस्ट्रक्चरिंग करता है क्यों नया बंदा नई स्ट्रेटजी के साथ आएगा ही नीड्स न्यू स्ट्रक्चर टू बिकम सक्सेसफुल आर यू गेटिंग माई पॉइंट क्लियर है आपको क्लियर है आपको यस थैंक यू अब आगे बढ़ते तो सर यही चीज ये यह कंपनी करने वाली है ठीक है मैं चैट देख रहा हूं आपके देखो यहां पे इसका मॉडल क्या कहता है न्यू स्ट्रेटजी इज फॉर्मुलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स इमर्ज

ठीक इस पर सर एम सर भी आते हैं एमसीक्यू पॉइंट वन के ठीक है आपको याद रखना है अब सर एक पहला स्ट्रक्चर है बहुत ही सिंपल सा है जिसको हम बोलते हैं सिंपल स्ट्रक्चर इसका मतलब क्या होता है एक सिंगल बिजनेस है यहां पे जो मैनेजर है कई कंपनियों में कई ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे पता ही नहीं चलेगा कि मैनेजर कौन है ओनर कौन है स्टाफ कौन है सब सारे काम कर रहे हैं दैट इज सिंपल स्ट्रक्चर छोटे बिजनेस स्मॉल बिजनेस स्मॉल में जो स्ट्रक्चर आप देखते हो सिंपल स्ट्रक्चर वही बंदा सामान भी पकड़ा रहा है वही जाके उधर ई e कॉमर्स पे पे लैपटॉप बैठ करके बुकिंग्स भी कर रहे है ठीक सारा छोटे स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन इस कंपनी की सिंगल स्ट्रेटजी होती है है ना फोकस मतलब सिंगल फोकस होता है सिंगल ज्योग्राफिकल मार्केट होता है एक ही टेरिटरी में काम कर रहा होता है ठीक है और कोशिश होती है कि हम कम से कम काम में हो दम और दाम में हो कम ठीक है और निश पे काम करता है मतलब उसका डिफाइंड कस्टमर बेस होता है तो कॉस्ट लीडरशिप हो या डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी हो वो फोकस्ड होती है इंपॉर्टेंट बात क्या है यहां पे सिंगल ध्यान से सुनना सिंगल और फोकस्ड चार बातें दो बातें आपको ध्यान रखनी है ध्यान से सुन लो ये बच्चे नहीं लिखते हैं जब ये क्वेश्चन आता है यही बात मिसिंग होती है बाकी सारी कहानी लिखी होती है ठीक है सिंगल बिजनेस स्ट्रेटजी होगी मतलब फोकस्ड लीडरशिप या फोकस्ड डिफरेंशिएशन जो भी आप फॉलो कर रहे हो फोकस्ड होगा और सिंगल ज्योग्राफिकल मार्केट होगा जहां वो अपने आप को अपनी स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करेगा यही है सिंगल स्ट्रक्चर और स्मॉल बिजनेसेस के लिए यूजफुल होता है ओनर स्टाफ एंड मैनेजर्स लुक लाइक सेम बात खत्म सर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके इश्यूज और लिमिटेशन सर ये आप रीड करोगे बस सिंपल है कुछ भी बड़ी बात नहीं है इसके अंदर फंक्शनल स्ट्रक्चर सर मैं नहीं करा रहा एडवांटेज डिसएडवांटेज के साथ डिविजनल स्ट्रक्चर से मैं शुरू कर रहा हूं ठीक है टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगा जहां किसी प्लेन रीडिंग से काम बनता है वहां एक्सप्लेनेशन है ही नहीं वहां टेक्निकल कुछ नहीं है मेरे लिए ठीक है आइए मुद्दे पे आते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर मतलब ऑर्गेनाइजेशन इज गेटिंग बिगर अब ध्यान से सुनना है दो तीन बातें नोट करा रहा हूं वो दिमाग में रखना है आपको थ्रू आउट क्योंकि इस पर प्रैक्टिकल सम भी आईसीआई पास्ट ईयर में पूछ चुकी है तो वी कैनॉट टेक अ रिस्क ध्यान से सुनना डिविजनल का मतलब है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सिंगल बिजनेस को ध्यान से सुनना सिंगल बिजनेस को एल जैसे किसी बिजनेस को क्या है उसका बिजनेस बड़ा हो गया ऑर्गेनाइजेशन इज गेटिंग लार्जर एंड द स्मॉल बिजनेस यूनिट मतलब सिंगल सिंपल स्ट्रक्चर और फंक्शनल स्ट्रक्चर सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर इज नॉट एबल टू हैंडल डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस क्या क्या बोला मैंने बिजनेस के डे टू डे बिजनेस को वो हैंडल नहीं कर पा रहा इन एफिशियंसी आ रही है मैनेजमेंट ठीक नहीं हो रही है कंपनी बहुत सारे बिजनेसेस लूज कर रहा है बहुत सारे रेवेन्यू लूज कर रहा है बहुत सारा प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी लूज कर रहा है कॉम्पिटेटिवली वो डिसएडवांटेज झेल रहा है उसका पिलर नंबर चार सौ बीस हो रहा है तो वो कंपनी क्या करेगी चेक करेगी और पता करेगी ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो गया स्ट्रक्चर आज भी सेंट्रलाइज है तो सर वो फंक्शनल स्ट्रक्चर काम नहीं करेगा एक्सटेंशन ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर इज डिविजनल स्ट्रक्चर नंबर वन तो यहां दो चीजें हुई एक तो यहां डिस हुआ रुक जाओ चाहे ये डिविजनलाइजेशन ज्योग्राफिकल एरिया के बेसिस पे हो प्रोडक्ट के बेसिस पे हो कस्टमर या प्रोसेस के पे बेसिस पे हो जिस भी बेसिस पे हो डिसेंट्रलाइजेशन हुआ कुछ ऑटोनॉमी दी गई मतलब ऑटोनॉमी मतलब सेमी ऑटोनॉमस ध्यान से सुनना ऑटोनॉमी का मतलब एसबीयू नहीं बना दिया हमने डिवीजन ध्यान सुनना डिवीजन को मैनेज करने के लिए डिवीजनल मैनेजर बिठाए गए और उनको एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मैनेजमेंट के लिए रिसोर्स एलो रिसोर्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस के लिए सेल्स बढ़ाने के लिए फंक्शनल इंप्रूवमेंट के लिए ऑटोनॉमी दी गई सो दैट कि जिस भी डिवीजन को वो हेड करते हैं एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली वर्क करे दैट इज द आइडिया ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर ऑटोनॉमी का मतलब नई कंपनी बनाना नहीं होता है कंपनी रिमेन्स द सेम दे वर्क लाइक डिफरेंट डिविजन्स वर्क लाइक ब्रांचेज अंडर द कंट्रोल ऑफ हेड ऑफिस क्या बोला मैंने अंडर द ओवरऑल कंट्रोल ऑफ हेड ऑफिस फाइनेंशियल कंट्रोल भी स्ट्रेटेजिक कंट्रोल भी क्या वर्ड यूज कर रहा हूं नोट करेंगे आप नोट करेंगे आप मुझे पता है आप ये सब बातें नहीं नोट करते आप जनरली पढ़ते और इंस्टीट्यूट यह देखना चाहता है स्पेसिफिकली ध्यान से सुनो इंडिपेंडेंट डिविजन का मतलब एस बी यू नहीं होता है पहली बात इंडिपेंडेंट डिवीजन है इसी बिजनेस का डिवीजन है ओनली एक ब्रांच की तरह है जैसे ब्रांच अकाउंटिंग करते हो ना हेड ऑफिस में सारा मर्ज हो जाता है ना सेम मतलब इसकी अकाउंटिंग हेड ऑफिस में ही होगी क्रिएटेड अंडर द ओवरऑल कंट्रोल ऑफ द हेड ऑफिस और ओवरऑल कंट्रोल के दो मतलब होते हैं नोट कर लीजिए पहला ओवरऑल फिनेंशियल कंट्रोल किसका हेड ऑफिस का मतलब इस बिजनेस का बिजनेस रिमेन्स द बिजनेस इट सेल्फ देर इज नो न्यू बिजनेस ओनली डिवीजन जस्ट फॉर एफिशियंसी जस्ट फॉर बेटर मैनेजमेंट वी हैव डिसेंट्रलाइज वी हैव गिवन ऑटोनॉमी वी हैव गिवन सम इंडिपेंडेंस बट वी हैव नॉट मेड अ सेपरेट बिजनेस दिस इज नॉट अ सेपरेट बिजनेस यूनिट आर यू क्लियर अबाउट दिस नंबर वन फाइनेंशियल कंट्रोल प्लस स्ट्रेटेजिक कंट्रोल अब दोनों का मतलब समझ लीजिए फिनेंशियल कंट्रोल आप कंपनी एक्ट में भी पढ़ते हो ठीक है ध्यान से सुनना फाइनेंशियल कंट्रोल मतलब टोटल जो पैसे का लेन देन होगा जो अकाउंटिंग होगी जो फाइनेंशियल प्लानिंग होगी जो फाइनेंशियल स्ट्रेटजी बनाई जाएगी वो हेड ऑफिस की होगी बात खत्म डिविजनल मैनेजर की जिम्मेदारी है उसको फॉलो करना खत्म कहानी बस इतनी ऑटोनॉमी थी काम करने की ऑटोनॉमी है यू आर नॉट अ प्रॉफिट सेंटर क्या वर्ड यूज किया यू आर नॉट अ प्रॉफिट सेंटर यू आर नॉट अ प्रॉफिट सेंटर यू आर नॉट अ कॉस्ट सेंटर डिविजन आर नाइदर प्रॉफिट सेंटर नॉट नॉट कॉस्ट सेंटर क्लियर है यह दो बातों से आपको अब आप क्लियर हो गया होगा ठीक है एंड स्ट्रेटेजिक कंट्रोल मतलब स्ट्रेटी मेकिंग रिमेन्स द आइडिया ऑफ टॉप मैनेजमेंट मीनस एच ओ इज गोइंग टू प्रिपेयर स्ट्रेटी फॉर द बिजनेस मतलब बिजनेस की प्लानिंग में स्ट्रेटी में कंट्रोल में कोई डिफरेंस नहीं आया सिर्फ डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन को मैनेज करने के लिए ऑटोनोमी एंडिपेंडेंस दिया है इतनी बातें क्लियर है बच्चे होते हैं कंफ्यूज वो देखते हैं इंडिपेंडेंट डिविजन बस समझने लग जाते हैं क्वेश्चन में लिखा होता है और वो चालू हो जाते हैं एस बी यू लिखना रॉन्ग ऐसी गलतियां करके आने वालों की संख्या हजारों में होती है एंड दैट्स वाई आई एम हाईलाइटिंग इट बोलो ये बात क्लियर हो गई डिविजनल स्ट्रक्चर की जो स्पेसिफिक बात थी वो क्लियर कर दी ये क्लियर हो गई इतनी बात इतनी बात क्लियर हो गई इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज मेरे साथ कर लीजिए ठीक हाँ, है ये क्यों किया क्योंकि अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करना चाहता है एंप्लॉय मोराल हाई होगा करियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो फंक्शनल के डिसएडवांटेज थे सारे एडवांटेज हो गए बस बात खत्म बेटर कंट्रोल ऑफ लोकल सिचुएशन होगी क्योंकि डिविजनल मैनेजर्स बैठे हैं और कॉम्पिटेटिव क्लाइमेट होगा हर डिविजन एक दूसरे के साथ अंदर अंदर ही कंपीट करेगा डिसएडवांटेज और इश्यूज और लिमिटेशन क्या होगी डिवीजन रिक्वायर स्पेशलिस्ट जो फंक्शनल के एडवांटेजेस थे वो यहां हो जाएंगे बात समझ में आ गई क्या बात समझ में आ गई क्या अच्छा डुप्लीकेशन ऑफ स्टाफ होगा फैसिलिटी एंड पर्सनल होगा ठीक है वही कंपनी वही अकाउंट डिपार्टमेंट सबके साथ डील कर रहा है वही बंदा डिवीजन ए बी सी डी सब जगह जा रहा है ऐसा तो है नहीं कि सेपरेट स्टाफ कर दिया ऐसा भी नहीं है और किया भी तो फिर कहीं कहीं ओवर स्टाफिंग हो गई कहीं कहीं अंडर स्टाफिंग हो गई रिक्वायर्स एन एलेबरेट एंड कॉस्टली हेडक्वार्टर ड्रिवन कंट्रोल सिस्टम ठीक है डिवीजन बना के भी जब कंट्रोल हेड ऑफिस के पास ही रखना था तो हेड ऑफिस का ओवरहेड बहुत तगड़ा होगा कैपिटल बजटिंग में इस पर एक केस स्टडी कराई थी रेलिवेंट इनरेलीवेंट कॉस्ट डिसाइड करते हुए आपको शायद याद होगा ठीक है ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी इज इनकिस ड्यू टू डिविजनल बायस एंड इन इक्वालिटी क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन सारे डिवीजन के लिए पॉलिसी बना मान लो कोई डिवीजन अच्छा काम कर रहा है उसको भी उतना ही बोनस मिल रहा है कोई डिवीजन पच्चीस करोड़ की सेल कर रहा है उसको भी मान लो पांच लाख का बोनस मिल रहा है और कोई पचास करोड़ का सेल कर रहा है उसको भी पांच लाख का बोनस मिल रहा है तो फिर ये सब बायस एंड इन uh, इक्वालिटी की बात उठती है ये सब डिसएडवांटेज है प्रैक्टिकल डिसएडवांटेजेज है दैट सेट अब आ जाओ सर यहां पे सर ये वाले टॉपिक में तो बिल्कुल दिल थाम के बैठना और जितना काम कर रहे हो ना एक एक घुट पानी का पी लेना प्लीज ठीक है एक सांस लो लंबी और दो घुट पियो पानी और उसके बाद पढ़ो मेरे साथ मल्टी डिविजनल एंड एस बी यू स्ट्रक्चर इंस्टीट्यूट यहां पे प्रैक्टिकल सम पूछता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछता है एक चेन्नई की कंपनी वाला क्वेश्चन पूछा था पिछले दो अटेम्प्ट पहले तीन अटेम्प्ट पहले ठीक है और उसमें आंसर कर दिया था गलत और हुआ था बड़ा स्यापा बहुत हुई थी लड़ाई इस पर बने थे वीडियो ठीक है सबसे पहले मैंने बनाया था और हजार पेज का एविडेंस आईसीआई को भेजा था इस बार इंस्टीट्यूट ने कुछ अमेंडमेंट इस टॉपिक में किए हैं टू तो जस्टिफाई कि भैया आगे से कंफ्यूजन ना हो ठीक है अब ध्यान से सुनना नहीं एज इट इज नहीं लिख सकते अदीप एज इट इज नहीं लिख सकते वहां से आपको हिंट मिल जाएगा एज इट इज नहीं लिख सकते टर्मिनोलॉजी अलग यूज करिए वर्ड्स अलग यूज किए तो वो तो सर देखो इस इसके अंदर तो सर इसके अंदर तो रट्टा ही मारना पड़ता है ठीक है हाँ समझ होगी तो रट्टा दो मिनट में लगेगा स्ट्रक्चर के अंदर आई कांट हेल्प टू मच यस आई कैन हेल्प हियर इन सब चीजों में हेल्प कर सकता हूं ये सब अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है तो इन बातों को लिख देना है जितना लिखा इनको बोला इतने को लिख देना है बात खत्म ये दो लाइन मेन है लार्ज ऑर्गेनाइजेशन इंडिपेंडेंट डिवीजन एंड अंडर दोल एच ओ मैंने हर की चीज को डिकोड कर दिया उसको एलिबरेटली लिख दो बात खत्म ठीक है डिसेंट्रलाइज है ऑटोनॉमस नहीं सेमी ऑटोनॉमस है एडमिनिस्ट्रेन बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए किया है और फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक कंट्रोल कंट्रोल का मतलब फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक कंट्रोल होता है बस इतनी बात लिख दो चलेगा डेढ़ दो पैराग्राफ बन जाएंगे आपके ठीक है यस नहीं सारा मेंटोर करना मुश्किल क्यों है श्रेया बिल्कुल मुश्किल नहीं है जब आपको कॉन्सेप्ट आते हैं तो वो एक दिन का काम है मैं करवाता हूं उसको रुको अब आ जाओ इस वाले टॉपिक में आ जाओ जरा यहां टिक के पढ़ेंगे यहां जल्दबाजी नहीं करेंगे सर आपको क्या लगता है मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर एंड एसबीयू स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है कोई बता सकता है कोई बता सकता है आपने पहले तो पढ़ ही रखा होगा जरा सा मुझे हिंट कीजिए जो भी पढ़ रखा है आपने ध्यान से सुनना अब जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनना एक कंपनी और बड़ी हो गई क्या हो गई आ, नोट करके लिखता हूं कुछ कुछ बातें लिख रहा हूं जरा दो मिनट डिबेट करेंगे उसके बाद चलेंगे टॉपिक के ऊपर सबसे पहले मैं एम फॉर्म की बात कर रहा हूं एंड दूसरी तरफ है एसबीयू एसबीयू में किसी को कोई डाउट है क्या एसबीयू का मतलब होता है कॉर्पोरेट लेवल बिजनेस लेवल और फंक्शनल लेवल वाली हायर मतलब वही चैप्टर वन का रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और टाटा सन्स वाला एग्जाम्पल याद कर लो कोई भी कॉन्ग्लोमिनेट जो फुल्ली डाइवर्सिफाइड हो डाइवर्सिफाइड ऑर्गेनाइजेशन ठीक है किसी को कोई दिक्कत इतनी बातें याद रखनी है उसके बाद बाकी सब समझ में आएगा एक फुल्ली डाइवर्सिफाइड रिलेटेड और अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन जहां हो रिलेटेड मतलब जब कोई कंपनी अपने इनिशियल बेस से रिलेटेड एक्सपेंशन करती है डाइवर्सिफिकेशन करती है नए नए बिजनेसेस स्टार्ट करती है जैसे मैं पेपर का, का काम करता हूं मैं प्रिंटिंग पब्लिशिंग उसी से रिलेटेड बिजनेसेस स्टार्ट कर रहा हूं स्टेशनरी ठीक है कॉपी बनाना बुक बनाना एटसेट्रा एटसेट्रा दैट इज रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन लेकिन जब मैं पेन पेपर मैं कागजी था कागज का, का काम करता था पेपर का, का काम करता था और अब मैं स्टूडियो बनाने लग गया अब मैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाने लग गया अब मैं पेट्रोलियम पेट्रोकेमिकल सर्विस इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर बनाने लग गया तो अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन कहलाएगा मतलब मैं थोड़ा ज्यादा ही फैल गया फैलने की लिमिट होती है ना भाई मैं रिलायंस बन गया मैं आई बन गया आई तो एसबीयू स्ट्रक्चर ऐसी कंपनियों को सूट करता है बोलो क्लियर है बोलो क्लियर है ये yes, रुक जाओ अब एसबीयू स्ट्रक्चर के कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ऐसे ऐसे के ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के एक इनकी जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है ना एकदम ऑटोनॉमस होती है मतलब ये फुल्ली ऑटोनॉमस होता है मतलब इनका स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का जो अप्रोच होता है ना बताना टॉप बॉटम या बॉटम अप सारे बताएंगे सारे जवाब देंगे तभी ये टॉपिक समझ में आएगा रुको 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 बोलो टॉप बॉटम या बॉटम अप यहां स्ट्रेटेजिक प्लानिंग किस अप्रोच से होगी मित्रों बताइए फटाफट यस बॉटम अप बॉटम अप अप्रोच लगेगा टॉप मैनेजमेंट को तो सिर्फ अप्रूवल के लिए भेजेगा ध्यान से सुन लेना और मेनली जिम्मेदारी किसकी होगी प्लानिंग की हर बिजनेस अपनी अपनी प्लानिंग करेगा क्यों 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 अब सवाल का जवाब सुनो यह इंडिपेंडेंट होगा यह ऑटोनॉमस होगा ऑटोनॉमस और ऑटोनॉमस के बाजू में लिख रहा हूं फुल्ली ऑटोनॉमस बिजनेस यूनिट और बिजनेस यूनिट लिखते हुए आपको एक बात बता देना चाहता हूं ध्यान से सुन लेना मेरी बात कभी यह गलती मत करना मैं जहां जहां बोलता हूं कभी यह गलती मत करना बिजनेस यूनिट से धोखा नहीं खाना है बिजनेस यूनिट बोलने का मतलब स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट नहीं होता है अरे बाप ये क्या बोल दिया सर ने ओ मित्रों ये तो गजब ही बोल रहे हो आप ये तो आपने हमें कंफ्यूज कर दिया बोलो ना कंफ्यूज कर दिया कर दिया क्या कंफ्यूज अरे किया क्या हेलो 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 काना ने किया टेलीफोन की राधा बोले हेलो हेलो बोलो कंफ्यूज किया गया मैंने बोला बिजनेस यूनिट देख के कंफ्यूज नहीं होने का एसबीयू ही होगा नहीं भी हो सकता है कुछ और भी हो सकता है बोलो ये yes, क्यों हो सकता है अब बताता हूं ध्यान से सुनो ये एक्सेप्शन है स्टार कर लेना ठीक है बिजनेस यूनिट बोलने का मतलब एसबीयू होगा जरूरी नहीं है जब तक वो फुल्ली ऑटोनॉमस नहीं है अरे कोई ऐसा भी तो बिजनेस यूनिट हो सकता है अंडर द कंट्रोल ऑफ एस बी यू सॉरी अंडर द कंट्रोल ऑफ हेड ऑफिस जैसे यहां पे एम फॉर्म में डिविजनल स्ट्रक्चर में यहां भी सेपरेट बिजनेस यूनिट होगा यहां भी वर्ड बिजनेस यूनिट ही यूज होगा ये भी सेपरेट ही होगा जैसे जॉनसन एंड जॉनसन के केस में है जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी इसको फॉलो करती है इनिशियली एप्पल भी इसको फॉलो करता था ये वाला भाई ये भी इसको फॉलो करता था याद रहेगा इसलिए दिखा रहा हूं एप्पल भी शुरुआती दौर में यही यूज करता था अपने सारे बिजनेसेस को मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर में अंडर द ओवरऑल कंट्रोल ऑफ टॉप मैनेजमेंट या हेड ऑफिस ही चलाता था यूनिट बोला सेपरेट बिजनेस है ये सेपरेट बिजनेस है ये सेपरेट बिजनेस है ये सेपरेट बिजनेस है अरे सब सेपरेट है लेकिन कंट्रोल हमारा अभी भी जारी है बोलो जिंदाबाद ठीक है ध्यान से सुन लेना यस ठीक है यस यस अब ध्यान से सुनो ऑटोनॉमस है फुली ऑटोनॉमस है ये पीसी है ये सीसी है ये प्रॉफिट सेंटर है ये कॉस्ट सेंटर है क्या है ये प्रॉफिट सेंटर है ये कॉस्ट सेंटर है प्रॉफिट सेंटर एंड कॉस्ट सेंटर नहीं है नहीं है बिजनेस यूनिट जरूर है लेकिन कंट्रोल अभी भी यह दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है दोनों बिजनेस यूनिट है लेकिन सर ने आप क्रिएट कर दिया एक यहां पे जो इंस्ट्रेटेजिक प्लानिंग है मित्रों ध्यान से सुनिएगा यहां पे जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है बताइए ये टॉप बॉटम है कि बॉटम अप है अब समझ में आएगा यहां स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का अप्रोच टॉप बॉटम है कि बॉटम अप है अब समझ में आएगा दूर से समझा रहा हूं बॉटम अप नहीं है यहां पे टॉप डाउन अप्रोच है टॉप डाउन अप्रोच है इंपोज है ये डिफरेंस है ध्यान से सुनो अब ध्यान से सुनो इसके पास इसके पास हेड होंगे सेपरेट हेड होंगे हर डिवीजन के हर बिजनेस यूनिट के वो तो इसके पास भी होंगे इसके पास भी होंगे दोनों के पास होंगे सेपरेट डिविजनल हेड यहां भी बिजनेस यूनिट का हेड होगा यहां भी होगा बट ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट नहीं है इससे आप कंफ्यूज हो जाओगे उसके बाद इसकी अपनी स्ट्रैटी होगी इसकी भी अपनी स्ट्रैटी होगी ध्यान से सुनना तो सर दोनों में डिफरेंस क्या हुआ इसकी स्ट्रेटजी इसका बाप बनाएगा टॉप डाउन अप्रोच से बात समझ में आ गई क्या दोनों की अपनी स्ट्रेटजी होगी क्योंकि दोनों बिजनेस यूनिट हैं तो दोनों की बिजनेस स्ट्रेटजी होगी बोलो यस और नो यहां भी हर एसबीयू की बिजनेस स्ट्रेटजी होगी और यहां भी हर डिवीजन की या बिजनेस यूनिट की बिजनेस स्ट्रेटजी होगी लेकिन इसकी स्ट्रेटजी और इसकी स्ट्रेटजी में बनाने बनाने का फर्क है क्लियर हुआ क्या बोलो यस और नो एकदम क्लियर करना मुझे बोला है मैंने कॉन्सेंट्रेट करना दो घुट पानी पी के बात करना अच्छे अच्छे कंफ्यूज रहते हैं बड़े बड़े जिनको बड़े बड़े बोलते हो आप सब कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि स्ट्रेटजी जब तक आप इंडस्ट्री में जाके नहीं सीखते काम नहीं करते इंडस्ट्री में किताबें पढ़ के नहीं पढ़ाई जा सकती है स्ट्रेटजी एंड फाइनेंस कैन नॉट बी टॉक बाय यू नो जस्ट स्टडिंग और रीडिंग द बुक्स ये बुक का मैटर ही नहीं है ये पहले इंडस्ट्री में होता है फिर बुक में लिखा जाता है बाद में ये तो लिख देते हैं हम जैसे लोग ठीक है और आप पढ़ लेते हो यस सर तो सर इनकी दोनों के अपने कॉम्पिटिटर होंगे इसका भी अपना कॉम्पिटिटर होगा ये सब कॉमन पॉइंट है इनमें कोई डिफरेंस नहीं है अपने 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 प्रोडक्ट्स होंगे इस बिजनेस यूनिट के भी अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज होंगे इसके भी अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज होंगे मतलब ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट नहीं है काम करने के तरीके में डिफरेंस दिखता है ऑटोनॉमी में डिफरेंस दिखता है ये वाला जो यूनिट है ना एम फॉर्म ये सेमी ऑटोनॉमस है ये कंट्रोल्ड है और ये फुल्ली ऑटोनॉमस है अब जियो को किसी से पूछने की जरूरत नहीं है ठीक है कॉर्पोरेट उससे हिसाब किताब मांगता है बट जियो जियो इज इंडिपेंडेंट रिलायंस रिटेल इज इंडिपेंडेंट वेबसाइट पे देख लेना रिलायंस पेट्रोलियम इज इंडिपेंडेंट दो इट इज अ पार्ट ऑफ वन अम्रेला कॉल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड आर यू गेटिंग माई पॉइंट फुल्ली ऑटोनॉमस नॉट कंट्रोल्ड ओनली सुपरवाइज क्लियर है बस ये पेज को छाप लेना इसका स्क्रीनशॉट ले लो बस समझ लो पूरी कहानी खत्म मतलब इसके ऊपर यह भाई के ऊपर स्ट्रेटेजिक एंड फाइनेंशियल कंट्रोल अभी भी है और वो वाले भाई के ऊपर ना स्ट्रेटेजिक कंट्रोल काम करता है ना फिनेंशियल कंट्रोल काम करता है बताओ कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई अगर आ गई हो तो अब हम चलते हैं मॉड्यूल के ऊपर बोलो यस और नो ये वाला छाप लेना अगर आ गई हो तो मॉड्यूल के अंदर चलें अगर आ गई हो तो मॉड्यूल के ऊपर चलें अगर आ गई हो तो मॉड्यूल के ऊपर चलें पहले बताओ क्लियर है सर क्योंकि इसको पढ़ाने के लिए मैं बहुत मेहनत मतलब मैं, मैं, मैं टारगेट करके आया था कि ये वाला आपको बहुत अच्छे से समझाना है क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो सकती है हाँ पी डी एफ मैं दे दूंगा लेकिन अगर कुछ भी नोटिंग भले इतनी बात बताओ इतनी बात कन्फर्म करो मेरे को ठीक है एकदम ठोको जरा बढ़िया से यस वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू चलिए अब आ जाइए मॉड्यूल के ऊपर क्या बात है हो रही ना रिवीजन इसको कहते हैं रिवीजन चीते की चाल बाज की नज़र तो मल्टी डिविजनल से स्टार्ट करें रीडिंग करने के लिए आप रेडी हैं मेरे साथ प्यार से रीड कर लीजिएगा जहां जो एक्सेप्शन दिखाऊंगा अंडरलाइन करूंगा अंडरलाइन कीजिएगा मेरे साथ मल्टी डिविजनल फॉर स्ट्रक्चर इज कंपोज्ड ऑफ ऑपरेटिंग डिवीजंस वर्ड यूज किया ऑपरेटिंग डे टू डे बिजनेस समझ में आ गई बात वेयर ईच डिवीजन रिप्रेजेंट्स अ सेपरेट बिजनेस मतलब हर डिवीजन एक बिजनेस यूनिट है कोई दिक्कत नहीं मेरे को बोलने में ठीक है टू व्हिच द टॉप कॉर्पोरेट ऑफिस यहां भी कॉर्पोरेट ऑफिस है कोई दिक्कत नहीं है डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां डेलीगेशन है कंट्रोल है ना बोलो यस और नो बोलो यस और नो ठीक है एक बार सही बात है अगर एक बार कॉन्सेप्ट सीख लिया ना तो चीते की चाल बाज की नजर और अपने कॉन्सेप्ट पर शक नहीं करते पॉइंट नोटेड ऑपरेटिंग डिवीजन सेपरेट बिजनेस कॉर्पोरेट ऑफिस डेलीगेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फॉर डे टू डे ऑपरेशन तेरे बाप की जायदाद नहीं है हाजी डॉन अभी जिंदा है बात समझ में आ रही है बात यस एंड बिजनेस यूनिट स्ट्रैटेजी ये लो बिजनेस यूनिट स्ट्रेटजी भी टॉप ही दे रहा है बात क्लियर कर दी क्या मैंने सारे की टर्म्स आ गए फिर कंफ्यूजन कहा है फिर भी कंफ्यूज रहते हाँ यहां डिविजनल मैनेजर है यहां बिजनेस हेड है एक सेपरेट बिजनेस यूनिट है सब मैं तो रहा हूं बट दिस बिजनेस यूनिट इज नॉट ऑटोनोमस अंडर द ओवरऑल कंट्रोल ऑफ हमने बिजनेस यूनिट मैनेज करने के लिए अलग अलग बिजनेसेस बना दिए हैं जॉनसन एंड जॉनसन की तरह एग्जांपल जे एंड जे एप्पल 1999 का और 98 का और 2000 2003 4 तक का मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर में काम करता था आज एसबीयू स्ट्रक्चर में काम करता है M form is composed of creating separate divisions. Each division would house its functional hierarchy. Hogi divisional manager would be given responsibility for managing day-to-day -day operations. Managing day-to-day -day operations. Okay? A small corporate office would determine the long-term strategic direction con corporate office, not the divisional office, not the business. Corporate will determine of the form and exercise overall financial control. ओवर द सेमी ऑटोनॉमस डिवीजन मतलब सर दो बातें हो गई क्या सेमी ऑटोनॉमस डिवीजन समरी में सब लिख दिया है और एक चीज याद रखनी है फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक कंट्रोल ये कंट्रोल्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है किसी को कोई शक किसी को कोई लड़ाई किसी को कोई टेंशन किसी को कोई कंफ्यूजन खत्म कहानी क्वेश्चन आए इन शूट क्वेश्चन बनाने में गलती कर सकता है आप आंसर लिखने में गलती नहीं कर सकते ठीक है यू कैनॉट अफोर्ड <coughs> ये प्रभजीत सिंह ये कहां दिख रहा है आपको कहीं नहीं है अलग जहां अलग है वहां अलग है जहां सेम है वहां सेम है यहां ऑडिट वाली कहानी नहीं है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर वो ऑडिट में हुआ है और लॉ में हुआ है वो चीज जो आप बता रहे हो आप मेरे को बताना टॉपिक स्क्रीन लेके मेरे नंबर पर भेजना फिर मैं बात करूंगा ठीक है जहां चेंज है वहां मैंने चेंज किया जहां चेंज नहीं है क्यों चेंज करना ठीक है जहां न्यू है जहां अमेंडमेंट है है जहां नहीं है वहां नहीं है ठीक है आपका मॉड्यूल मैं ही लिखता हूं डोंट वरी आपका एस एम का मॉड्यूल बहुत मेजोरिटी पार्ट मैंने लिखा हुआ है तो आई नो क्यू वेयर वोट इज चलिए अगर है कुछ तो आप मेरे को भेजो मैं बात करूंगा ऑडिट एंड लॉ में ये सब हुई है यहां नहीं हुई है प्रोएक्टिव रिएक्टिव में सब चीजें लिखी हुई हैं जो क्लास में मैंने बताई है कोई डिफरेंस नहीं है देख लिया है मैंने ठीक है क्लास में भी सब पढ़ाया है आपको जो भी है मॉड्यूल के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है वो सारा डायग्राम भी है उसकी एक्सप्लेनेशन भी है सब है वैसे का वैसे है ठीक है

मैं अपूनी गॉड है एसाला ऐसे सोचता ही है ये ठीक है मैं रिलायंस जियो है मैं किसी के मतलब अपने बाप की भी नहीं सुनता ठीक है ऐसा कुछ ओन सेट ऑफ कॉम्पिटिटर्स हैं मैनेजर्स हुपॉन्सिबल फॉर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की जिम्मेदारी किसकी है जो इस डिवीजन को इस यूनिट को मैनेज करता है प्रॉफिट परफॉर्मेंस की जिम्मेदारी किसकी है इनकी है एंड हु कंट्रोल प्रॉफिट इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर क्योंकि प्रॉफिट सेंटर है ये पीसी है खत्म कहानी इंडिविजुअल एसबीय आर ट्रीटेड एज प्रॉफिट सेंटर्स अंडरलाइन एकदम लिखना है चिपक के इट फैसिलिटेट कंपेरिजन बिटवीन डिवीजन इंप्रूविंग द एलोकेशन ऑफ रिसोर्स एंड कैन बी यूज टू सिमुलेट मैनेजर्स ऑफ पुअरली परफॉर्मिंग डिवीजन ये डिवीजन वर्ड देख के कंफ्यूज नहीं होना है डिवीजन और यूनिट बोलने के तरीके हैं इंडिकेट करने के तरीके हैं ठीक है थिके? इनके इन एसबीयू के इन एसबीयूज के फर्दर डिवीजन हो सकते हैं अपने मतलब रिलायंस जियो अपने डिविजन क्रिएट कर सकता है रिलायंस रिटेल अपने तो रिलायंस फैशन है? है अलग है ये अलग है ज्वेलर्स अलग है रिटेल के अंदर बहुत सारे डिविजन है किए हुए ना उसने किए हुए करेगा वो एसबीयू अ बिजनेस टूल हुज मेन एम इज टू सर्व अ क्लियर एंड डिफाइंड मार्केट सेगमेंट विद अ डिफाइंड स्ट्रेटजी क्लियर है ठीक है एकदम वेल क्लियर है कोई दिक्कत नहीं है दोनों में डिफरेंस अब सर ध्यान से देखिए जो एरिया कंफ्यूजन क्रिएट करता था उसके लिए एक सेपरेट नोट दिया है मैंने मॉड्यूल से ही निकाल के दिया है मैंने अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं दिया है ठीक है तो ये वाला पैरा बहुत अच्छे से पढ़ना आपको मेरे साथ हां जॉनसन एंड जॉनसन मल्टी डिविजनल में लिख सकते हैं मैंने क्लास में आप लोगों को जॉनसन एंड जॉनसन का स्ट्रक्चर पढ़ाया हुआ है अगर आपको याद हो क्लास देखी हो तो हां जी प्रिंसिपल आया है ना ये ये और एप्पल दोनों पढ़ाया है पुराना वाला और नया वाला दोनों स्ट्रक्चर बताया है सो so दैट कि आप समझ सको कि पहले क्या था और अब क्या है क्यों पहले मल्टी डिविजनल था और कैसे ये एस हो गया क्योंकि इस चैप्टर का सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट ही यही है तो मैं क्या करेगा मेरे को तो वही करना है वही करना है जो आईसीआई मेरे से चाहता ही समझी गयो ठीक है यस कराया है मैंने तो ध्यान से लेक्चर देख लेना अगर अभी भी डाउट रह जाए तो वैसे रहेगा नहीं मैंने सब एकदम दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है ठीक है डन बर्थ कंडीशन देखो मैंने एक टॉपिक लिया है यहां पे ये इसलिए नहीं लिया है कि ऐसा कोई टॉपिक आईसीआई मैट में है लेकिन ये कंटेंट आईसीआई मैट का ही है टोटल हंड्रेड परसेंट विदाउट सब उसी का है लेकिन लेकिन ध्यान से सुनना प्लीज ये चीज क्यों लिखी है बर्थ कंडीशन ऑफ एम फॉर्म एंड एस मतलब कहां से ये पैदा हुए एसबीयू स्ट्रक्चर क्यों आया जब एम फॉर्म था ये समझना ही सारे संक... सारी परेशानियों को दूर करने वाला है इसीलिए जानना जरूरी है ठीक है इसी पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है इसी को आगे करके इसी के बेसिस पे आईसीआई प्रैक्टिकल क्वेश्चन सेट करती है इसीलिए इसको नोट में अलग से लिया है तो इसको मेरे साथ जरा रीड कीजिएगा एक्सप्लेन कर चुका हूं फिर भी रीड कीजिएगा मेरे साथ ठीक है आपको दूध का दूध पानी का पानी होएगा व्हेन द फॉर्म इज लेस डाइवर्सिफाइड क्या लिखा है जब कंपनी कम डाइवर्सिफाइड हो उतनी ज्यादा डाइवर्सिफाइड ना हो स्ट्रेटेजिक यूज्ड टू मैनेज डिवीजन और इसीलिए एम बोलो यस और नो लॉक करो चार्ट एकदम कंप्लीट है बताओ जब फॉर्म लेस डाइवर्सिफाइड है यह समझने की बात है इस टॉपिक में रुक के पढ़ेंगे यहां भागेंगे नहीं प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं जहां भगाना होगा मैं भगा दूंगा ठीक है यह कंपनी अगर लेस डाइवर्सिफाइड है तो वहां पे डिवीजन से काम चल जाएगा ठीक है स्ट्रेटेजिक कंट्रोल इसी तरीके से किया जा सकता है ठीक है डन स्ट्रेटेजिक कंट्रोल है यहां पे, किसके पास है हेड ऑफिस के पास है या कॉरपोरेट ऑफिस के पास है ऐसे समझो हेड ऑफिस हटाओ वो डिवीजन में चलता है यहां कॉर्पोरेट ऑफिस ओवरऑल कंट्रोल ऑफ कॉर्पोरेट ऑफिस ठीक है अब स्ट्रेटेजिक कंट्रोल स टू ऑपरेशनल अंडरस्टैंडिंग बाई ऑफिस ऑफ द स्ट्रेटी बींग इंप्लीमेंटेड विद इन बिजनेस यूनिट मतलब स्ट्रेटजिक कंट्रोल किसके कंट्रोल में है स्ट्रेटी बनाने का, का राइट किसके पास है कॉर्पोरेट ऑफिस के पास है वो कंट्रोल कर रहा है यहां मैं ये कहना चाहता हूं स्ट्रेटजिक कंट्रोल से क्लियर है मतलब सर्विलांस कंट्रोल प्रेमाइस कंट्रोल स्पेशल अलर्ट कंट्रोल और इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल ये चारों कंट्रोल किसके पास है कॉर्पोरेट ऑफिस के पास है क्लियर है या नहीं है फिर से बोलो रुक जाओ फिर से बोलो स्ट्रेटेजिक कंट्रोल कॉरपोरेट ऑफिस के पास है मतलब सर्विलांस कंट्रोल स्पेशल अलर्ट कंट्रोल चार टाइप के होते हैं ना बोलो ना प्रेमाइस कंट्रोल एंड इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल ये चारों किसके पास है कॉरपोरेट ऑफिस के पास है एसबीयू के 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 केस में किसके पास होगा एसबीयू के पास होगा ठीक है डन ज इन डायवर्सिफाइन डायवर्सिफिकेशन स्ट्रेंथ कॉर्पोरेट ऑफिस एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द ऑपरेशन ऑफ ऑल इट्स बिजनेस यूनिट्स एंड एंडीजन आर देन मैनेज बाय फाइनेंशियल कंट्रोल मतलब फर्दर फाइनेंशियल कंट्रोल भी आ गया विच इनेबल कारट ऑफिस टू मैनेज द कैश फ्लो ऑफ द डिवीजन थ्रू बजट एंड एन इंफेसिस ऑन प्रॉफिट फ्रॉम डिस्टिंक्ट बिजनेसिस मतलब अलग अलग बिजनेसेस का प्रॉफिट और उन सब चीजों पे नजर किसकी है उस पर फाइनेंशियल कंट्रोल किसका है कैश फ्लो एंड बजट पे कंट्रोल किसका है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जिम्मेदारी किसकी है कॉर्पोरेट ऑफिस की है सीओ की है इन केस ऑफ एम फॉर्म अब ध्यान से तो ये सिचुएशन थी ना बिजनेस को ज्यादा डाइवर्सिफाइड नहीं है इसलिए सब चल रहा है नोट ऑन फाइनेंशियल कंट्रोल ये आप पढ़ लेंगे सो द स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट कम अंडर पिक्चर। जैसे ही बिजनेस ज्यादा डाइवर्सिफाइड होगा रिलेटेड से अनरिलेटेड होगा हाउ एवर बिकॉज ऑन कंट्रोलियल आउटकम दे रिक्वायर दैट ईच डिविजन परफॉर्मेंस बी लार्जली इंडिपेंडेंट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ अदर डिवीजन ये सारे रीजन है जिसकी वजह से एसबीयू SB, स्ट्रक्चर मतलब जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा डायवर्सिफाइड हुई एसबीयू स्ट्रक्चर पैदा हो गई ठीक है अब सर इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज आप खुद कर लोगे ठीक है ये आप खुद कर लोगे ठीक है अब हम चलते हैं सर ये ये टॉपिक क्लियर हो गया ना लॉक करें इसको ठीक है बोरिंग तो नहीं हुआ अंडरस्टैंडिंग थी ठीक ठाक अच्छी समझ में आई आपको क्लियर हो गया चलो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर पे आते हैं बताओ मैट्रिक्स स्ट्रक्चर का मतलब समझते हो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर ठीक है ये बहुत ही क्लियर है इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होती है किसी प्रोजेक्ट पे काम करना है आपको सेंट्रल रिस्टा प्रोजेक्ट का एग्जाम्पल दिया था क्लास के अंदर आपको याद होगा ठीक है यस अभी ये टॉपिक खत्म करके जाएंगे आज बस खत्म ही हो रहा है आप तो ज्यादा टाइम लगेगा नहीं ठीक है वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल फ्लो ऑफ अथॉरिटी ऑफ कम्युनिकेशन ड्यूअल अथॉरिटी स्ट्रक्चर होती है यहां पे ठीक है पर्सनल हु आर डेप्यूटेड टू वर्क फुल टाइम इन डिफरेंट प्रोजेक्ट इन मोर देन वन प्रोजेक्ट मतलब एक आदमी एक से ज्यादा जगह पे काम करता है वो हो सकता है फाइनेंस का बंदा हो फाइनेंस डिपार्टमेंट को भी पंद्रह दिन वर्क करता हो और पंद्रह दिन वो किसी प्रोजेक्ट पे काम करता हो सैलरी तो उसकी कंपनी ही देगी लेकिन उसका एब्जॉर्बशन अलग अलग जगह पे हो सकता है हैव टू सुपीरियर्स एक फंक्शनल मैनेजर और दूसरा प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट मैनेजर जैसे किसी किसी कंपनी में क्या होता है ध्यान से सुनो क्या होता है कि कंपनी है अपने सारे फंक्शन प्रॉपरली काम कर रहे हैं चाहे फाइनेंस हो मैन्युफैक्चरिंग हो सेल्स हो मार्केटिंग हो एचआर हो सारे काम कर रहे हैं अपना अपना इसी बीच में एक प्रोजेक्ट आता है आईटी डिपार्टमेंट हो तो सारे अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों को की एक टीम बना के उस प्रोजेक्ट पे भेज देते जब कंपनी जैसे कॉर्पोरेट सेल्स हो गया एक अलग प्रोजेक्ट हो जाता है स्पेशल प्रोजेक्ट्स आते हैं कंपनी के पास ठीक है कोई कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट आ गया कोई मेंटेनेंस का प्रोजेक्ट आ गया कोई आईटी के सेक्टर में प्रोजेक्ट का कल्चर बहुत ज्यादा है इसलिए आईटी कंपनीज में आप देखोगे मैट्रिक्स स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा यूज होता है ठीक है आईटी में एफएमसीजी में खूब यूज होता है ये ठीक है बट बहुत ज्यादा रिपोर्टिंग होती है इसमें इसीलिए ये थोड़ा सा स्ट्रिंजेंट है मतलब इसके डिसडवांटेजेज हैं ठीक है थीके? ये है स्ट्रक्चर अब इसमें क्या है इसमें डेविस एन लॉरेंस ने बहुत इंपॉर्टेंट वेरी वेरी हॉट क्वेश्चन ये आता है अक्सर आता है डेविस एंड लॉरेंस ने डिफरेंट फेजेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मैट्रिक्स स्ट्रक्चर बनाए जैसे मैंने कहा ना शुरुआती दौर में तो एक टीम जाती है टेम्प्रेरी टीम बना देते फिर धीरे धीरे क्या होता है कि ये ना रिक्वायरमेंट हो जाती है तो एक प्रॉपर डिपार्टमेंट बना देते और अपने एग्जिस्टिंग लोगों को ही हरकी से निकाल निकाल के एक टीम बना के एक असाइनमेंट दे देते हैं कि भाई जब भी कोई प्रोजेक्ट आएगा तो ये टीम है सेमी परमानेंट टाइप जो काम करेगी बाकी अपने डिपार्टमेंट के लिए जिम्मेदार होगी लेकिन जब कोई स्पेशल प्रोजेक्ट या कोई प्रोजेक्ट कंपनी के पास हर रोज आ रहा है और वो क्वॉंटी मतलब एक परमानेंसी आ गई उसके अंदर की इसके लिए तो एक सेपरेट फंक्शनल हरकी बनानी पड़ेगी परमानेंट डिपार्टमेंट तो एक मेच्योर मैट्रिक्स क्रिएट होता है इसीलिए डेविस लॉरेंस ने कहा देर आर थ्री फेजेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मैट्रिक्स स्ट्रक्चर फर्स्ट इज कॉल्ड क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्स फर्स्ट इज कॉल्ड क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्स सेकेंड इज ब्रांड या प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ब्रांड प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तीन नाम से जानते हैं इसको एंड थर्ड इज मेच्योर मैट्रिक्स ध्यान से देखिएगा ठीक है इनिशियली यूज वेन अ न्यू प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट लाइन इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड शुरुआती दौर में यूज होता है इमेच्योर है टेम्प्री है टेम्प्री है ठीक है दूसरा एक प्रोजेक्ट मैनेजर होगा वो अलग अलग डिपार्टमेंट से लोग लेगा प्रोजेक्ट करके आ जाएगा चेन्नई में प्रोजेक्ट है करके आ जाएगा खत्म खाने ब्रांड मैनेजमेंट एक प्रॉपर इफ द क्रॉस फंक्शनल टास्क बिकम्स मोर परमानेंट मतलब अब ये थोड़ा ज्यादा परमानेंट हो गया मतलब सेमी परमानेंट आई विल नॉट से फुल्ली परमानेंट सेमी परमानेंट द प्रोजेक्ट मैनेजर बिकम्स अ प्रोडक्ट और ब्रांड मैनेजर अब वो पता चल गया कि ओम त्रिवेदी स्पेशल प्रोजेक्ट हेड करता है दो कि उसका स्पेशल डेजिग्नेशन नहीं है वो लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को आइडिया है कि जब भी कोई प्रोजेक्ट आएगा तो ओम त्रिवेदी के पास जाना है 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 ठीक या पुलकित के पास जाना दैट्स इट एंड द लास्ट सेंट्रल विस्टा का कराया था पुलिस मैट्रिक्स मतलब ये परमानेंट है फंक्शनल एंड प्रोडक्ट स्ट्रक्चर बिकम्स परमानेंट जो पहले दोनों स्ट्रक्चर थे ना अब ये परमानेंट हो गए मतलब एकदम ड्यूअल ड्यूअल अथॉरिटी स्ट्रक्चर हॉरिजेंटल वर्टिकल ओनली मोस्ट ऑफ कंपनी को भी पता चल गया डिपार्टमेंट के सेपरेटली तो करना है ठीक है हाँ अगर प्रोजेक्ट नहीं होगा तो दे रिस्पॉन्सिबल टू देयर फंक्शनल डिपार्टमेंट दैट्स इट दो और स्ट्रक्चर है एक को नेटवर्क बोलते हैं बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है बेसिकली दिस इज स्ट्रक्चर ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा फ्लिपकार्ट ऐसे एक ऑर्गेनाइजेशन जितने ऑनलाइन ऑर्गेनाइजेशन है उनको जरूरत पड़ती है ज्यादातर यहाँ पे काम आउटसोर्सड होते हैं क्लियर है वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन यूज करते हैं जैसे ओटीसी वर्चुअल मैं कहा हूं कैसे हूं किधर हूं क्या फर्क पड़ता है मेरा ज्यादातर काम तो आउटसोर्सड है एग्जाम्पल दे देता हूं पब्लिशिंग कार्वी नॉलेज प्रेस करती है स्टूडियो मैनेजमेंट एक आई कंपनी है दिल्ली की वो करती है इंक्रिप्शन कोई और करता है क्लाउड गूगल संभालता है ध्यान से सुनो स्टूडियो का सॉफ्टवेयर अपना कोई और संभालता है मतलब है सब कुछ मेरे ऑफिस में लेकिन मेरे को कोई बहुत बड़ा रिलायंस की तरह बहुत बड़ा हेड ऑफिस खोलने की जरूरत नहीं है वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के ज़्यादातर काम आउटसोर्सड होते हैं ठीक है मेरे पोर्टल्स एक थर्ड पार्टी है वो बनाती है वो उसके चार्ज लेती है मेरा ऐप क्लास प्लस संभालता है तो सारा चीज़ तो आउटसोर्सड है और मैं हब की तरह मोटा धंधा कर रहा हूं बैठ के एक जगह पे बच्चे कहीं कहीं और बैठे हुए हैं गूगल ड्राइव पेन ड्राइव से क्लाउड के थ्रू वो पढ़ाई कर रहे हैं तो मुझे ऑर्गेनाइजेशनल क्यों चाहिए मुझे जनरल मैनेजर क्यों चाहिए सोचो मुझे जनरल मैनेजर चाहिए क्या बोलो ना नहीं ये General Manager है जनरल मैनेजर साहब हैं ये वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं यहां जरूरत ही नहीं ना वो वाइस प्रेसिडेंट गूगल का वो मेरा काम संभाल रहा है समझ में आ रही है बात वो वाइस प्रेसिडेंट किसी क्लास प्लस का वो मेरा काम संभाल रहा है और उसकी टीम तो हमने दूसरे के हर को अपना काम दे दिया दैट इज नेटवर्क स्ट्रक्चर बात खत्म एग्जाम्पल सेट है सर जितने भी वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन है ऐसे ही काम करते हैं ठीक है एंड जो उसमें मेन कंपनी है वो ब्रोकर की तरह काम करती है फ्लिपकार्ट क्या है एक इंटरमीडियरी ऑर्गेनाइजेशन है अपना कमीशन लेती है एमेजॉन स्नैपडील क्या है आपको कहती है भैया माउस बेचना है बेचो हमें दस परसेंट कमीशन दे देना ओम सर आपको क्लास बेचनी है बेचो हमें पांच परसेंट कमीशन दस परसेंट पंद्रह परसेंट कमीशन दे देना दे देंगे भैया किताब बेचनी है बेचो सात परसेंट दे देना दे देंगे तो वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क स्ट्रक्चर ऐसे काम करता है सेंट्रल कोर कंपनी को हब बोलते हैं बाकी पियर्स होते हैं ठीक है क्लियर अब जरा यह समझ लेना आर ग्लास स्ट्रक्चर देख के बहुत ईजी लग रहा है लेकिन समझना पड़ेगा कितने लोगों को पता है जूम के ऊपर बात कर सकते हैं स्ट्रीम यार्ड के ऊपर बात कर सकते हैं और क्यों ही कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं और कर सकते हैं तो ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की की जरूरत है आप सोचो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब हम हायरार्की ऐसे बनाते ऐसा वाला तो टॉप है मिडिल है और लोअर है टॉप है मिडिल है और लोअर है बताना जरा मिडिल लेवल मैनेजमेंट का मेन काम क्या है सर कंट्रोल करना कोऑर्डिनेशन करना मैनेज करना स्टाफिंग करना ये सब मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम है बोलो यार सर नो अब कोऑर्डिनेशन मतलब टॉप को कोई रिपोर्ट चाहिए तो लोअर से लेगा मिडिल मिडिल देगा टॉप को टॉप को कम्युनिकेशन करनी है तो मिडिल के पास आएगा मिडिल एसओपी बनाएगा एसओपी बना देगा लोअर को यही है ना इसीलिए मैनेजर लोग चाहिए लेकिन मान लो अभी क्या हो गया डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो गया रुको समझो जरा इस बात को ये समझने की बात है फिर से समझिएगा सारे लोग अभी क्या हो गया डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया कंपनियों ने क्या कर दिया ऐप बना दिए वर्चुअल यूज करने लगे। अभी मुझे फेस टू फेस क्लास में जाने की क्या रिक्वायरमेंट है जब मैं ऑनलाइन चैट विजुअल ऑडियो विजुअल एलिमेंट के साथ में ऑनलाइन लाइव क्लास दे सकता हूं आप लोगों से दिल से दिल जुड़ के बात हो रही है कि नहीं हो रही है आप लोग मेरी बात सुन पा रहे हो कि नहीं सुन पा रहे हो सुन पा रहे हो ना अच्छे से कमेंट कर रहे हो ना एक एक कमेंट को रिप्लाई कर रहा हो ना तो बताओ मुझे अभी पुणे आने की क्या जरूरत है मुझे नागपुर सोलापुर कोलापुर जाने की क्या जरूरत है मुझे सूरत बड़ौदा जाने की क्या जरूरत है मुझे राजकोट में जाके सिर क्यों मारना है जब आप यहीं से बात कर सकते हो मुझे लुधियाना पंजाब चंडीगढ़ अबोहर जाने की जरूरत क्यों है मुझे दिल्ली बठिंडा जाने की जरूरत क्यों है नहीं जाने की जरूरत है भाई क्यों क्योंकि आज के जमाने में नजर बदले नजारे बदले इंडस्ट्री के इशारे बदले कम्युनिकेशन एज ए सर्विस वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल ऐसी टेक्नोलॉजीज मौजूद है अरे हमारे पास अपना इंक्रिप्टेड ऐप है जिसके थ्रू मैं ऑनलाइन लाइव क्लासेस कंडक्ट कर सकता हूं और हजारों लाखों बच्चों को एक बार में पढ़ा सकता हूं तो मैं क्यों जाऊंगा तो सर मेरे लिए सुटेबल है आर ग्लास स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर ने क्या किया ये पेट जो है ना ये जो तोंद निकली हुई थी ना कंपनी की ये वाली मिडिल लेवल की इसको छोटा कर दिया इसमें से लोगों को बोला थोड़ा ऊपर चलो और कुछ बाहर जाओ हम इसे पतला करना चाहते हैं क्योंकि हमें डायबिटीज का और शुगर का डर है हम अपनी फिटनेस ठीक करना चाहते हैं तो आईटी ने ऑर्गेनाइजेशन की फिटनेस ठीक कर दी थ्रू आर ग्लास स्ट्रक्चर आर ग्लास के शेप में बन गया ठीक है नैरो मिडल वाइड टॉप एंड वाइडेस्ट बॉटम क्लियर है हर बॉटम ऑफ द पिरामिड तो वैसे भी हाइएस्ट होता है बस मिडल की पेट निकली हुई थी इसको छोटा कर दिया क्लियर है यस yes. अब ध्यान से सुनना द टास्क परफॉर्म बाय मिडिल मैनेजमेंट हैव बीन रिप्लेस्ड बाय द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम्स मॉडर्न आईटी के टूल्स क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज ब्ला 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 बहुत सारा जूम स्ट्रीम यार्ड ऐसे सॉफ्टवेयर और तमाम ऐसे एप्स एंड यू नो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स इन्होंने उस काम को खत्म कर दिया अब मान लो एक सीईओ है किसी कंपनी का और उसके एक हजार एग्जीक्यूटिव है पूरी कंट्री के अंदर अलग अलग सिटी में बैठे हुए ठीक है थीके? उनको बोलते हैं क्या बोलते हैं कौन रिप्रेजेंटेटिव लोकल रिप्रेजेंटेटिव उनका नाम होता है एक हाउस रिप्रेजेंटेटिव या कुछ बोलते हैं अभी भूल गया मैं दिमाग से स्किप कर गया ठीक है अब ऐसे सोचो कि उतने सारे लोग हैं अब मैनेजर्स की जरूरत पड़ेगी इनको मैनेज करने के लिए लेकिन आईटी के जमाने में अगर सीईओ को चूल उठती है कि मुझे ना सारे लोगों से बात कराओ मेरी मर्जी है ना आज रात को दस बजे मेरे को हजार लोगों से एक प्लेटफॉर्म पे लेके बात कराओ बताओ भाई है ऐसा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सिस्टम क्यों नहीं है है ना आईटी के प्लेटफॉर्म एक बड़े से वो उस उसपे प्रोजेक्टर पे जाएगा और हजारों लोगों को जोड़ देगा एक साथ सबको आईडी पासवर्ड चले जाएंगे सब क्लिक कर करके उस टाइम पे ज्वाइन कर लेंगे दैट इज कम्युनिकेशन एज अ सर्विस प्रोवाइडेड बाय द क्लाउड कंप्यूटिंग क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स सी एस पीज लाइक गोड एडी होस्टिजर एटसेट्रा बोलो आर और गूगल सो दैट्स इट

देखा ये हो गया आर ग्लास स्ट्रक्चर मजे मजे में बात निकल आई ओके okay. बस जी बस कोर एरिया खत्म कर लिया आपने अपने सिलेबस का डोंट वरी यू आर हैप्पी कोर एरिया खत्म कर लिया स्ट्रेटेजिक लीडरशिप बहुत इजी टॉपिक है ठीक है इसमें दो तीन टॉपिक आपको ध्यान से पढ़ना है सर टॉप मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द स्ट्रेटिक लीडरशिप ठीक है रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द स्ट्रेटिक लीडरशिप सर इसको फार्मूला दिया हुआ है मैनेजिंग एस एम पी डी एफ मैनेजिंग ह्यूमन कैपिटल एस एम बोले तो स्ट्रेटिक मैनेजमेंट पी बोले तो परफॉर्मिंग सस्टेनिंग हाई परफॉर्मेंस एंड पी डी डी बोले तो डिसीजन डिसीजन मेकिंग विलिंग टू मेक करेजियस एंड यू नो डिसीजन एंड एफ बोले तो फीडबैक सीकिंग फीडबैक थ्रू फेस टू फेस कम्युनिकेशन ठीक है ये आप कर लोगे ज़्यादा मुश्किल नहीं है लीडरशिप रोल प्लेड बाय द मैनेजर्स रुको एक टॉपिक है कल्चर जिसमें थोड़ा सा आपके साथ मुझे मेहनत करनी है दोबारा से मैं बता रहा हूं और एसपीएम स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ये वाला टॉपिक बहुत इजी है तो इसलिए जल्दी जल्दी करेंगे इसको इसमें ज्यादा दिमाग लगाने का कुछ भी नहीं है ठीक है दो टॉपिक आगे आ रहे हैं जहां कि हमें थोड़ा सा भेजा लगाना है तो थोड़ा पेशेंस रखना अच्छे से करके जाएंगे ताकि पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो ठीक है अब सर इस पे एक बार प्रैक्टिकल इन दोनों पे अलग अलग टाइम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं कैसे आते हैं एक स्टोरी कह देते हैं और उसके पीछे से पूछ देते हैं बताओ भाई यहाँ मैनेजर का लीडरशिप रोल क्या है या बताओ भाई यहां मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है अब बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज जब पूछता है रिस्पॉन्सिबिलिटी लिख देते हैं रोल और जब पूछता है रोल लिख देते हैं लीडरशिप सॉरी uh, रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटा इसीलिए की वर्ड यूज किया है इस क्वेश्चन को ध्यान से आप रखेंगे अलग अलग टर्म्स के साथ अलग अलग अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मैनेजिंग एस एम पी डी एफ है ठीक है और अगर रोल है ऑफ द मैनेजर लीडरशिप रोल ऑफ द मैनेजर तो सर एम पी सी एम फोकसेस ऑन सी सी है ठीक है ये तो पहले तो मेमोरी कोड के रेफरेंस से याद रखेंगे आप इसको ये कंफ्यूजन पांच नंबर आपको कॉस्ट करती है तो मैं नहीं चाहता कि आपको यह कंफ्यूजन गलती से भी होनी चाहिए ठीक है आगे चले अफसर देखो मैनेजर का लीडरशिप रोल क्या है सबसे पहले तो उसकी जिम्मेदारी है कि जो एग्जीक्यूशन प्रोसेस है उसको मॉनिटर करे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है नेक्स्ट प्रोमोटिंग हाई परफॉर्मेंस कल्चर चेंज मैनेजमेंट किसकी जिम्मेदारी है उसी मैनेजर की फोकस ऑन कोर कॉम्पिटेंसी एंड कॉम्पिटेटिव एडवांटेज लीडरशिप रोल है कॉर्पोरेट एथिक्स मेंटेन करना करवाना एक्शन टू इंश्योर स्ट्रेटेजिक सक्सेस ठीक है स्ट्रेटी नहीं बनाने को बोल रहा एज अ मैनेजर लीडरशिप आपको दिखाने के लिए बोल रहा हूं तो मैनेजर का जो मेजर रोल है वही तो बता रहा हूं आपको एग्जीक्यूशन प्रोसेस को मॉनिटर करना एम फॉर मॉनिटरिंग एग्जीक्यूशन प्रोसेस पी फॉर प्रोमोटिंग हाई परफॉर्मेंस कल्चर एम पी सीएम बोले तो चेंज मैनेजमेंट फोकसेस बोले तो फोकस ऑन सी सी एन सी एंड सी सी बोले तो सी फॉर कॉर्पोरेट एथिक्स एंड सी फॉर करेक्टिव एक्शन टू इंश्योर स्ट्रेटिक प्रोग्रेस ठीक है ये डन है लॉक किया जाए ये मुश्किल नहीं था अब ध्यान से देख लो दो टॉपिक और आते हैं ट्रांजेक्शनल एंड ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप में क्या अंतर है और इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक क्वेश्चन मैंने अपने मेंटोर के अंदर बहुत डिटेल में दिया हुआ है इसका उसको एक बार जरूर करेंगे सारे बच्चे ठीक है ये ध्यान से देखो ट्रांजेक्शनल लीडरशिप मतलब ऐसा लीडरशिप जो गिवन सिस्टम के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन का डिजाइन सिस्टम है उसी के अंदर काम करता है ऑर्गेनाइजेशन को एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है और हाई परफॉर्मेंस देता है ठीक है स्टैटिक इन्वायरमेंट में काम करता है वो स्टेटस को चैलेंज नहीं करता है वो खुद भी डायनामिक नहीं होता है लेकिन परफॉर्मेंस देता है अंडर द गिवन रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स ट्रांजेक्शनल लीडरशिप इनको बोलो कि टर्न अराउंड करना है तो ये भाग जाएंगे इनको बोलो आउट ऑफ द बॉक्स करना है कोई चैलेंज लेना है कोई डायनेमिक सिचुएशन है ये भाग जाएंगे बट ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप वो होता है जो करिस्मेटिक होता है इंथ्यूजिया होता है जो स्टीव जॉब्स जैसा होता है इंदिरा नुई जैसा होता है जो आउट ऑफ द बॉक्स सिचुएशन हैंडल कर सकता है टर्बुलेंट बिजनेस को समझता है उसको डील कर सकता है और उन सब के बीच हाई परफॉर्मेंस देता है और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो सिंकिंग परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन है उनको वो एक्सेलरेट कराता है He is transformational leadership. ऐसे ही चार पांच बातें चिपक के ध्यान रखनी है और जरूर लिखनी है विद एग्जाम्पल हो जाएगा एक बार रीड कर लें ठीक है लास्ट द कॉफिन फोकसेस ऑन डिजाइनिंग सिस्टम्स एंड कंट्रोलिंग द ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज नॉर्मल डे टू डे ऑपरेशन डे टू डे मैनेजमेंट प्रॉपर एकदम बैठे ऑफिस गए टाइम से सुबह नौ बजे पहुंचे शाम को छह बजे ऑफिस से निकल लिए अपना चाट पकौड़ी को खाते हुए ठीक है खत्म कहानी एंड आर मोर लाइकली टू बी एसोसिएटेड विद इंप्रूविंग करेंट सिचुएशन ठीक है अप्रोप्रिएट इन स्टैटिक स्ट्रेटिक कोई चैलेंज नहीं है इन मेच्योर इंडस्ट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशन आर परफॉर्मिंग वेल जहां सब कुछ अच्छा चल रहा है वहां तो किसी कुत्ते के गले में घंटी बांध के भेज दो वो भी घंटी बजा आएगा खत्म कहानी तो ट्रांजेक्शनल लीडरशिप कुत्ते जैसे होते हैं ओबीडियंट्स नहीं मतलब बुरा नहीं मानना कॉरपोरेट का बंदा हूं तो यही भाषा यूज करूंगा ठीक है मैं अपने सीवी में एक बात लिखता था आई हैव वर्कड इन आई हैव ऑलवेज वर्कड इन टफ टेरिटरीज तो लोग मुझसे ना उसकी एक्सप्लेनेशन मांगते थे मैंने कहा धरती के जितने मुश्किल काम है ठीक है जितने मुश्किल काम है जो आपको कंपनी को लगता है कि ये काम हमारा नहीं ठीक हो रहा वो मुझे दे दो मैं रात दिन एक कर दूंगा मैं तो थकता नहीं तुम दो तो सही टेढ़े काम मैं करता हूं इसलिए मुझे कभी भी ज्यादा इंटरव्यू देने नहीं पड़ा लाइफ में जब भी कंपनी बदलनी थी एक इंटरव्यू देता था सिलेक्शन होता था जाके वहां झंडे गाड़ के निकल लेता था ठीक है टाइम से ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप यूजेस करिश्मा एंड इंथुजियाजम एप्रोप्रिएट इन टर्बुलेंट पुअरली परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन को इसकी जरूरत होती है ठीक है एंड मेजर चेंज लेके आते हैं चार पांच बातें आगे चले ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर यहां आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है ध्यान से यहां पे, थोड़ा टिकना है। यहां पे आपको चीजें सीखनी है क्योंकि यहां पे दो तीन क्वेश्चन और यहां पे कंटेंट एडिशन है आईसीआई की तरफ से ठीक है दो किए बहुत ईजी है लेकिन कंटेंट एडिशन है यहां पर आपको रुकना है जरा होल्ड करो यहां होल्ड कीजिए प्लीज <coughs> अच्छा कवर किया है एक मिनट होल्ड करो प्लीज मुझे नोट्स वाले टॉपिक में आना कोई मुझे बताएगा व्हाट डू यू मीन बाय कल्चर कोई भी एनीवन <coughs> करिश्मा मतलब उसकी पर्सनालिटी है जो लोगों को अट्रैक्ट करती है उसकी पर्सनालिटी है जिसमें अथॉरिटी कम और पावर ज्यादा दिखती है उसके पास इन्फ्लुएंस करने की कैपेसिटी है किसी से भी बातचीत फेस टू फेस कम्युनिकेशन करके कन्विंस करने की पावर ठीक है इस टाइप के करिसमेटिक पर्सनालिटी बोलते हैं मतलब उसकी पर्सनालिटी ट्रेड सुपरफिशियल नेचर के हैं समझ में आ गई बात चिराग यस yes. <coughs> अभी बता दिया मैंने ये देखो जरा कल्चर का मतलब क्या होता है ध्यान से सुनो रुको 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 आपको जनरल बातें समझ में आती हैं आपको टू द पॉइंट आपको वर्ड्स दे रहा हूँ इसलिए मैंने ये निकाला है क्योंकि जब भी हम किसी टॉपिक की बात करते हैं ना तो कंटेंट कहाँ से आता है जो चीज़ हमें बोलनी है उसके वर्ड्स जबान पे होने चाहिए नहीं तो कल्चर 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 करते रह जाएंगे जैसे लोग स्ट्रेटजी 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 बोलते रह जाते हैं आधे घंटे एक घंटे लेक्चर में वी विल इंप्लीमेंटेड स्ट्रेटजी के लिए यहाँ स्ट्रेटजी लगाएंगे यहाँ स्ट्रेटजी लगाएंगे अबे बता तो सही स्ट्रेटजी होती क्या है कौन सी स्ट्रेटजी लगाएगा स्ट्रेटजी दिख रही नहीं है सिर्फ स्ट्रेटजी वर्ड यूज हो रहा है ऐसे नहीं तो कल्चर का मतलब होता है ठीक है ये आज़ादी का मतलब तीन थके हुए रंग होते हैं जिसको एक पहिया ढोता है या इसका कुछ खास मतलब होता है एक बहुत बड़े ऑथर ने लिखा ये जो हमारा तिरंगा है इसका मतलब ये थोड़े ये तीन रंग लगे उसमें एक चक्का लगा हुआ है और वो तिरंगा हो गया इसका कुछ खास मतलब है मतलब है भाई आज़ादी का प्रतीक है हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई है केसरिया बल बरने वाला सादा है सच्चाई उसका मीनिंग है ना तो ऐसे ही यहाँ पे भी कल्चर के मीनिंग है एक कंपनी ओटीसी वर्चुअल है उसके संस्कार हैं ये अगर वो कहता है स्टूडेंट फर्स्ट है ना हम वैल्यू क्रिएट करते हैं इंटीग्रिटी ट्रस्ट ऑनेस्टी डिलीवरी पे फेयरनेस पे भरोसा करते हैं इंक्लूसिवनेस रिस्पेक्ट रिस्पॉन्सिवनेस अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं ये कल्चर है रिलायंस की बात करते हैं टीम स्प्रिट वैल्यू बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हाई ट्रस्ट हाई परफॉर्मेंस क्रेडिबिलिटी प्राइस कस्टमर सेंट्रिक ये उसकी फिलासफी है ये उसका कल्चर है टाटा की बात करते हैं ट्रस्ट दूसरा नाम टाटा का नाम ट्रस्ट है क्यों बोलते हैं क्योंकि ट्रस्ट टाटा का, का कल्चर है रिस्पेक्ट, क्रेडिबिलिटी इंटीग्रिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूनिटी एक्सेलेंस इनोवेशन पाइनियरिंग अग्रदूत किसी भी चीज को सबसे पहले करना प्रो एक्टिव होना यह उसके कल्चर का हिस्सा है कल्चर का हिस्सा है मतलब उसके यहां काम करने वाले लोग ट्रस्ट को समझते हैं रिस्पेक्ट की वैल्यू करते हैं क्रेडिबिलिटी है उनके अंदर इंटीग्रिटी को मेंटेन करते हैं रिस्पॉन्सिव है यूनिटी भी है उनके अंदर पॉलिटिक्स नहीं है वहां पे, एक्सेलेंस पे काम करते हैं लगातार कॉन्टिन्यूस इनोवेशन करते हैं थ्री एम कॉरपोरेशन का केस आपको याद होगा और पाइनियरिंग करते थ्री एम कॉरपोरेशन का आपको केस याद होगा ठीक है वॉलमार्ट की बात कर लेते हैं वॉलमार्ट कहता है देखो जी हम टाइमलीनेस पे भरोसा करते हैं जब जैसा तब तैसा नहीं तो रिटेल कैसा रिस्पॉन्सिव है हम, आज आपको माल चाहिए मिलेगा सेंस ऑफ अर्जेंसी कस्टमर की अर्जेंसी को समझते हैं हम इंक्लूड करते हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे काम करते हैं रिटेल ऑर्गेनाइजेशन है ना हम फेयरली डील करते हैं जब हम बोलते हैं एवरी डे लो प्राइसेस वी मीट एंड वी बिलीव इन कम्युनिकेशन दिस इज आर वैल्यू सिस्टम दिस इज आर कल्चर दिस इज वॉट वी फॉलो इन डे टू डे लाइफ एंड दिस इज इन बिल्ड दिस इज आर डी दिस इज इन आर ब्लड इट फ्लोज डेली इन आर ऑर्गेनाइजेशन बात समझ में आ गई क्या दिस इज कॉल्ड कल्चर इतनी सारी बातें कल्चर हैं तुमको ले कल्चर ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर ऑर्गेनाइजेशन कल्चर फॉलो करती है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को वैल्यू करती है अभी क्या लगे पड़े हो कल्चर 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 बोलो तो कल्चर का मतलब क्या होता है ये सारे वर्ड्स चिपक के एकदम जबान पे सेट कर लो और इनकी समरी बना के आठ दस बातें हर जगह चिपकाना कल्चर अब इस कल्चर को हम क्यों डिस्कस कर रहे इस कल्चर को हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं रुको वापस आते हैं अब आपको समझ में आएगा तो अगर कोई कहता है डिफाइन कॉरपोरेट कल्चर तो क्या बोलोगे वो सारी बातें जो मैंने अभी आपको बताई है ना द वैल्यू सिस्टम द फिलोसफी दैट इज इन बिल्ट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन बोलो यस सर नो खुद से लिखोगे एग्जाम्पल बहुत सारे अभी इतने सारे वर्ड दिए मैनेजमेंट प्रैक्टिस एथिकल स्टैंडर्ड ऑफिशियल पॉलिसी डीलिंग एंड रिलेशनशिप ट्रेडिशन बिहेवियर लीजेंड्स है ना हमारे जो फॉलो करते हैं मॉडल्स हमारे रोल मॉडल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स ये सब कल्चर का पार्ट है ये सब अगर पॉजिटिव होगा ये सब अगर पॉजिटिव होगा हमारे लिए हमारे लिए स्ट्रेंथ बनेगा बोलो यस और नो और ये सब अगर नेगेटिव होगा तो हमारे लिए वीकनेस बनेगा बोलो यस और नो तो कंपनी की स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करने में कल्चर एक बड़ा रोल प्ले करती है बोलो यस और नो अभी समझ में आएगा क्यों कल्चर पढ़ रहे सिर्फ कल्चर को रटने के लिए नहीं पढ़ रहे स्ट्रेटजी के लिए पढ़ रहे हाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंप्लीमेंटेशन इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ प्रिंसिपल आस्पेक्ट ऑफ इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन हाउ एंड वाई बिकॉज कल्चर प्ले द इंपॉर्टेंट रोल आपकी कंपनी में कस्टमर को लेकर के कोई बिहेवियरल पैटर्न ही नहीं है आप कल, आप कस्टमर को देख के नाक भाषी करते हैं अब आ गया कमीना परेशान करेगा हम्म अबे क्या दिन भर क्वेरी पूछते रहते हैं इनको जितनी इनकी क्वेरी सॉल्व कर दो ये खुशी नहीं होते सेटिस्फाइड ही नहीं होते पीछे ही पड़े रहते हैं कॉल उठाओ तेरे बाप का नौकर हो जो तेरे कॉल उठाऊंगा नहीं मतलब ऐसे ऐसी भावनाएं आती होंगी ना नौकर ही है तू तु, तूने फीस लिया है ठीक है उठाना पड़ेगा हर धंधे का उसूल होता है हर धंधे का उसूल होता है उसको फॉलो करना ही पड़ेगा तब तभी उस धंधे में उन्हें तो छोड़ दो उस बिजनेस में मत रहो उस काम में मत रहो उस प्रोफेशन में मत रहो टीचिंग पैसा छापने का धंधा नहीं है टीचिंग सोसाइटी को सर्व करने का धंधा है यह बात जिस दिन समझ में आ जाएगी उस दिन टीचर बनोगे नहीं तो व्यापारी और व्यापारी टीचर नहीं हो सकता व्यापारी सिर्फ व्यापार कर सकता है कंटेंट बेच सकता है कंटेंट समझा नहीं सकता एक्सप्लेन नहीं करा सकता डिलीवर नहीं कर सकता वो इमोशन से आता है इमोशन तब आएंगे जब पैसे को साइड में रखोगे यस yes, आश्रम को चलाने के लिए भी पैसा चाहिए लेकिन उतना ही चाहिए पैसे छापने हैं तो और भी बहुत धंधे हैं गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स करो कॉन्ट्रैक्ट्स करो खूब पैसा आए उधर कमीशन दो करोड़ों का उधर इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदो हजार का और उधर छापो दस हजार बात खत्म पैसे कमा रहे हो वहां जाओ यहां क्या कर रहे हो यहां तो इमोशन बिकता है यहां तो कंटेंट बिकता है यहां तो करियर है एक गलती मैं करूंगा तुम्हारा करियर खराब हो जाएगा तुम्हारी गलतियों से तुम्हारा करियर खराब नहीं होगा अगर टीचर गलत हो जाए पूरा देश खराब हो जाए एक गलत टीचर पूरा नाश देगा पूरे कितनों के करियर को बर्बाद करके रख देगा ठीक है आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ फैकल्टी आई ऑलवेज बिलीव इन दिस वैल्यू सिस्टम और पिछले पांच छः साल से जितने सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ टू थाउजेंड एटीन से तब से मैं ये बात कहता आ रहा हूँ टीचिंग इज अ डिफरेंट प्रोफेशन यस वी चार्ज वी चार्ज फीस वी प्रोवाइड प्रीमियम सर्विसेस एट द सेम टाइम एट द सेम टाइम वी हैव अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वी कैन बी अ कारपोरेट वी कैनॉट बी अ कारपोरेट विदाउट कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दैट इज प्राइम कारपोरेट बिकम्स नेक्स्ट If न डू दैट स्टे इन टू दिस प्रोफेशन और गेट आउट ऑफ दिस बिकॉज यू आर गोइंग टू यू नो कहते हैं ना कि गेहूं के साथ घुन भी पिसाता है तो ऐसे लोगों की वजह से हम जैसे जेन्यून लोग भी बच्चे ट्रस्ट नहीं करते वो सोचते हैं क्या अब ज्ञान rahe रहे अब ऐसे ही मोटिवेट कर रहे हैं झूठ मूठ का वोकाल क्रिएट कर रहे हैं ऐसा नहीं है ठीक है यस yes. ठीक है आओ अब बात करते हैं ये कल्चर की बात कर रहा था मैं बिकॉज हम जैसे ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन का वैसा कल्चर होता है अब ध्यान से सुनना कल्चर रोल ऑफ कल्चर क्या है अगर कल्चर अच्छा होगा तो स्ट्रेटजी अच्छे से एग्जीक्यूट होगी फॉर एग्जाम्पल अभी एग्जाम्पल वही रखते हैं जहां हमें मैं टीचिंग के ओ वर्चुअल टीचिंग में है सॉरी मैं इसी एग्जाम्पल को यूज कर रहा हूं क्योंकि डे टू डे लाइफ में आपको समझ में आएगा आपको जहन पे आएगी अगर हमारे यहां एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जैसे कल्चर इनबिल्ट होने चाहिए जैसे मैंने कहा स्टूडेंट फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन के संस्कार होते सिर्फ स्टूडेंट के संस्कार नहीं होते तो अगर वो संस्कार हमारे यहां है तो स्टूडेंट्स को हम प्रायोरिटी देंगे उनको सर्व करेंगे प्यार से डील करेंगे इरिटेट नहीं होंगे नहीं तो नाक बहुत सिकुड़ते रहते लोग फ़ोन रखते हैं एक अलग बच्चों के लिए ठीक है और वो फ़ोन ऑफ कर देते हैं मैं अगर फ़ोन नहीं उठाता हूं तो लिख देता हूं नहीं उठाया मैं अगर फ़ोन मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा मैं बता रहा हूं ये मेरी ये वैल्यू शेयर कर रहा हूं मैं अगर क्वेरी नहीं देता तो मैं लिख देता हूं क्वेरी नहीं लूंगा अभी पांच दिन के बाद लूंगा और जब लूंगा तो लूंगा बिल्कुल लूंगा ठीक है जब मैं लाइव आने की कंडीशन में नहीं था तो आई कम्युनिकेटेड विद यू गैस की आई कैन नॉट बी लाइव बट वी केम जब समय आया वी केम तो स्टूडेंट फर्स्ट रिस्पॉन्सिवनेस कस्टमर सर्विस और तमाम तरह की ऐसी चीजें वो स्ट्रेटजी मेरी तभी अच्छी एग्जीक्यूट होगी ओटीसी वर्चुअल तभी अच्छा हो सकता है अगर हमारे यहां अच्छे कल्चर को हम नर्चर करें और इसको हम इंप्लीमेंट करें अदरवाइज एक साल दो साल बेवकूफ बना लेंगे उसके बाद हम कहा तुम कहां ठीक है गलती से मत जाइए उसके पास सिर्फ मार्केटिंग करता है बेवकूफ बनाता है ऐसा होगा ना प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं किसी इंस्टीट्यूट की बात नहीं कर रहा टीचर्स एंड बुक्स आर ऑलवेज गुड बट स्टिल बिजनेस की बात कर रहे हैं तो कल्चर की बात करनी पड़ेगी ठीक है कर रहा हूँ दूसरा And आप ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा कल्चर आप खुद बच्चों के फोन उठाते हो आप खुद उनकी क्वेरी रिप्लाई करते हो आप खुद उनकी प्रॉब्लम्स को लेकर सेंसिटिव रहते हो स्क्रीनशॉट शॉट लेकर तुरंत टेक टीम को भेजते हो आप में से बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा आप खुद अगर रिस्पॉन्सिव होते हो तो आपका टेक टीम के डिपार्ट डेस्क पर बैठा हुआ वो बंदा या बंदे कस्टमर कस्टमर सेंटर जो कस्टमर सर्विस देने वाले बंदे या बंदियां या वो मैनेजर्स बिल्कुल रिस्पॉन्स करेंगे क्योंकि बॉस ही ऊपर से टॉप डाउन फ्लो करता है कल्चर अगर मैं ही कह देता हूं अबे छोड़ ना का को दिन भर इनके पीछे लगे रहते हो इनकी तो प्रॉब्लम कभी खत्म ही नहीं होती अगर मैं एक बार ऐसे बोल दू वो सौ बार ऐसे बोलेगा कल्चर खराब होगा नर्चर मोटिवेट्स पीपल नर्चर्स एंड मोटिवेट्स पीपल कल्चर नर्चर्स एंड मोटिवेट्स पीपल पॉइंट नंबर टू एंड थ्री एम्प्लॉइज आर पैसनेट अबाउट कंपनीज विजन क्योंकि जब तक आप ये वैल्यू सिस्टम अच्छा एक बात और ध्यान रखना कल्चर वैल्यू सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में ग्रेजुअली आता है स्लोली 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 इट्स नॉट वन डे कि हम स्टूडेंट फर्स्ट आज बोला और कल से चालू नहीं होगा नहीं होगा रिस्पॉन्सिनेस आज बोला और कल से चालू नहीं होगा नहीं होगा टाइमलीनेस आज बोला कल से चालू नहीं होगा टाइमली डिलीवरी आज बोला कल नहीं होगा कस्टमर सर्विस आज बोला कल नहीं होगा इट टेक्स टाइम और वंस टाइम बिकम्स अ शेयर्ड विजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पैशनेट आर पैशनेट अबाउट यू नो देयर कल्चर एंड देन इट बिकम सपोर्टिव तब स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट होगी अच्छे से और तब आप सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन होंगे क्योंकि ध्यान से सुनना कल्चर एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है ये क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट नहीं है इंडिविजुअल के अंदर इनबिल्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन एज एन इंडिविजुअल उसके अंदर भी इनबिल्ट होता है टेक्स टाइम इट इज इंफ्लुएंसड बाई नेचर इट इज यू गेटिंग बहुत ही अच्छी बातें कर रहा हूं आपको समझाने के लिए इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता इस टॉपिक को नहीं तो आप इसको भी एक मैकेनिकल टॉपिक समझ लो गई कल्चर इज इंपोर्टेंट इसलिए इंस्टीट्यूट इस पर क्वेश्चन पूछता है और इंपॉर्टेंट है आप यह मत सोचना कि थेटिकल बातें है आज बड़ी बड़ी कंपनियां बड़े बड़े मोटिवेटर को बड़े बड़े कंसल्टेंट्स को हम भी जाते हैं कई जगह डिफरेंट डिफरेंट कल्चर को इनकल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनबिल्ट करने के लिए पैसे देती है हजारों रुपए देती लाखों रुपए देती है एक एक मंथ के, के उनको अलग से पैसे देती है कि आपको हमारे यहां टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का कल्चर डेवलप करना है आप सर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए आपको हमारे यहाँ डिजाइन का कल्चर डेवलप करना है आप इसके लिए बताइए महीने के कितने लेंगे हर और महीने में कितने घंटे देंगे हमारी कंपनी को सर इससे फायदा होता है लॉन्ग टर्म में कंपनियों को बात समझ में आ रही है आपको तजुर्बा है करता हूं काम इसलिए बोल रहा हूं चेंजिंग अ प्रॉब्लम कल्चर अगर कहीं कल्चर में प्रॉब्लम है तो क्या करें सबसे पहले स्ट्रेटिक ग्रुपिंग करें फाइंड आउट नॉन सपोर्टिंग कल्चर जैसे हमारे एग्जाम्पल याद रखना ध्यान से सुनो हमारे यहां न अफवाहें बहुत फैलती है सर वो कॉफी टेबल पे बैठ के ना ग्रेप वाइन समझ आया बचपन में पढ़ा होगा ग्रेप वाइन ट्वेल्थ क्लास में फाउंडेशन में पढ़ा होगा अफवाहें बहुत फैलती हैं ठीक है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बहुत होता है ठीक है हमारे यहां सर पॉलिटिक्स बहुत होती है कॉन्फ्लिक्ट है सर मैनेजमेंट का लेवल टू लेवल का कॉन्फ्लिक्ट है कस्टमर सेंट्रिक नहीं है कस्टमर हम सर आईटी ड्रिवन नहीं है हम सर चेंज को अडाप्ट करने की हमारे अंदर ना वो अडाप्टेबिलिटी नहीं है तो ये सब नॉन सपोर्टिव कल्चर है जबकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसा होना चाहिए कि तू चेंज बता हम यूज करने को तैयार है. है इसको बोलते हैं okay. है? तो आपको रोल मॉडल चाहिए होंगे जैसे मैंने बताया था कंप्लायंस आइडेंटिफिकेशन इंटरनलाइजेशन चेंज मैनेजमेंट के अंदर एच सीन का उसमें आइडेंटिफिकेशन क्या था रोल मॉडल को आइडेंटिफाई करो बिकॉज दे आर गोइंग टू ल्प यू एडॉप्ट चेंज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट पॉइंट रोल मॉडल रिप्लेसिंग की एग्जीक्यूटिव आर स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद ओल्ड कल्चर हटा सावन की घटा इनको बाहर करो जो एक मछली एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है एक सड़ा एप्पल पूरे तुम्हारे टोकरी को खराब कर देगा उसको निकाल के पहले डस्टबिन में फेंको तो ऐसे लोग जो कल्चर को खराब करते हैं इसीलिए जब हम लाइव क्लास ले रहे होते हैं और कोई एक बंदा आके ना शुरू हो जाता है कुछ से कुछ शुरू हो जाएगा वो ठीक है मैं सीधा ऐसे लोगों को सीधा ब्लॉक मारता हूं कि भैया ये यूट्यूब का चैनल स्टूडेंट्स के लिए है मेरे स्टूडेंट्स के लिए जो मुझे फॉलो करते जो तो मेरे को गाली देने के लिए आए हो तो या तो तुम ट्रोल हो या भाड़े के टट्टू हो तो तुमको तो करेंगे सीधा ब्लॉक क्योंकि तुम्हारे लिए तो मैं बैठा नहीं और तुमको हमसे पढ़ना भी नहीं तो अब तुम पढ़ने वाले हो भी नहीं तुम कोई और बंदे हो जो यहाँ टाइम पास करने आए हो तो हमारी टीम को इंस्ट्रक्शन है कि कोई भी इस टाइप का ध्यान से सुनना ये भी कल्चर है कोई भी इस टाइप की कोई चीज करता हो उसको सीधा ब्लॉक मारने का ठीक है यस टेकिंग एवरी अपॉर्चुनिटी टू कम्युनिकेट टू इंप्लॉयज कल्चर को बिल्ड करने के लिए प्रॉब्लम कल्चर को खत्म करने के लिए लगातार फेस टू फेस कम्युनिकेशन मतलब यहां लीडरशिप का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कम्युनिकेशन टू द इंप्लॉयज का मतलब ही होता है लीडरशिप का रोल आपने पढ़ा ही था पढ़ाया था आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्युनिकेटिंग विद एम्प्लॉयज फेस टू फेस कम्युनिकेशन विद द विद्लॉज ठीक है फेस टू फेस और ये लीडरशिप का रोल है तो सर चेंजिंग प्रॉब्लम कल्चर के अंदर चार बातें बताइए सबसे पहले डायग्नोज करो नॉन सपोर्टिव कल्चर को रोल मॉडल स्टेब्लिश करो की एग्जीक्यूटिव को रिप्लेस करो और कम्युनिकेट करो क्लियर है याद रहेगा यस तुझे क्यों ब्लॉक मार दो भाई सर फेल भी रही रिगार्डिंग <laughs> नहीं फालतू बातें करने वाले को करूंगा मैं सच बोल रहा हूं मैं ऐसे नहीं हवा नहीं बना रहा था मैं सच्ची बोलता हूं मैंने टीम को बोल रखा है जो फालतू में डिस्टर्ब करे जिसको कि पढ़ना लिखना नहीं है अपन तो बैठे इमोशनली भावनात्मक हुए जा रहे इमोशनल बच्चे पढ़ ले बच्चे पढ़ ले और बच्चों को तो फालतू बातें करते ना सर एग्जाम सर अरे सर ये बताओ सर आपने कैप क्यों पहन रखी है इतने टिंडे लेने हैं मैं अपनी बाप का श्राद्ध करके आया हूं तो गंजा हूं हैं ऐसे ऐसे आए ना अभी पूछने के लिए मेरे से एक दिन में सेशन ले रहा था सर आप कैप क्यों पहनते हो है? सर ये क्यों करते हो सर वो क्यों करते हो सर आप मोटे क्यों हो रहे हो अरे तुझे टिंडे लेने तू मेरे कॉन्सेप्ट देख मोटे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे मेरा एक्सपीरियंस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है तूने क्या करना भाई फालतू में फालतू में कुछ से कुछ चलता रहता है कुछ से कुछ है ना आजकल नहीं आते खत्म <laughs> खत्म <laughs> आओ आ जाओ बस अब एंड होने वाला है खत्म करते हाउ कल्चर कैन आओ आओ मुद्दे पे आते प्लीज प्लीज डाइवर्ट ना करो बहुत इंपॉर्टेंट है ना ये सब चीजें एक बार करियर बन जाएगा सीए बन जाओगे फिर क्या फालतू की बातें करनी टाइम पास नहीं मुद्दे की बात सर हाउ कल्चर कैन प्रोमोट बेटर स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन ऑफ कल्चर देखो यहां पे ना हमने एक चीज देखी थी एक पॉइंट किया था Employees आर पैशनेट नर्चर एंड मोटिवेट Strategy एग्जीक्यूशन कल्चर promotes गुड strategy एग्जीक्यूशन ठीक है अब यहां पर देखो वही सेम टॉपिक स्पिन ऑफ आ गया यहाँ पे इसी इसी टॉपिक का का पॉइंट है हाउ कल्चर कैन प्रोमोट बेटर स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन ऑफ कल्चर ठीक है नंबर वन रिक्रूटिंग एंड हायरिंग न्यू मैनेजर्स एंड एम्प्लॉई हु कल्चर वैल्यूज एक ही तरीका है लोग, लोगों से बनेगा कल्चर अच्छे लोग हायर करो नंबर वन बहुत सिंपल बात है ऑल्टरिंग इंसेंटिव कंपनसेशन उन जो अच्छा कल्चर फॉलो करते हैं उनको रिवॉर्ड करो बहुत सिंपल बात है कोई मुश्किल बात नहीं है तीसरा रिवॉर्ड दो रिकग्नाइज करो प्रेज करो ऐसे लोगों की अच्छे लोग हायर करो जो अच्छा बिहेवियर करते हैं प्रेज करो ठीक है जैसे क्लास में कोई अच्छा अच्छा करता है एज ए टीचर हमें भी अच्छा लगता है उसको प्रेज करने में और जो फालतू बकवास करता है ब्लॉक मारो खत्म करो वो दूसरों को भी परेशान करेगा ठीक है परेशान क्या करेगा इतना नेगेटिव कर देगा कि दो चार बच्चे अटेम्प्ट छोड़ देंगे पाप हो जाएगा बहुत बड़ा अगर मैं उसको ब्लॉक नहीं करूंगा तो यस yes. नेक्स्ट ध्यान से देखो कम्युनिकेट टू इंप्लॉइज तीसरा तरीका है कम्युनिकेशन यूनिवर्सल तरीका है आइडेंटिफाई द सपोर्टिव एंड नॉन सपोर्टिव एलिमेंट ऑफ कल्चर आइडेंटिफाई करो कर क्या रहे हैं हम हाउ कल्चर कैन प्रोमोट बेटर स्ट्रेटी एग्जीक्यूशन अच्छे लोग हायर करो इंसेंटिवाइज करो प्रेज करो प्रमोट करो उनको रिकोगनाइज करो उनके साथ कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करो जितने सपोर्टिव नॉन सपोर्टिव एलिमेंट है उनकी स्ट्रेटजी ग्रुपिंग करो आइडेंटिफाई करो और कॉन्टिन्यूस इसको डिस्कशन में रखो इवेलुएट करते रहो सीधी सी बात है होल डिस्कशन विद ऑल कंसर्न अबाउट दोज आस्पेक्ट ऑफ कल्चर दैट हैज टू बी चेंज इवेलुएशन का पार्ट है हाउ टू मेमोराइज इट वेरी इंपॉर्टेंट वेरी वेरी हॉट सर इससे क्वेश्चन आता है वेरी वेरी हॉट हल्के में मत लीजिएगा ज्यादातर लोग इसको जनरल राइटिंग करते हैं और नंबर मिलता है जीरो बटा जीरो या वन बाय फाइव ऐसा मैं लिख के दे रहा हूं आप आईसीआई का एग्जामिनर्स कमेंट देख लेना ऐसे क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में खासकर यहां गलती होती है आपको अलर्ट कर रहा हूं फैकली क्या चाहिए भाई बताओ सर वीडियो का दोपहर तक रहेगी ना हां रहेगी कोई बात नहीं तू चिंता क्यों कर रहा है बाद में कल शाम को हटा दूंगा ठीक है कल शाम तक देख लियो ओके आ जा लास्ट याद करने का हायरिंग इन सी आई डी हायरिंग इन सी आई डी हायरिंग इन सी आई डी ठीक है हाउ कल्चर कैन प्रमोट बेटर स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन हायरिंग सबसे पहले रिक्रूटमेंट एंड हायरिंग हायरिंग इन फॉर इंसेंटिव कॉम्पनसेशन C C4, CID, C for communicate to employees, I for identify the supportive and non-supportive culture and D for discussion with all concerned, whole discussion with all concerned about those aspect of culture that has to be changed. ठीक है? Done न? Lock किया जाए, इसको भी lock किया जाए। अच्छा topic था, simple था, easy था, but understanding था। Question आते हैं, general बातें लिखते हैं, general बातें नहीं लिखेंगे, तीन चार कंपनियों के example इसलिए दिए। I think you are getting it. हार पॉइंटर्स डिटो लिखना पड़ेगा पॉइंटर डिटो लिखना पड़ेगा इसीलिए कोर्ट दिया है ठीक है रोल ऑफ कल्चर इन स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन रोल ऑफ कल्चर इन स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन यह था रोल ऑफ कल्चर शॉर्ट में यहां उसी को पढ़ रहे डिटेल में ठीक है <coughs> डिटेल में मॉड्यूल के बिटवीन द लाइंस को पॉइंट आउट करके यहां पे मैंने बनाया है ठीक है इसको रीड करेंगे मेरे साथ बस Listen to customer encouraging employee, giving a high degree of decision making authority in very conducive to is very conducive to successful execution of a strategy. Shape the mood, temperament, and motivation of the workforce, affect organizational energy, work habit, operating practices, etc. Okay, how, how culture helps in strategy execution. How culture helps in स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन ये है टॉपिक टू और कल्चर इज एन अलाय कल्चर इज एन अलाय नॉट एन ऑब्स्टिकल इसका है ये आंसर ठीक है दो तीन क्वेश्चन इसके बनते हैं ठीक है थर्ड जनरल है नर्चर्स एंड मोटिवेट्स पीपल टू डू देयर जॉब मोटिवेट करता है प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर स्टैंडर्ड एंड वैल्यू सिस्टम इन विच दे ऑपरेट एंड प्रोमोट्स स्ट्रॉन्ग एम्प्लॉइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन विद द कंपनीज विजन परफॉर्मेंस स्टाइल टारगेट एंड स्ट्रेटेजी एक्सेट्रा सर ये नया है ये वेरी वेरी हॉट है इसको सर याद कर लेंगे चेंजिंग अ प्रॉब्लम कल्चर हाउ टू चेंज देर आर फोर स्टेप्स ऑफ चेंजिंग द प्रॉब्लम कल्चर ठीक है ठीक है फोर सबसे पहला डायग्नोज विच फैसेट्स ऑफ प्रेजेंट कल्चर आर स्ट्री सपोर्टिव एंड विच आर नॉट ठीक है प्रॉब्लम कल्चर को चेंज करने के चार स्टेप स्टेप नंबर वन डायग्नोज ठीक है दूसरा कम्युनिकेट मैनेजर्स नीड टू टॉक टू द कंसर्न अबाउट एस्पेक्ट ऑफ कल्चर दैट हैज बी चेंज्ड ठीक है दूसरा कम्युनिकेट डायग्नोज कम्युनिकेट तीसरा इम्प्लीमेंट इम्प्लांट द नीडेड कल्चर बिल्डिंग वैल्यू एंड बिहेवियर तो इम्प्लांट या लिख दो इंप्लीमेंट इम्प्लांट कर दो एंड फोर्थ इम्प्लीमेंटर मस्ट इन द सपोर्टिव

वेरी वेरी हॉट इस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है थेरेटिकल भी आ सकता है रटना पड़ेगा साहब इसको आपको ठीक है यहां पे बहुत ज्यादा मेरे को कहने के लिए कुछ नहीं है ठीक है आई होप यू आर गेटिंग इट डन है लॉक करें चलो टाइम कितना हो गया ओ तेरी पता ही नहीं चला चलो कोई बात नहीं <clears throat> सर कंट्रोल के बारे में अब बताने की जरूरत नहीं है कंट्रोल यू अंडरस्टैंड कंट्रोल यू अंडरस्टैंड शॉर्ट में क्लियर है कंट्रोल सबको फिर भी शॉर्ट में शुरू करें जरा कंट्रोल का मतलब साफ है कोई भी कंट्रोल की हम बात करेंगे देयर विल बी एन स्टैंडर्ड देयर विल बी एन एक्चुअल वी विल कंपेयर वी विल गेट अ डेविएशन एंड वी हैव टू इंप्रूव एंड दैट्स व्हाई वी नीड कंट्रोल और कैसे करेंगे तो ट्रिपल पी एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर याद है पॉलिसी प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस विद ऑर्गेजेशनल स्ट्रक्चर वी आर गोइंग टू कंट्रोल गिवन आस्पेक्ट एनी गिंग ठीक है क्लियर है कंट्रोल कितने टाइप के होते हैं तीन टाइप के कंट्रोल होते हैं ध्यान से सुन लेना पहला ऑपरेशनल दूसरा मैनेजमेंट तीसरा स्ट्रेटेजिक क्या अंतर है तीनों में ऑपरेशनल कंट्रोल डे टू डे बिजनेस के लिए होता है बिजनेस एक्टिविटी के लिए होता है किसके लिए होता है डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी मतलब इन्वेंट्री कंट्रोल क्या है ऑपरेशनल है मैनेजमेंट है या स्ट्रेटेजिक है बताओ फटाफट बताओ फिनेंशियल कंट्रोल क्या है ऑपरेशनल है मैनेजमेंट है स्ट्रेटेजिक है बोलो एक्सपेंडिचर का कंट्रोल कैपेक्स ओपेक्स का कंट्रोल क्या है ऑपरेशनल है मैनेजमेंट है स्ट्रटेजिक है बताते जाओ बोलो ना इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म क्या है ऑपरेशनल है मैनेजमेंट है स्ट्रटेजिक है ठीक है ठीक है तो ध्यान से सुनो ऑपरेशनल कंट्रोल और मैनेजमेंट कंट्रोल एक दूसरे के साथ लिंक्ड है ये इसी की सब कैटेगरी है ये बहुत सारे मिलके ये बनता है समझाता हूं कंट्रोल सिस्टम डिजाइन टू इंश्योर दैट डे टू डे एक्शंस आर कंसिस्टेंट विद द एस्टेब्लिश्ड प्लान एंड ऑब्जेक्टिव मैंने कहा एडवर्टीजमेंट करो सेल्स करो मार्केटिंग करो डिफरेंट फंक्शन आर अंडर कंट्रोल ऑपरेशनल कंट्रोल डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन आर अंडर कंट्रोल सप्लाई चेन टाइम से डिलीवरी हो रही है टाइम से कॉल जा रहे हैं टाइम से कस्टमर रिलेशनशिप डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है सप्लाई चेन मैनेजमेंट अपना काम कर रहा है कस्टमर को राइट प्रोडक्ट राइट टाइम पे मिल रहा है प्लांट को राइट मटेरियल राइट टाइम पे प्रोडक्शन के लिए मिल रहा है पी टू पी का प्रोसेस ठीक से काम कर रहा है परचेज टू पेमेंट का ऑर्डर टू कैश का सिस्टम ठीक से काम कर रहा है बैंक में पैसा ठीक से जमा हो रहा है ऑपरेशनल कंट्रोल ठीक है अब सुनो मैनेजमेंट कंट्रोल मतलब ऑपरेशनल कंट्रोल ऑपरेशन जो हुआ इससे जो आउटपुट आया ठीक है उसकी परफॉर्मेंस को चेक करना उसकी परफॉर्मेंस को कंट्रोल में रखना ध्यान से सुनो बैलेंस शीट बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाता है या फिनेंशियल परफॉर्मेंस को दिखाता है थोड़ा सा मैं पूछ रहा हूँ बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाता है कि फिनेंशियल परफॉर्मेंस को दिखाता है किसको रिप्रेजेंट करता है फिनेंशियल पोजिशन को दिखाता है ठीक है उस पोजीशन तक पहुंचने के लिए जो कंट्रोल लगा होगा ऑपरेशनल कंट्रोल है डे टू डे बिजनेस का लेकिन उसके बाद जो उसकी एनालिसिस होगी रिटर्न ऑन इक्विटी पी रेशियो रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड टर्नओवर रेशियोस रेशियोज ठीक है कॉस्ट का कंट्रोल फर्दर ठीक है उसके बाद प्रोडक्ट क्वालिटी का कंट्रोल ये क्या है ये मैनेजमेंट तय करता है कि कैसी क्वालिटी हम प्रोड्यूस करेंगे क्या इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न होना चाहिए दैट इज यस यस पोजीशन को बताता है. अब आए लाइन पे तुम लोग ठीक है yes. है तो ये मैनेजमेंट कंट्रोल मैनेजमेंट कंट्रोल इज द मेजरमेंट एनालिसिस एंड एक्शन डिसीजन रिक्वायर्ड फॉर द टाइमली मैनेजमेंट ऑफ द कंटिन्यूइंग ऑपरेशन ऑफ आ प्रोसेस जैसे हमने सेट किया ईओक्यू का लेवल क्या लेवल होना चाहिए क्या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का लेवल होना चाहिए मिनिमम मैक्सिमम स्टॉक का लेवल क्या होना चाहिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल क्या होना चाहिए रेसिडुअल इनकम क्या होनी चाहिए कॉस्ट स्ट्रक्चर कैसी होनी चाहिए प्राइस स्ट्रक्चर कैसी होनी चाहिए प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए प्रोडक्ट के फीचर कैसे होने चाहिए वैल्यू क्रिएशन कितनी होनी चाहिए दैट इज मैनेजमेंट कंट्रोल ठीक है तो ये दो बातें समझ में आ गई मैनेजमेंट कंट्रोल के नीचे ऑपरेशनल कंट्रोल ये डे टू डे एकदम माइक्रो ये थोड़ा मैक्रो और ये सबका बाप ये दोनों इसी के अंडर में आते हैं स्ट्रेटेजिक कंट्रोल ये कहता है स्ट्रेटजी कैसी बनाए कि मैनेजमेंट और ऑपरेशन दोनों अच्छे से हो ये दोनों एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली वर्क करें दैट इज स्ट्रेटेजिक कंट्रोल स्ट्रेटजी सही बनाएं सही बनी कि नहीं बनी और बनी तो सही इंप्लीमेंट हुई कि नहीं हुई ट इज स्ट्रेटेजिक कंट्रोल मतलब इट्स ऑल अबाउट फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन दैट इज स्ट्रेटेजिक कंट्रोल ठीक है बात समझ में आ गई बात कल भी बताया था पिक्चर दिया था ये वेरी गुड स्ट्रेटेजिक कंट्रोल फोकसेस ऑन टू क्वेश्चन द स्ट्रेटी इज बी इंप्लीमेंटेड एज प्लान मतलब फॉर्मुलेशन इंप्लीमेंटेशन बिल्कुल बाजू में बराबर है अन रिजल्ट जो आया वो एज पर एक्सपेक्टेशन है या नहीं है और अगर नहीं है तो डेविएशन है standard और actual का और है तो रेक्टिफाई करना पड़ेगा ओटीसी वर्चुअल हुआ कि नहीं और नहीं हुआ तो क्या कमी है कहा प्रॉब्लम है पता करो उसको इंप्लीमेंट करो लेकिन ओटीसी को ओटीसी वर्चुअल बनाना है मैगी बैन हुई तो बैन से बाहर निकालना है स्ट्रेटेजिक कंट्रोल लास्ट में इवेल्युएट करके बताता है कि सर हमने सर अठारह महीने के अंदर वो 45% मार्केट शेयर ग्रैब किया कि नहीं किया नहीं किया मतलब इस स्ट्रेटजी में क्या कमी रह गई जिसकी वजह से नहीं किया फॉर्मुलेशन में रह गई कि इंप्लीमेंटेशन में रह गई मित्रों जब ये पता करके आप उसको इंप्लीमेंट करोगे दैट इज इंप्रूव करोगे दैट इज स्ट्रेटजिक कंट्रोल बोलो समझ में आया नहीं आया पहली बार सुन रहा उसको भी समझ में आ गया होगा ठीक है यस yes. अब आ जाओ स्ट्रेटजिक कंट्रोल चार टाइप के होते हैं ध्यान से सुनना कंफ्यूजन होती है सबको कन्फ्यूज होने का नहीं मैं एक एक वर्ड बोलूंगा उसको पिक कर लेना बस पहले को बोलते हैं प्रेमाइस कंट्रोल प्रेमाइस मतलब यहाँ बिल्डिंग नहीं है अकाउंटिंग वाली प्रेमाइस का मतलब है हमारे दिमाग में जो बैठा है क्या बैठा है हमारे परसेप्शन हमारे एजम्पन्स हमारे प्रजम्पशंस हमारे थॉट प्रोसेस हमारी फिलासफी हमारे वैल्यूज स्ट्रटजी तो इंसान ही बनाता है ध्यान से सुनना स्ट्रेटजी तो इंसान ही बनाता है तुम बनाओगे मैं बनाऊंगा टॉप मैनेजमेंट बनाएगा वो इंसान की भी तो सोच होती है ना बोलो ना सरकार आदमी नहीं सोच है सोच होती है उस टॉप मैनेजमेंट के बंदे की किसके बारे में इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में क्या होती है सोच जब वो स्ट्रेटजी बनाएगा उसकी सोच हावी होती है ना गट फीलिंग कहता है मेरी परसेप्शन कहती है मेरा जम्शन कहता है ऐसा होएगा बजट में ऐसा आएगा आरबीआई ऐसा करेगा है ना इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ऐसे चेंज होगा उसके बाद इसके बाद जो है कि नहीं इकोनॉमिक इंडिकेटर ये कहते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऐसा होगा मार्केट के बारे में बहुत सारा ख्याली पुला होता है जब स्ट्रेटजी बनाते हैं तो उसकी झलक भी उसमें होती है और वैसा ना हुआ तो सोचो हमने सोचा था कि मार्च महीने में तो हर साल सेल गिरती है इस बार भी गिरेगी और उस बार नहीं गिरी तो हमने सोचा था होली बहुत अच्छी होगी माल अच्छा बिकेगा और नहीं बिकी तो हमने तो स्ट्रेटजी ये सोच के बनाई थी तो बनाई तो थी अच्छी बात है अपने पास रखो लेकिन इसके लिए कंट्रोल मैकेनिज्म होना चाहिए इंटरनल इन्वायमेंट से रिलेटेड जो परसेप्शन होते हैं एजम्पन होते हैं इंटरनल प्रेमाइस होते हैं एक्सटर्नल से रिलेटेड होते हैं एक्सटर्नल प्रेमाइस होते हैं हमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्ट्रेटजी को कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करते रहना है अगर हमारे प्रेमाइसिस ठीक जा रहे स्ट्रेट लाइन तो ठीक है अगर डेविएशन हो रहे तो हमें उस उसपे कंट्रोल मजनू कंट्रोल लगाना पड़ेगा इंप्रूवमेंट उसको फ्लेक्सीबिली उस चीजों को चेंज करना पड़ेगा ठीक है समझ में आ गई बात दैट इज कॉल्ड प्रेमाइस कंट्रोल ये बच्चों को कंफ्यूज करता है आई मेड इट क्लियर ठीक है ध्यान से सुनो बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पन्स और प्रेमाइसिस अबाउट द कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट ऑर्गेनाइजेशनल इन्वाइट इंटरनल एक्सटर्नल बोथ दैट्स वाई दे आर ऑफ टू टाइप्स पीरियड ऑफ टाइम दीज प्राइसिस मे और मे नॉट रिमेन वैलिड दोनों वर्ड लिखना है मे बी वैलिड ठीक रहा तो कोई दिक्कत नहीं मे नॉट बी वैलिड मतलब देयर इज डेविएशन वी हैव टू करेक्ट इट ठीक है हमने सोचा था गवर्नमेंट बजट में सिगरेट के ऊपर टैक्स ज्यादा लगाएगी और मान लो उस बार बजट में नहीं दिया तो, तो हमारी स्ट्रेटी तो यह मान के बनी थी हमने सोचा था गवर्नमेंट इस बार इलेक्ट्रॉनिक आइटम के ऊपर से टैक्स रिबेट देगी टैक्स थोड़ा सा छूट देगी ठीक है एक्साइज कस्टम कहीं ना कहीं कुछ छूट देगी और निर्मला सीतारामन को नहीं पसंद आया इलेक्ट्रॉनिक वाले तो तो फिर हम अपनी उसके हिसाब से स्ट्रेटजी बनाएंगे अपने आप को फ्लेक्सिबली चेंज करेंगे दैट इज कंट्रोल क्लियर है यस सिंपल स्ट्रेटजिक सर्विलांस कंट्रोल दिस इज अनफोकस्ड मतलब हम नॉर्मली क्या चल रहा है कहते हैं ना क्या चल रहा है फॉग फॉग के अलावा क्या चल रहा है अभी तेरे को क्या मतलब क्या चल रहा है जब देखो क्या चल रहा है है ना तो ये होता है कैजुअल इन्वाटल ब्राउजिंग कि अगर हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन कहीं से आती है विल लुक इन टू इट एंड विल ट्राई टू इनकॉर्पोरेट इट इन टू द ऑर्गेनाइजेशनल वर्किंग स्टाइल और द स्ट्रेटजी जनरल मॉनिटरिंग ऑफ ठीक है कैजुअल ब्राउजिंग एनवायरमेंटल ब्राउजिंग जनरल मॉनिटरिंग ऑफ वेरियस सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या चल रहा है क्या चल रहा है भाई फॉक के अलावा क्या चल रहा है थप्पड़ लगेगा

अपना इंडिया पाकिस्तान ही हो गया कभी बॉर्डर पे टेंशन हो गई कभी ऑस्ट्रेलिया से दिक्कत हो गई कभी उधर आ, अपना इसराइल फिलिस्तीन हो गया कभी उधर रूस यूक्रेन हो गया तो क्या करेंगे कोई अनएक्सपेक्टेड मर्जर एंड एक्विजिशन हो गया कोई अनएक्सपेक्टेड ब्रेकअप हो गया सैया जी से आज हमने ब्रेकअप कर लिया क्यों क्योंकि मैकेज सेवेस मॉडल फिट नहीं बैठा कोई गवर्नमेंट ने कोई कोर्ट ने कोई ऐसा डिसीजन दे दिया ठीक है अब ये अनएक्सपेक्टेड इवेंट है तो इसकी वजह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी पे फर्क पड़ सकता है ना तो वी हैव टू मॉडिफाई इट फॉर दिस वी नीड अ कंट्रोल जहां जहां ब्रेक लगाने हैं कहां कहां प्रेमाइस के ऊपर सर्विलांस करके स्पेशल अलर्ट करके और नॉर्मल जब हम इंप्लीमेंटेशन करते हैं थॉर्ड बट नॉट नॉट द लिस्ट इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल भाई मेरे पास फंड कम पड़ गए ध्यान से सुनना मेरे को टॉप मैनेजमेंट चाहिए था स्टीव जॉब्स जैसा मिला ओम त्रिवेदी अब क्या करें ना मामा तो काने मामे अच्छे अब उसी से काम चलाना पड़ेगा ठीक है बात समझ रहे हो मेरी बात तो दैट इज कॉल्ड एज इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल वहां की बात कर रहा हूं डे टू डे स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करना अब आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं क्या इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल के अंदर क्या ध्यान से सुनना जो मैं बोलने जा रहा हूं क्या इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल के अंदर ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट कंट्रोल का भी रोल होगा क्या क्या वो इसी के अंडर में आएंगे क्या बोलो यस और नो क्या इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल के अंदर ही आ, आएंगे क्या ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट कंट्रोल सारे लोग बताइए जरा फटाफट नहीं बताओ नहीं तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा तुमसे बतवाने के लिए कुछ अलग ही हो गया हाँ वेरी गुड क्योंकि जब हम डे टू डे बिजनेस के अंदर अब ये क्या हो गया पता नहीं लेकिन कोई नहीं थोड़ा सा मूड स्विंग हो रहा था इधर उधर ध्यान जा रहा था अभी सेंटर में आऊंगा ठीक है तो इसका मतलब बहुत ही क्लियर है ध्यान से सुनो सारे लोग इसका मतलब बहुत ही क्लियर है कि अगर हम डे टू डे बिजनेस में किसी भी अपने टास्क को स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो डे टू डे ऑपरेशन तो होगा ही होगा मैनेजमेंट वर्क करेगी करेगी हायरार्की वर्क करेगी करेगी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा ही होगा उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना ही करना है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए ही चाहिए ओवरऑल स्ट्रेटजिक सक्सेस के लिए इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल रिक्वायर्ड है बट इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल को इंप्लीमेंट करने के लिए फाइनली अपने को ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट दोनों रिक्वायर्ड है तो वो भी कंट्रोल करना पड़ेगा तो ये बात बाजू में लिख लो नाइनटी नाइन परसेंट बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसके अंदर बाजू में लिख लो काम आएगा ठीक है ठीक है तो यहां लिख लो ऑपरेशन कंट्रोल प्लस मैनेजमेंट कंट्रोल फॉर्म पार्ट ऑफ इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल बिल्कुल सही बात इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल कंटिन्यूसलीस देशी कल बताया था कंट्रोल लगाते हैं सो दैट की स्ट्रेटीमेंटेड एट इज व्लैंड इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स असेसिंग द नीड फॉर चेंज इन द्रेटजी इन द लाइट ऑफ फोल्डिंग अन फोल्डिंग इवेंट्स एंड रिजल्ट असोसिएटेड विद इंक्रीमेंटल स्टेप्स एंड एक्शन से फंड की क्राइसिस हो गई तो फंड दो स्किल्ड मैन पावर नहीं है दो स्ट्रक्चर नहीं है तो स्ट्रक्चर लेके आओ ओल्ड स्ट्रक्चर न्यू स्ट्राटी तो नया स्ट्रक्चर लेके आओ बात समझ में आ रही है पेटेंट ट्रेडमार्क कॉपी चाहिए दो कोई कॉम्पिटेंसी कोर कॉम्पिटेंसी चाहिए लेके आओ कोई टेक्नोलॉजी चाहिए टेक्नोलॉजी लेके आओ नहीं तो स्ट्रेटी सही से इंप्लीमेंट नहीं होगी फिर गैप रह जाएगा प्लान एंड प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन के अंदर एंड दैट्स वाई वी नीड दिस नेक्स्ट टू बेसिक फॉर्म्स ऑफ इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल सर एक को बोलते हैं मॉनिटरिंग स्ट्रेटेजिक और दूसरे को बोलते हैं रिव्यू ध्यान से सुन लेना इस बात को मोनिटरिंग स्ट्रेटेजिक प्रोग्रेस करनी चाहिए थी वैसे प्रोग्रेस कर रही है या उसमें कोई री एडजस्टमेंट की जरूरत है मतलब सारा सप्लाई हो रहा है उसी को दोबारा से बोल रहे हैं दो तरीके से सब कैटेगराइज कर दिया इंस्टीट्यूट ने टू बेसिक फॉर्म्स ऑफ पहला है कि जैसा हमने प्लान किया था वैसी स्ट्रेटजी प्रोग्रेस कर रही है इसका हमें पता कैसे चलेगा हम रिव्यू करेंगे ठीक है रिव्यू कैसे करेंगे माइलस्टोन रिव्यू करेंगे एक चीज होती है कंपनियों के अंदर जिसे हम कहते हैं बैलेंस्ड स्कोर कार्ड ध्यान से सुनना टॉर्म दे रहा हूं इससे आपको यह चीज याद रहेगी क्या होती है बैलेंस्ड स्कोर कार्ड बोलो ये सिलेबस में है कहना वही चाहता है दूसरे तरीके से आपको ये बात वर्ड पता चल गई तो कोई दिक्कत बैलेंस्ड स्कोर कार्ड कंपनी अपने स्ट्रैटी को डिपार्टमेंट वाइज फंक्शन वाइज एंड प्रोसेस वाइज स्ट्रेटजी को बाइफर्केट करती है तोड़ देती है टुकड़ों में फाइनेंस स्ट्रैटी मार्केटिंग स्ट्रैटजी ऑपरेशंस की स्ट्रैटी सेल्स की स्ट्रैटी प्रोडक्शन की स्ट्रैटी समझ में आ गई बात और बाकी एच की स्ट्रैटेजी अकाउंटिंग की फाइनेंस की स्ट्रैटी एटसेट्रा एटसेट्रा और इनको मंथली वीकली क्वार्टरली फोर्थ मॉनिटर करती है क्या करती है मॉनिटर और एक चार्ट बनता है उसमें चेक करती है कि हमारा टारगेट था थर्टी परसेंट इस क्वार्टर में अचीव करने का किया कि नहीं किया हर हर टाइप के स्ट्रेटजी को तो टोटल जो कार्ड बनता है बैलेंस्ड स्कोर कार्ड जस्ट लाइक योर मार्कशीट तो कंपनी के पास ये होती है और बेंचमार्क सेट कर लेती है माइल सॉरी सेट कर लेती है फर्स्ट क्वार्टर में थर्टी दूसरे क्वार्टर में थर्टी चौथे क्वार्टर में सेवेंटी फाइव तक पहुंचना है और उसके बाद हमें न, लास्ट क्वार्टर में ट्वेंटी करना है ठीक है और ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ दिसंबर तक हमें बजट अपना टारगेट पूरा कर देना है इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ दिस बैलेंस्ड स्कोर कार्ड माइल स्टोन रिव्यू देखना अब पढ़ता हूं अब समझ में आ जाएगा ऐसे नहीं समझ में आता

तो क्या करेंगे पांच परसेंट बढ़ाने के लिए करेक्टिव एक्शन लेंगे तो दो चीजें हो गई इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल के अंदर मॉनिटरिंग स्ट्रेटेजिक थ्रस्ट एंड दूसरा माइलस्टोन स्टोन रिव्यू डन लॉक किया जाए थैंक यू एनी क्वेश्चन सो फार यहां तक कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में अगर चल रहा हो यहां तक कोई भी क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में चल रहा हो ठीक है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है सानिया लिमिटेड वाला ऑटोमोबाइल कंपनी वाला क्वेश्चन ठीक है आपके लिए होमवर्क है ये आप लिखोगे और ये मुझे आप भेजोगे कहां भेजोगे इस पे भेजोगे ठीक है ये क्वेश्चन क्वेश्चन ऑफ द डे आप भेजोगे अब मैं एक चीज शुरू करने वाला हूं अपार्ट फ्रॉम योर टेस्ट सीरीज आज रात को टेस्ट डाल दूंगा आपका सबको बताना चाहता हूं एक मिनट अब दिमाग नहीं बचा मुझे पता है अब दिमाग तुम्हारा सेच्युरेट हो गया मेरा भी सैचुरेट हो गया ये क्या जोकरबाजी कर रखी है हटा इसको ठीक है यस तो क्या है कि आ, एक तो आज टेस्ट आपका रात को प्रिपेयर करके डाल दूंगा कल मॉर्निंग उठोगे तुमको टेस्ट मिलेगा वन स्टॉप सॉल्यूशन बैच पे भी मिलेगा उधर भी मिलेगा और टेलीग्राम वगैरह व्हाट्सएप सब जगह डाल दूंगा ठीक है टेलीग्राम पे देख लेना वहां डल जाएगा कोई दिक्कत नहीं कॉमन होगा और एक क्वेश्चन पर डे मैं अब डालना शुरू करूंगा आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर और एम सी क्यूज एक्सेट्रा प्रैक्टिस के लिए सो दैट कि आपको थोड़ा ध्यान आता रहे हाँ ये क्वेश्चन सर ने डाला चुन चुन के क्वेश्चन डालूंगा ठीक है हाँ आज का सेशन अब खत्म कर रहा हूं एक छोटा सा टॉपिक रह गया है बहुत इजी टॉपिक है ये आप थोड़ा सा करने की कोशिश करना जब मैं चैप्टर फोर जो कल कराऊंगा चैप्टर फोर कल का टारगेट है कल टेस्ट दूंगा सुबह सुबह रात को दे दूंगा सुबह मिल जाएगा आपको ठीक है तो कल टेस्ट करना आप आराम से चैप्टर फाइव का बैठ के सारे लोग ध्यान से सुन लीजिए आगे का प्लान ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कशन ठीक है चैप्टर नंबर फाइव का टेस्ट विल बी अपलोडेड ऑन वन स्टॉप सोल्यूशन एज वेल एज टेलीग्राम व्हाट्सएप सारे जगह डाल दूंगा जो जहां एक्सेस कर सकता है मिल जाएगा कल चैप्टर फोर होगा उसमें एसपीएम वाला टेक्निक जो मिनट लगा के पहले उसको कवर करूंगा फिर चैप्टर फोर एक दिन में हो जाएगा ठीक है और उसके अगले दिन चैप्टर फोर का टेस्ट आ जाएगा टेस्ट करके ओ टीसी एजुकेशन डॉट कॉम पे आपको सॉरी एट जी मेल डॉट कॉम पे आपको शेयर कर देना है मैं फिर बता रहा हूं आपको बार बार बता रहा हूं रुक जाओ हाँ और वन क्वेश्चन अ डे ये मैं टेलीग्राम पे डालना शुरू करूंगा टेलीग्राम का लिंक जो ये अभी आपको इसके ऊपर दिया हुआ है ना अभी नोट्स वाला जो लिंक है यही टेलीग्राम है हमारा ओम त्रिवेदी वाला एफ एम एस एम विद ओम त्रिवेदी उसी पे डालना शुरू करूंगा रुक जाओ एक मिनट रुक जाओ अब अब टॉपिक नहीं अब पढ़ाऊंगा नहीं बिल्कुल अब दिमाग से स्टॉप हो गया हूं मैं वन क्वेश्चन डे इधर डालना शुरू करूंगा ठीक है ये आपको केयरफुली देखना है इसमें एफ के भी होंगे और एस के भी होंगे दोनों के क्वेश्चन डालूंगा डेली ये पांचों चैप्टर्स कंप्लीट करने के बाद मैं एक कॉम्प्रिहेंसिव सेशन लगाऊंगा एमसीक्यूज़ का जिसमें सुपर 250 एमसीक्यूज़ कराऊंगा ये पांच हजार पे भारी होंगे मैं आपको लिख के दे देता हूं आज 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 ही आज, दे, दे देता हूं नहीं एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन आप एक लिखो ना एक तो लिखो पहले पहले तो एक ही लिख लो वही बहुत है मैं कहता हूं दस मिनट ही लगाने का ज्यादा नहीं ढाई सौ एमसीक्यू का एक सुपर सीरीज करा दूंगा एक दिन में करा दूंगा एक सेशन करके पांच घंटे छह घंटे जो भी लगेंगे एक दिन में कर लेंगे उसके बाद एक सेशन लगाऊंगा सिक्स आवर्स का किसी दिन पकड़ के मैराथन ठीक है उसमें हम केसेस कर लेंगे केस स्टडीज ठीक है केस स्टडीज कर लेंगे सो so दैट कि अपने को एस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए उसके बाद मैं जब पाँच छः तारीख से एफ शुरू होऊंगा तो फिर मैं एस पे लौट के नहीं आऊँगा मैं आपको बता देता हूँ फिर पूरा पूरे बीस दिन ट्वेंटी डेज क्योंकि एफ में प्रैक्टिस बहुत चाहिए 20 डेज में ओनली एफ आपको रिवाइज एंड प्रैक्टिस कराऊंगा जो भी क्वेश्चन मेरे को लगेंगे अच्छे अच्छे और एक बात और ध्यान से सारे लोग सुन लें एफ जो अब पढ़ना है और जो पहले पढ़ना था डिफरेंस है एफ में दो चीजें क्लास के अंदर जो मैंने यूज किया है लेटेस्ट रिकॉर्डिंग के अंदर एक तो मासियों को बहुत ध्यान रखना है जहां जहां मासी मार्क करी है मार्किंग स्कीम ठीक है मार्किंग स्कीम और जहां जहां एमपी सर बोले हैं उनको नोटिंग करके रखना है जहां जहां एमसीक्यू पॉइंट है क्योंकि अब तो एमसीक्यू भी आएंगे और मार्किंग स्कीम इंपॉर्टेंट हो जाएगी और खास करके जो स्मॉल क्वेश्चंस हैं जो फाइव मार्क्स की कैटेगरी में फिट बैठते हैं अरे दस बीस वाले तो करते ही करते हैं ना क्योंकि एफ में जब तक बड़े क्वेश्चन नहीं करेंगे वो तो नॉर्मल कोर्स है वो तो करना ही करना है उसके लिए तो डिबेट नहीं करना क्यों सर बड़े वाले नहीं करेंगे क्या अरे बड़े वाले तो करना ही है लेकिन जो स्मॉलर वन जो होते हैं ना देखने में छोटन लगे घाव करे गंभीर वैसे वाले क्वेश्चंस को स्पेशली मार्क कराया हुआ है जहां जहां उसको ध्यान रखना है उसको नजर से देख लेना इसमें क्या ट्रिक है इसमें क्या ट्रिक है इसमें क्या ट्रिक है इसमें, ट्रिक है, इसमें कौन सा वेरिएशन है इसमें क्या नया ट्रीटमेंट था तो यू नीड टू नो तो आपको अवेयरनेस रहनी चाहिए ठीक है थैंक यू देवा प्रियो आध्या चिराग आ, हाँ, FM, उसके बाद, उसके बाद रुको कोई बात नहीं एस एम के हा एफएम के एमसी क्यू वेरी गुड क्वेश्चन श्रेया थैंक यू एफ एम के दो हजार एम सी क्यूज मैंने रेडी किए कर दिए कर दिए गुड न्यूज इसकी चार्ट रेडी नहीं है जिस तरह से एस एम का रिवीजन करा रहा हूं चार्ट देता जा रहा हूं उसका भी वैसे ही आएगा ये ऑलरेडी कर चुका हूं और ये ऑलरेडी हमारे ओटीटी प्लेटफॉर्म ओ वर्चुअल पे अपलोड हो रही है और आपको हैंड ओवर कर दिया जाएगा टिक 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 करके करने के लिए एमसीक्यू करने के लिए कोई बुक की जरूरत नहीं है उस पर लगभग लगभग बारह सौ एस एम के एमसीक्यू बहुत बड़ा बैंक तैयार करा रहा हूं एक बंदा बैठा हुआ है पिछले एक महीने से सिर्फ इसी को अपलोड करने के लिए एक एक क्वेश्चन अपलोड करना पड़ता है उसके ऊपर और लगभग 2000 हजार एफ एम के एमसीक्यूज का पूरा बैंक बना के अगले चार पांच दिन के अंदर आपके हवाले कर दूंगा आप जितनी प्रैक्टिस करना चाहो जब जब फ्री बैठो आप क्वेश्चन करते रहो एंड दिस विल बी अनलिमिटेड स्टॉक इफ यू स्टिल नीड मोर आई विल प्रोवाइड यू मोर एंड दैट आर क्रिएटेड बाई मी हाँ संडे सुन्डे सब सब सेशन रहेगा कोई संडे ब्रेक नहीं कुछ नहीं अब मेरी छुट्टियां खत्म हो चुकी है मैं ऑलरेडी बहुत लंबी छुट्टी से आया हूं एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ मेरी एनर्जी सिर्फ मेरी नहीं है सिर्फ मेरी नहीं है ये मेरी एनर्जी आपकी एनर्जी है आप एनर्जी देते हो ये एनर्जी आती है और इसीलिए हम लंबे-लंबे सेशन इतने चौड़े होके करते हैं बिना ब्रेक के और आप भी करते हो आप भी बैठते हो टाइम देते हो वैल्यूएबल ठीक है मेरी एनर्जी ये वाले भाई साहब की भी है ठीक है ये ऐसे ही थे कोई काम में लग जाते थे तो दिन महीने साल गुजरते जाएंगे हुं? हम तो तेरे प्यार में जीते मरते जाएंगे वो थकते ही नहीं थे तो वही ट्रांसफर हुआ है जेनेटिक है तो वी आर गोइंग टू लिव विथ दिस है ना इन द मेमोरी ऑफ माई फादर आई एम डूइंग दिस वी आर प्राउड ऑफ आर सेल्फ एंड आई एम प्राउड ऑफ यू ठीक है तो चलते चलते एक तुम्हें कुछ नया लिखा है सुना देता हूं चलते चलते खुश हो जाओगे तुम थोड़ा मोटिवेट कर देता हूं किसी ने कभी किसी ने कभी क्लास के बच्चों ने सुना है जो बच्चे नहीं सुना है वो सुन ले थैंक यू थैंक यू थैंक यू किसी ने कभी नदियों को समंदर का रास्ता बताया क्या कभी देखा है नदी को समंदर तक पहुंचने के लिए कोई रास्ता बताता है बहन आ जा मेरे पीछे पीछे ये रास्ता है तू समंदर तक पहुंच जाएगी बे ऑफ बंगाल में गिरेगी ऐसा तो वहीं से थॉट आया और आई रोट इट एकदम ओरिजिनल है किसी ने कभी नदियों को समंदर का रास्ता बताया क्या उसने कभी आपसे पूछकर बहने का रास्ता बताया क्या बनाया क्या उसने कभी आपसे पूछकर अपने बहने का रास्ता बनाया क्या नदी ने कभी पूछा है कि मैं इस रास्ते से जाऊं कि उस रास्ते से आपको भी किसी से पूछने की जरूरत है क्या आपके लिए है हम सब के लिए है हम सब के लिए है ये ठीक है आपने अपनी मंजिल को पाने के लिए अपने जुनून और जज्बे को बढ़ाया क्या सवाल पूछ रहा हूं आपने अपनी मंजिल को पाने के लिए जुनूनों जज्बा बढ़ाया क्या कब अक्ल आएगी तुम्हें अब थोड़ी सी डांट सुन लो कब अक्ल आएगी तुम्हें कभी मासूम परिंदों को तुम्हारे जैसे कभी मासूम परिंदों को किसी ने आसमान में उड़ना सिखाया क्या चिड़िया अपने बच्चे को उड़ना थोड़ी सिखाती है धक्का मार देती है छोड़ देती है उड़ो वो उड़ना शुरू करते हैं सपोर्ट देती है टू सपोर्ट यू कभी मासूम परिंदों को किसी ने आसमां में उड़ना सिखाया क्या किसी ने कभी नदियों को समंदर का रास्ता बताया क्या तो नदी की तरह बहो और समंदर में जाके मिलो ठीक है आपको किसी से किसी की मदद लेने की जरूरत नहीं है यू आर सेल्फ सफिशियंट एंड एंड ऑफ दिस चैप्टर आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ दो सेशन में चैप्टर नंबर फाइव सबसे टेक्निकल टेक्निकल नहीं सबसे ऐड़ा चैप्टर सबसे बोरिंग चैप्टर सबसे थकाऊ चैप्टर सबसे कम पहुंचने वाला चैप्टर सबसे लेंदी चैप्टर और सबसे घटिया लिखने वाला चैप्टर क्योंकि इसमें हम बहुत ज्ञान बांटते हैं जनरल जबकि इसमें जनरल कुछ भी नहीं है इसमें सब स्पेसिफिक है आई होप आई मेड इट की टॉम बेस्ड आई आई बेस्ड स्टडी फॉर यू कैसा लगा अब आप फीडबैक दे दो ठीक है हुआ ये चैप्टर नंबर फाइव यू आर सेटिस्फाइड टेल मी थैंक यू प्यू थैंक यू प्यूस थैंक यू ये वाला हां अपलोड कर दूंगा ये वाला डोंट वरी सेव कर रहा हूं अपलोड कर दूंगा चैप्टर नंबर फाइव आपको आपके हिसाब से जितने आपके परेशानियां थी सबको कवर करते हुए कंप्लीट किया क्या हमने एक बार बता दीजिए रेस्ट इज ऑल राइट आई थिंक वी हैव डन इट बढ़िया थैंक यू थैंक यू प्रिंसी थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, यू मस्त हो गया ठीक है अब ऐसे ही चैप्टर फोर करेंगे वो थोड़ा इससे आसान है चैप्टर थ्री करेंगे वो थोड़ा और आसान होगा टू थोड़ा सा लेंदी है बड़ा है टेक्निकल भी है करेंगे और वन बहुत आसान है ठीक है चलो एंड करें हंसते रहो मुस्कुराते रहो जिंदगी जीते रहो अपना अपनों का अपने दिल का बहुत सारा ख्याल रखो यू आर वॉचिंग एफ एम एस एम विद ओम सी यू थैंक यू बाय सी यू